न सो so आज हम डिस्कस करेंगे इंपायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऑलरेडी चार लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिया था एंड वो सारे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया आपने रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा दिया एंड इसी के चलते मैंने सोचा इंपायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स भी बनता है तो मैंने पूरा इंटायरली यहाँ पर हम कवर कर पाएंगे पूरा इंटायरली आपका कंसेप्चुअली कवर होगा ऐसा नहीं कि मैं बस काम चलाओ पढ़ूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं इसलिए मैं थोड़ा टाइम भी ले रहा हूँ यहाँ पर मैं ताकि मैं आपको कंसेप्चुअली सब कुछ समझा सकू कि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन क्यों ना है भले स्टडी मेटेरियल है वो तो कवर करेंगे हम सारा और भले इसके बाहर से भी कुछ है तो वो भी आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सको तो ये टॉपिक आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पूरा इजी हो जाएगा अल्टीमेटली अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स देख लोगे हंड्रेड परसेंट आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ग्रेप आ जाएगा तो चलिए ये तो बात होगी इसके अलावा हमारे एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी आप में से बहुत जिन्होंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है जो कि आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा आप प्ले स्टोर में जस्ट सर्च करोगे जगाती डिजिटल एजुकेशन इसका नाम भी यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया हुआ है आप जगाती डिजिटल एजुकेशन सर्च करोगे प्ले स्टोर में वो हमारे एप्लीकेशन आप उसे डाउनलोड कीजिए एंड वहां पर टिल ट्वेंटी से, सेकंड से में टिल ट्वेंटी सेकंड में टू लेक्चर्स हमारे सारे फ्री है जो कि करीबन सिक्स मंथ से फ्री ही चल रहे वो सारे फ्री उसके बाद हम उसे लॉक कर देंगे एंड उसके बाद वो पेड कोर्सेज बन जाएगा इसके बावजूद भी कहीं पर कोई एक आध कंटेंट जो रहेंगे या फिर कुछ कुछ मिसलिनियस कंटेंट रहेंगे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे भले आर टी पी एम टी पी के उसका भी हम एक फ्री रिसोर्सेज का फोल्डर क्रिएट करेंगे वहां पर तो वहाँ पर आप डाउनलोड करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा बहुत सारे कुछ कुछ फ्री कंटेंट भी हम अलग से रखने का प्लान कर रहे हैं जहां पर हम प्रीवियस आर टी पी वगैरह का हम पर क्वेश्चन रखेंगे ताकि आप उसे आराम से वहां पर देख सको तो डाउनलोड ना करना बोले डाउनलोड जरूर कीजिएगा हमारा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा और इसका जो पीडीएफ है इसका पीडीएफ भी आपको एदर हमारे एप्लीकेशन से आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वहां पर भी आपको मिलेगा दोनों में से एक जगह वहां पर डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक रहेगा तो चलिए ना बेहतर तरीके से अभी हम स्टार्ट करते हैं इम्पायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एवरीवन मेरा नाम प्रतीक जगाती और आज हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे एम्पायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स डेट इज ये टॉपिक हमें ये समझाएगा कि जो फाइनेंशियल एसेट्स है उनका भी इम्पायरमेंट कैसे करोगे तो अब मुझे पूछोगे कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी का क्या हुआ इक्विटी का क्या हुआ उसका भी इंपायरमेंट करना है कैसे बता दो तो मैं आपको बता दूं फाइनेंशियल लाइबिलिटी का इंपायरमेंट होता ही नहीं और इक्विटी का भी इम्पायरमेंट होता ही नहीं उसकी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमने हमेशा पहले पढ़ा था कि प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट का इंपायरमेंट करना हमें इंडेस थर्टी सिक्स ने सिखाया था है ना इंटेंजिबल एसेट्स का भी इंपायरमेंट करना हमें इंडेस थर्टी सिक्स ने सिखाया और भी वैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह का भी इम्पायरमेंट होता है यानी एसेट्स का का हम हम करते करते हैं कभी नहीं क्यों नहीं करते क्योंकि एसेट्स देखो हमें मिलना होता है तो स्टैंडर्ड को लगता है कि कहीं हमने ज्यादा ओवर वैल्यू करके तो नहीं दिखा दिया जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक आईपैड है मेरे पास एक आईपैड है मैंने वन लाख रुपीज दे खरीदा और मुझे लगता है इस आईपेड को मैं फाइव ईयर तक यूज करने वाला हूँ तो मैंने क्या किया मैंने सिस्टमेटिकली स्ट्रेट लाइन अप्रिशिएट करना चालू कर दिया और वन बाद मैंने ट्वेंटी कर दिया और वो, का जो है, वो कितने का मतलब नया आईपैड जो लॉन्च किया मान लो वन लाख रुपीज से ज्यादा का लेकिन उसको लॉन्च नया वाला मॉडल लॉन्च करने की वजह से जो मेरे पास एग्जिस्टिंग आईपैड है जो पुराना मॉडल है वो हो चुका है उसका मार्केट प्राइस ही हो गया सिक्सटी थाउजेंड रुपीज यानी कोई नया खरीदने को, खरी को जाए तो, मैंने मैंने तो रहेगा पर आप बताओ क्या मैं बैलेंस शीट में एट्टी थाउजेंड का आईपैड दिखा रहा हूँ क्या वो गलत नहीं है क्या वो ट्रू एंड फेयर यूज हो कर रहे हैं बिलकुल भी नहीं कर इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें उसे आज फेयर वैल्यू में फिर से दिखाना पड़ेगा या डेट तो इज उसका इंपायरमेंट करना पड़ेगा उसका रिकवरेबल अमाउंट हम निकालते हैं है ना उसका रिकवरेबल अमाउंट हम निकालते यानी फ्यूचर में हमें क्या बेनिफिट देगा उसका प्रेजेंट वैल्यू जिस तरीके से हम निकालते हैं है ना इंडेस थर्टिसिक्स के हिसाब से उसका रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं तो डेट तो मीन्स कहने का मतलब ये इंडेस थर्टिसिक्स हमें बहुत सारे टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स का कैसे इंपायरमेंट करना है वो हमें समझा देते हैं वैसे यहां पर जो फाइनेंशियल एसेट्स उसका क्या उसका भी क्या इंपेयरमेंट होना चाहिए ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक लोन दिया फिफ्टी लाख रुपीज का फिफ्टी लाख रुपीज का मैंने आपको लोन दिया तो ऑब्वियसली बातें अपने बुक्स में क्या दिखाऊंगा तो एसेट्स दिखाऊंगा डेट इज फाइनेंशियल एसेट दिखाऊंगा कि फाइनेंशियल एसेट मेरा फिफ्टी लाख रुपीज का है यानी ये पैसा मुझे फ्यूचर में मिलेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जो भी मिल मुझे फ्यूचर में मिलेगा ये पैसा पर माइंड भी ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आप डिफॉल्ट कर जाओ मुझे पैसा ही ना तो

तो मुझे जोर का झटका ना लगे मुझे थोड़ा कम झटका लगे क्योंकि मैं पहले से ही क्या कर रहा था फोरकास्ट करके रखा हुआ था कि मेरा पैसा यहाँ डूब सकता है ये ये जो आपका स्टैंडर्ड आने का पीछे रीजन भी है क्योंकि आप देख सकते हो ज्यादातर बैंक्स वगैरह में बाहर की बहुत सारी कंपनीज में ऐसा हुआ है कि वो क्या करते लोन वगैरह दे देते है ना या फिर अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर देते और उस कंपनी की हालत अचानक से खराब हो जाती है पूरा अचानक से पूरा का पूरा पैसा हमारा डूब जाता है और पूरा बैलेंस में डायरेक्टली उसी टाइम में एंड में हम उसे पीएल में दिखाते जब सब कुछ खत्म हो चुका रहता है तो इसलिए कहता है कि आप क्या करो पहले से ही अनुमान लगाओ पहले से ही फोरकास्ट करो और आप उसका प्रोविजन बनाओ आप उस इंपायर उस फाइनेंशियल को आप क्या करो इम्पायर कर दो यानी कहने का मतलब ये कि अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूँ लोन पे फॉर ए पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स तो मैं क्या करूंगा मैं हर साल प्रोविजन बनाऊंगा मैं हर साल ये अनुमान लगाऊंगा कि क्या चांसेस है कि मेरा पैसा पूरा आएगा अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मेरा पैसा पूरा नहीं आएगा मेरा पैसा थोड़ा डूब सकता है तो जितना मुझे लग रहा है कि मेरा पैसा डूब सकता है उतना पैसा मैं क्या करूंगा प्रोविजन बनाऊंगा डेट इज मैं लॉस अलाउंस क्रिएट करूंगा उसका क्या करूंगा मैं लॉस अलाउंस क्रिएट करूंगा मैं उसका तो इसलिए यहां पर यह स्टैंडर्ड आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स का इंपेयरमेंट करना सिखाएगा

इक्विटी तो खैर मुझे चुकाना भी नहीं आपको पैसा उसका हम फेयर वैल्यू का भी इतना बड़ा रोल रहता नहीं मैंने आपको समझाया था जब हम इक्विटी अकाउंटिंग करते हैं तो फेयर वैल्यू का भी रोल इतना कुछ खास रहता नहीं है तो इसलिए इक्विटी में तो इंपेयरमेंट का भी होता भी नहीं है और फाइनेंशियल लाइबिलिटी का भी कभी इंपेयरमेंट नहीं होगा यानी कुल मिला के मुझे आपको बस इतना समझाना है कि इंपेयरमेंट होगा ध्यान रहे किसका होगा सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स का इंपेयरमेंट होगा और किसी चीज का इंपेयरमेंट होने से रहा उसका इंपेयरमेंट नहीं होना तो आगे हम प्रोसीड करते हैं कि हम फाइनेंशियल एसेट को इंपेयर करेंगे तो हम कैसे करेंगे बात है आप इसका दूसरा नाम भी दे सकते हो कह सकते हो कि जैसे प्रोविजन बनाते थे ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम बनाते थे हालांकि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम जनरली किस पे बनाते थे हम बनाते थे डेटर्स पे ट्रेड रिसीवेबल्स पे हम बनाते थे

यानी रिड्यूस करना वैल्यू को रिड्यूस करना हमेशा ध्यान में रखना इंपेयरमेंट का मतलब ही होता है वैल्यू को रिड्यूस करना इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है वैल्यू को हमेशा रिड्यूस करना होता है और एक बात हमेशा ध्यान में रखना हमने पहले से पढ़ा हुआ होन में मैंने पढ़ाया था जब कभी भी हम वैल्यू को गिराते हैं ना तो उसका कॉरिस्पोंडिंग इंपैक्ट हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस पे देते हैं यानी इंपेयरमेंट का मतलब वैल्यू को आप गिराओगे और अगर आप वैल्यू को गिराओगे तो उसका कॉरिस्पोंडिंग इफेक्ट क्या आप ओसी में कभी दिखा सकते हो नहीं हम हमेशा उसे प्रॉफिट एंड लॉस पे दिखाएंगे क्योंकि जब कभी भी हम वैल्यू गिराते हैं तो उसका इंपैक्ट हम पीएल में दिखाते हैं यानी पीएल को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो इसलिए इंपायरमेंट जो भी होगा वो कहां पर जाएगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ये समझना है यह हमेशा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा क्यों स्टैंडर्ड ऐसा क्यों करते हमने पहले भी समझा हुआ स्टैंडर्ड ऐसा इसलिए ऐस करता है क्योंकि स्टैंडर्ड को लगता है कि अगर मैं एक एंटिटी हूं तो मैं अपने यूजर्स की आंखों में धूल झोंक सकता हूं मेरे प्रॉफिट कम है पर मैं ज्यादा दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ किसको मेरे यूजर्स को मेरे यूजर्स कौन होंगे मेरे शेयर होल्डर्स हो गए मेरे शेयर होल्डर्स होंगे मेरे डिबेंचर होल्डर्स हो गए मेरे क्रेडिटर्स हो गए कोई भी हो सकता है यूजर्स जो है ना जिसका कहीं ना कहीं हमारे कंपनी पे आ, कुछ ऊपर नीचे होने पर उनका इंपैक्ट पड़ सकता है यानी बाकी यूजर्स भी जो हमारी कंपनी में पैसा लगाने पर इंटरेस्टेड है पर सोचो उनको उन्हें अगर सच्चाई पता चल गई कि हम इतना कुछ अच्छा काम नहीं करे तो वो पैसा नहीं लगाएंगे ना तो हम क्या करते है? हम जान मुझके प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करते उसे क्या होगा अगर आपका सेट्स लिस्टेड है तो उसका प्राइस भी बढ़े बढ़ा हुआ दिखेगा आपका तो इसीलिए स्टैंडर्ड पूरा का पूरा इंडिया हमेशा ये कोशिश करता है कि क्या आपने प्रॉफिट को अननेसेसरीली बढ़ाया तो गवर्नमेंट हमेशा इस की निगाहों से आपको देखता है कि क्या आपने प्रॉफिट को कम लेकिन स्टैंडर्ड कभी भी इस तक की निगाहों से नहीं देखता स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि ये स्टैंडर्ड हमेशा इस डाउट में रहता है इंडेक्स कि क्या आपने प्रॉफिट को बढ़ाने का कोशिश किया इसलिए कोशिश करता है कि आपका प्रॉफिट गिरा हुआ है तो इसलिए आप देखो यहां पर इंपायरमेंट होगा तो एसेट का वैल्यू गिरेगा यानी प्रॉफिट भी गिरेगा तो प्रॉफिट गिरेगा तो गिरे हम कहां दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे तो चलिए हमें ये समझा अब आगे मैं आपको समझा दू मैंने ऑलरेडी आपको पहले समझाया था कि फाइनेंशियल एसेट्स को जब हम मेजर करते हैं समझो ना हम फाइनेंशियल एसेट्स को अलग अलग मतलब मेथड से मेजरमेंट करते हैं हम फाइनेंशियल एसेट्स को मेजर करते हैं एट एमोटाइज कॉस्ट मेथड हम फाइनेंशियल एसेट्स को मेजर करते हैं एट एफ फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम फाइनेंशियल एसेट्स को मेजर करते हैं एफ से फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रेहेंसिव इनकम तो अलग अलग मेथड से मेजरमेंट करते ये तो आपको पता है तो यहाँ पर भी अलग अलग मेजरमेंट में अलग अलग इम्पैक्ट आना तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वो फाइनेंशियल एसेट जो मेजर होगा थ्रू एफ यानी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इससे पहले आप दिमाग में ये डाले ना मैंने आपको ये समझा था कि जो कोई भी इंपायरमेंट लॉस का वैल्यू आएगा जितना भी आप इंपायरमेंट लॉस का वैल्यू डिटरमाइन करोगे कैसे डिटरमाइन करोगे ये हमारा मुद्दा भी नहीं ये मैं आपको समझाऊंगा कि हम कैसे इंपायरमेंट लॉस निकालेंगे यानी ये जो हम बात करें कि फाइनेंशियल एसेट्स को इम्पायर करना है ये हम कैसे करेंगे ये भी मैं आपको समझाऊंगा इसका आपको टेंशन नहीं ले रहे पर आप समझो अगर आपने इंपायरमेंट कर दिया फाइनेंशियल एसेट्स को अगर अपने फाइनेंशियल एसेट्स को इंपायर कर दिया तो आप कैसे इंपायर करोगे

मैंने आपके लिए नोट्स ही पूरा बना दिया है जहां पर बैलेंस शीट वगैरह ये सारा चीज मैं आपको समझाऊंगा आप देख सकते हो मैंने बैलेंस शीट वगैरह भी बहुत सारा बनाया ताकि मैं आपको समझा सकूं प्रॉपर तरीके से आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हंड्रेड परसेंट मिलेगा पर मुझे अब आपको क्या समझाना मैंने आपको कहा कि मान लो फाइनेंशियल एसेट्स को अगर मैं मेजर करता हूं एट हूँ इसका मतलब क्या है मेरा जो फाइनेंशियल एसेट्स है वो एवरी ईयर मेजर होगा एट फेयर फेयर वैल्यू वैल्यू एवरी रिपोर्टिंग पीरियड एंड में में मैं उसे दिखाऊंगा

क्या इसके अंदर सब इंपायरमेंट लॉस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है यस सब कुछ हो चुका है क्योंकि मैं फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर रहा हूं आप कहोगे कि एफ बी टीओ सी में भी तो ऐसा ही करते हैं रुक जाओ उसके बारे में बात करेंगे पर मैं अभी आपको समझाना चाहता हूं एफ बी टीपीएल तो मेरा कहना यह कि अगर मान लो ये चार लाख की जगह बाद में मान लो फिफ्टी थाउजेंड ही हो गया तो डिफरेंस क्या है वो भी पीएल में जाएगा कितना फोर लैख्स थाउजेंड यानी थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड भी कहां चला जाएगा पीएल में जाएगा बाद में एंड में हमें पता चला कि इसका फेयर वैल्यू जीरो है

फाइनेंशियल एसेट्स को करता करता अलग से करता तो उसका अगर कोई इंपायरमेंट लॉस भी आता तो वो भी कहां जाता पीएल में तो जाता पीएल में जाता इसलिए आपको पता स्टैंडर्ड आपको क्या कहता है स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो भी फाइनेंशियल एसेट्स को आपने मेजर किया एट एफ बी टीपीएल फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसमें जरूरत नहीं है स्टैंडर्ड को लगाने का यानी नहीं स्टैंडर्ड का कोई जरूरत ही नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जब हम फाइनेंशियल एसेट्स को मेजर करते हैं एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना जब हम एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल एसेट्स को मेजर करते हैं तो वैसा सिचुएशन में ऑलरेडी जो भी आपका डिफरेंसेस होता है वो सारा पीएल में चला ही जाता है और ये फेयर वैल्यू मेजर करने के अंदर इसी के अंदर जो भी इम्पायरमेंट लॉस का प्रोविजन वगैरह कुछ बनना है वो बन चुका है इसी के अंदर ऑटोमेटिकली बन चुका है इसी के अंदर तो आपका इसी के अंदर क्या है ऑलरेडी प्रोविजन बन चुका है और वो कहां जा चुका है पीएल में जा चुका है और इंपायरमेंट लॉस का भी प्रोविजन अगर हम बनाते अलग से भी तो वो भी कहां जाता पीएल में तो जाता इसीलिए फाइनेंशियल एसेट्स वेन एवर इट इज मेजर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ऐसा सिचुएशन में हमें ये स्टैंडर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अपने आप ही वो एफ बी टीपीएल मेथड के थ्रू अपने आप ही उसका हर साल फेयर वैल्यू डिटरमाइन होगा और जो भी रिलेटेड डिफरेंस होगा वो पीएल में चला जाएगा तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता है कि उस पे हमें जरूरत नहीं है तो चलिए अब आप बोलोगे अच्छा यहाँ पर तो समझ में आ गया कि सारे फाइनेंशियल एसेट जो कि मेजर होता है एफ बी टीपीएल उस पर हमें ये स्टैंडर्ड लगाने की जरूरत नहीं कौन से कौन से हो सकते हैं क्या डेरीवेटी फाइनेंशियल एसेट्स भी हो सकते हैं आप बोलो डेरीवेटी फाइनेंशियल तो हमेशा

ये मेरे लिए, financial ही दुआ। क्योंकि मेरे लिए financial तो क्योंकि क्या क्या लग सकता है एक रुक जाओ हाँ सब बराबर चल रहे ना टाइमिंग नहीं दिख रहा है हाँ। इसपे क्या लग सकते हैं एक तो एफ बी टीओ सी ए लग सकता है और एक एफ बी टीपीए लग सकता है पहले मैं एफ बी टीपीए लिखता हूँ दूसरा एफ से तो बताओ वो सारे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो आप एफ बी अकाउंटिंग करोगे सारे के सारे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो हम एफ बी टीपेल में अकाउंटिंग करेंगे उसका तो जगत ही नहीं है पर आपको गया अच्छा लेकिन एफ बी टीओ सी केस में तो करना पड़ सकता है पड़ेगा मैं आपको बता दू क्योंकि इसका जो भी रिलेटेड डिफरेंस होगा अगर मैं फेयर वैल्यू में मेजर करता हूँ फाइनेंशियल है ना अगर मैं फाइनेंशियल एसेट्स को फेयर वैल्यू में मेजर करूंगा और उसका रिलेटेड डिफरेंस एफ बी टीओ में दिखाऊंगा लेकिन इंपायरमेंट का तो डिफरेंस हमेशा कहां जाएगा पीएल में जाएगा तो आप कहोगे के, के केस में तो होना चाहिए पर मैं आपको एक बात बता दूं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ध्यान से सुना मेरी बात जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में तो वैसे सिचुएशन में आपको मैंडेटरीली एफ बी टीपे लगाना पड़ता है मैंडेटरीली हम यानी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं मुझे एफ बी टीपे मेथड ही लगाना चाहिए पर हाँ मेरे पास एक ऑप्शन है इज ऑप्शन है मेरे पास एक रि रिवोकेबल ऑप्शन है कि मैं चाहूं तो अगर मैं ट्रेडिंग का मेरा पर्पस नहीं है तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया मैं चाहूं तो उसे मेजर कर सकता हूं पर याद है मैंने आपको समझाया था अगर आप एफबीटीओसी मेजरमेंट करोगे तो वैसा सिचुएशन में कभी भी रीक्लासिफाई नहीं होगा टू पीएल यानी एंड में जब आप इस फाइनेंशियल एसेट्स को अगर डिस्पोज कर भी दोगे तो जितना भी ओसीआई का बैलेंस है वो सीधा जनरलिज्म में जाएगा वो सीधा रिटेन अर्निंग में जाएगा मतलब मतलब सीधा बैलेंस शीट के अंदर जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में रूट नहीं होगा ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले समझाया नहीं समझ में आया तो जाओ देखो मेरा पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर है ना ये सारे लेक्चर्स मैंने यूट्यूब में भी अपलोड कर रखे हैं पूरे के पूरे फुल लेक्चर वो सारे आप देखो तब आपको समझ में आएगा मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ ये सारा चीज कि जो आपके ओसीआई अगर मैं मेथड लगाता हूं तो मतलब जितना भी रिलेटेड डिफरेंस आएगा मैं सिर्फ और सिर्फ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं मैं डेट इंस्ट्रूमेंट की अभी बात नहीं कर रहा हूं डेट इंस्ट्रूमेंट के पीछे मत भागना उसके बारे में ही बात करूंगा क्योंकि तो मैं इस स्टैंडर्ड को समझाने से पहले मैं आपको लॉजिक दूंगा सारा तब ये स्टैंडर्ड आपको भरपूर तरीके से तरीके से अच्छे से समझ में आएगा तो मैंने आपको क्या कहा मैंने आपको पहले से समझाया था कि अगर मैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को एफ बी टीओ सी अकाउंटिंग करूंगा तो ऐसे सिचुएशन में मुझे सारे डिफरेंस कहा डालने सारे एडजस्टमेंट कहा होंगे ओ सी आई में होंगे और कभी भी जब मैं बेच भी दूंगा जब मैं डिस्पोज भी कर दूंगा तो भी ये ओसीआई का, का तो इन्वेस्टमेंट कर भी दिया तो यहां पर इंपायरमेंट लगाने की जरूरत नहीं है स्टैंडर्ड ने सख्त खिलाफ है स्टैंडर्ड ने मना कर दिया स्टैंडर्ड ने कहा क्योंकि हम यहां पर जबकि पीएल में रूट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे क्योंकि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एंड में अगर बिकेगा भी तो भी इसका जो भी है सीधा में जाएगा पीएल के साथ तो इसको हम खेलने को दे ही नहीं रहे यानी जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को आप इन्वेस्टमेंट अगर किसी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है और अब ओसीआई मेथड लगा रहे हो, तो वो आपका ऑप्शन है मतलब अब आप आपको पीएल के दर्शन करने कभी नहीं मिलेंगे आप पीएल के पास कभी नहीं जा सकते आप है ना पीएल को आप अपनी जिंदगी से हटा दो तो जब आपकी जिंदगी में पीएल है ही नहीं तो इंपेयरमेंट लॉस डाल के क्या करोगे इंपेयरमेंट लॉस तो पीएल में जाना है तो इसीलिए स्टैंडर्ड ने कह दिया कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भले वो एफ बी हो

एमोटेस कॉस्ट मेथड जाएगा मैं बता दू एमोटेस कॉस्ट मेथड पे तो लगना ही है इंपेयरमेंट है ना क्योंकि एमोटेस कॉस्ट मेथड में हम फेयर वैल्यू सबसेक्वेंटली फेयर वैल्यू का हम रोल नहीं रखते इनिशियली हम डेट इंस्ट्रूमेंट को मेजर करते हैं एट अ फेयर वैल्यू एंड सबसेक्वेंटली हम क्या करते हैं सबसेक्वेंटली सिर्फ उस पर इंटरेस्ट चढ़ाते हैं और जो भी कैश आता है वो कैश हम रिसीव दिखा देते हैं यानी सबसेक्वेंटली हम फेयर वैल्यू का कोई भी रोल यहाँ पर प्ले नहीं होता है ये सारा चीज आपको मेरे सेकंड वीडियो में समझ में आएगा जहां पर मैंने पूरा अकाउंटिंग बैलेंसड अप्रोच से आपको समझाया हुआ है उसका अगर ये यूट्यूब में भी वीडियो जाएगा ये तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको जरूर दूंगा तो मेरा कहना ये

पीएल में जाएंगे उस साल है ना तो इसीलिए यहां पर डेट इंस्ट्रूमेंट के केस में आप समझोगे मैं बैलेंसेड के थ्रू आपको समझाऊंगा कि कैसे हम करेंगे अकाउंटिंग भी समझाऊंगा आपको मैं आप ये समझो बस यहां पर कि यहां पर आपका इम्पायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का कंसेप्ट लगेगा हम यहां पर फाइनेंशियल एसेट्स को इम्पायर भी करेंगे और उसका रिलेटेड प्रोविजन भी बनाएंगे एमओ कॉस्ट मेथड भी यही काम करेंगे यहां पर भी इंपायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का प्रोविजन बनाएंगे यानी मैंने अभी आपको बस एक ओवरव्यू दिया मैंने अभी तक आपको कुछ पढ़ाना चालू नहीं किया आप ये मैं समझना कि सर यार हवा में जा रहा कुछ नहीं जाएगा हवा में आप बस सुनो तो सही मेरी बात जब आप थोड़ा सा और आगे सुनती जाओगे आपका सारा क्लियर हो जाएगा एक बार तो जस्ट मैंने एक रिकैप दिया आपको तो यहाँ पर आप समझो मैं वापस से आ रहा हूँ रिपीट रिटर्न आ रहा हूं मैं अपने स्टार्टिंग में मैं आपको हॉले होले सब कुछ समझाऊंगा यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड ने हमें क्या बताने का कोशिश किया स्टैंडर्ड ने हमें ये बताने का कोशिश किया कि जो फाइनेंशियल एसेट्स आप मेजर करोगे एट कॉस्ट मेथड चलिए उस पर लगेगा लॉस एलाउवेंस आपको निकालना बनाना जो ओसीआई में, में assets, उस पे भी लगेगा भले वो इक्विटी हो भले वो डेट हो भले वो डेरिवेटिव फाइनेंशियल हो क्योंकि वो एफबीटी पे नहीं लगने वाला हाँ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में भी नहीं लगने वाला क्योंकि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अगर आप ओसीआई मेथड लगाते तो वो ई रिवोकेबल है इसलिए उसमें भी जरूरत नहीं इसलिए मैंने लिखा एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीट क्योंकि इस इसमें अगर मैं ओसीआई लगाओ भी देता हूं अगर ओ सी आई लगा भी देता हूं तो ई रिवोकेबल है इसको कभी भी पीएल का दर्शन नहीं होगा तो बोले इसको भी हटा देते हैं इसको भी छोड़ दो इसकी भी जरूरत नहीं तो कहा इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स अगर आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है आपका तो वो भले एफ बी टीपी या ओसी है छोड़ दो हटा दो जिंदगी से हटा दो हटा दिया हमने फिर आप आगे कौन लीज रिसीवेबल्स है ना ये सारे पे तो पहले भी बनता था अब बनेगा इस पर इंडेक्स वन जीरो करेंगे कैसे करेंगे क्या करेंगे ये बाद में सीखेंगे ठीक है फिर लोन कमिटमेंट और ए फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट तो मान लो किसी से हमें लोन का कुछ कमिटमेंट मिला किसी थर्ड पार्टी से कि वो हमें पैसे चुकाएगा तो वहां पर भी अगर कुछ चेंजेस होने वाला हमें लग रहा है पैसा नहीं मिलेंगे तो इसका भी हम इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे इसका भी हम एलावेंस एलावेंस हम तो हम लॉस लॉस क्रिएट क्रिएट करेंगे करेंगे यानी इंपेयरमेंट तो यहां पर वापस अगर बात करें फिर से मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि इंपेयरमेंट रिकॉग्निशन कहां कहां नहीं होगा मैंने सारे समझा दिए मैंने कहा फाइनेंशियल लाइबिलिटी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अरे नहीं होगा ना सिर्फ और सिर्फ ये बात करता है किसके बारे में फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में बात करता है लाइबिलिटी इंस्ट्रूमेंट इसके स्टैंडर्ड के रेंज से बाहर कर दिया ठीक है समझ में एसेट सिर्फ एसेट होगा और फाइनेंशियल एसेट जो मेजर हो रहे हैं एफबीटीपील में नहीं आएगा भैया नहीं आएगा है ना फाइनेंशियल जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है भले वो एफ बी हो नहीं आएगा और ओसीआई में क्यों नहीं आएगा फिर से मैं लिख दे रहा हूं e होता है ओसीआई को कभी भी इक्विटी वाले जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अगर वो ओसीआई है तो वो कभी भी पीएल में रूट नहीं होता इसलिए कहा इसको भी हटा दो नहीं, नहीं रखेंगे लेकिन अगर फाइनेंशियल एसेट्स आपने डेट इंस्ट्रूमेंट वाला है तो तो इसमें ओसीए तो आएगा क्योंकि वो रूट होता है पीएल में लेकिन अगर आप एफ बी टीपी में, में तो ना मेरे दिमाग में सिंपल सा बात गया घुस गया मेरे दिमाग में क्या घुस गया भैया एफ बी टीपी को तो निकाल के फेंको ठीक है फेंक दिया जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है उसको भी निकाल के फेंको क्योंकि एफबीटी टीपेल तो आता नहीं है ओसी इ रिवोकेबल होता है निकाल के फेंक दिया फाइनेंशियल लाइबिलिटी इक्विटी की तो बात ही मत करो क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स क्या इंपेयरमेंट का बात करता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी के इंपेयरमेंट का बात नहीं करता करते मेरा फाइनेंशियल एसेट्स है और मैं उसका इंपेयरमेंट टेस्टिंग करूंगा ये हमने समझा और बाकी बस वही है एफबीटीबल दिमाग से निकाल देना और इक्विटी वाले इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में ओसी दिमाग से निकाल देना बस बात खत्म तो चलिए अब हमारा मुद्दा आएगा मुझे आपको समझाना है ये जो क्रेडिट लॉस अलाउंस इसका मैं आपको ये थ्योरी है ना ये थ्योरी पे नहीं लेके जाऊंगा मैं थ्योरी से पहले मैं चाहता हूँ कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दू मैं आपको है ना वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डिस्कस करने के बाद ये थ्योरी मैं आपको समझाऊंगा आपको जरूर मजा आएगा अच्छे से समझ में आएगा सारा चीज़ समझ में आएगा मैं आपको लेके चलता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो मैंने बनाया है आपके लिए उसको मैं समझाऊंगा और मैं सारा चीज़ आपको समझाऊंगा टेंशन की कोई बात ही नहीं सब कुछ समझ में आएगा आपको आप यहाँ आ जाओ तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम निकालेंगे इंपायरमेंट लॉस यानी इंपायरमेंट लॉस ऑफ फाइनेंशियल एसेट हम कैसे डिटरमेन करेंगे देखिए बहुत सिंपल सा हिसाब है इंपायरमेंट लॉस का मतलब क्या होगा मतलब मान लो मुझे आपसे जितना पैसा मिलना है और मेरा एक्सपेक्टेशन है मैं फोरकास्ट कर पा रहा हूँ कितना मुझे आपसे नहीं मिलेगा यानी सिंपल सा हिसाब अगर मेरे को मान लो मुझे आपसे फाइव लाख रुपीस मिलना है पर मैं फोरकास्ट कर पा रहा हूं कि मुझे आपसे रिकवर जो होगा वो फोर लाख रुपीज से रिकवर होगा तो डेट मीन वन लाख रुपीज का क्या होना चाहिए इंपेयरमेंट लॉस होना चाहिए सिंपल सी बात है तो वैसे ही कंसेप्ट हाँ लगाएंगे तो यहां पर आप समझो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि मुझे आपसे पैसे जो मिलने हैं वो कितने कितने मिल रहे हैं और कब कब मिलने तो मैंने ये चेक किया कि मुझे आपसे जो अमाउंट है ड्यू है जो भी मैंने आज आपको लोन दिया ठीक है मुझे फ्यूचर में क्या अमाउंट है ड्यू है तो मैंने देखा फ्यूचर में मुझे आपसे फाइव लाख मिलना है सेकेंड ईयर में मुझे आपसे फाइव लाख मिलना है फोर्थ ईयर में मुझे आपसे आप आप, आप आप तो यहाँ पर आप कहोगे मेरी बात ध्यान से सुनना आप यहाँ पर जो पैसा मुझे आपसे मिलना है ठीक है जैसे कि हमने पहले कंसेप्ट देखा था कि फेयर वैल्यू ऊपर नीचे होते रहता है तो उसके पीछे जो फेयर वैल्यू हमारा ऊपर नीचे होता है वो अल्टीमेटली हर एक चीज को कंसिडर किए हुए होता है यानी अगर मैं मान लो मैंने आपकी कंपनी में पैसे लगाए हैं आप एक एंटिटी हो मैंने आपका डिबेंचर्स खरीदे है, है ना तो यहाँ पर उस फाइनेंशियल एसेट्स का फेयर वैल्यू बदलते बदल सकता है क्या, क्या क्या कारण हो सकता है क्या पता इंटरेस्ट रेट में बदलाव आ गया हो इंटरेस्ट रेट में अप एंड डाउन होने की वजह से भी फेयर वैल्यू चेंज होगा आपका है ना या फिर आपका जो कंपनी का जो क्रेडिट रिस्क है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया उसकी वजह से भी आपका फेयर वैल्यू बढ़ सकता है या फिर आपकी कंपनी का क्रेडिबिलिटी खराब हो गया उसकी वजह से आपका फेयर वैल्यू गिर सकता है या फिर और भी मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से मेरा कहना यह है कि एक फाइनेंशियल एसेट्स का फेयर वैल्यू अप एंड डाउन हो सकता है ये तो आपको समझना है, है ना फेयर वैल्यू अप एंड डाउन हो सकता है मैं डेट इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं मैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहा बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ये फेयर वैल्यू में बदलाव आ सकता है या फिर आप मान लो जैसे हमने कहा ना कि जो बाकी एंटिटीज है बाकी एंटिटीज या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स का रेट्स वगैरह बदल जाना तो जिसकी वजह से मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हमारा फेयर वैल्यू फाइनेंशियल बदल सकता है पर यहां पर फॉर द पर्पज ऑफ इंपायरमेंट हम क्या डिटरमाइन करेंगे बताए हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि जो जो पास पास वाला पार्टी पास वाला पार्टी पार्टी है वो वो डिफॉल्ट डिफॉल्ट कर कर जाएगा जाएगा क्या अगर उससे रिगार्डिंग उसी से रिलेटेड हम यहां पर इंपायरमेंट लॉस निकालेंगे यानी हम वही फैक्टर देखेंगे सिंगल एक ही फैक्टर देखेंगे कौन सा फैक्टर कि जिससे मुझे पैसा मिलना है कि क्या चांसेस है कि वो पैसा बाद में मुझे नहीं देगा क्या ये चांसेस है कि वो मेरा पैसा डिफॉल्ट कर जाएगा तो वही फैक्टर को देखते हुए मैं इंपायरमेंट लॉस डिटरमाइन करूंगा तो मैंने अभी आपको यह समझाने का कोशिश किया मैंने आपको यह कहा कि आपको मैंने पैसे उधार दिए थे आप मुझे फ्यूचर में पैसे लौटाओगे फर्स्ट ईयर में फाइव लाख सेकेंड ईयर में फाइव लाख थर्ड ईयर में फाइव लाख फोर्थ ईयर में फाइव लाख फिफ्थ ईयर में फाइव लाख आप मुझे पैसा लौटाओगे और साथ में एंड में आप मुझे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी फिफ्टी लाख रुपीज दे दोगे ये तो मेरा है अमाउंट ड्यू जो मुझे आपसे मिलना है अब मैं क्या करूंगा मैं देखूंगा कि मेरा एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड हो जाएंगे कितने पैसे मेरे आपसे देखना है तो यहां करूंगा मैं प्रोबेबिलिटीज लगाऊंगा मैं ये देखूंगा ये जो फाइव लाख रुपीज मुझे आपसे मिलना है मैं देखूंगा ऐसा हो सकता है कि ट्वेंटी परसेंट प्रॉबेबिलिटी की मुझे आपसे कुछ भी ना मिले ट्वेंटी परसेंट प्रोबेबिलिटी की मुझे आपसे कुछ भी ना मिले जैसे यहां पर मैं आपको समझाऊं ट्वेंटी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि मुझे आपसे जीरो रुपीस मिलेगा फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है सेवेंटी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि मुझे आपसे मिल जाएगा चलो ले लेते हैं फाइव लाख मिलना है ना सेवेंटी परसेंट प्रॉबेबिलिटी है कि चलो मुझे आपसे पूरा का पूरा फोर uh, लाख मिल जाएगा चलिए फोर लाख मिल जाएगा सेवेंटी परसेंट प्रॉबेबिलिटी है और टेन परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि मुझे आपसे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ थ्री लाख रुपीस या फिर टू लाख ले लेता हूँ लाख मुझे मिलेगा टेन परसेंट प्रॉबेबिलिटी तो यहाँ पर अलग अलग प्रॉबेबिलिटी के इसमें मैं चेक करूंगा ध्यान से समझना मेरी बात मैंने आपको क्या कहा कि मुझे आपसे फाइव लाख रुपीस मिलना है अब मैं ये डिटरमाइन करूंगा कि कितना मुझे आपसे मिलेगा कितना एक्सपेक्टेड कि मुझे आपसे मिलेगा तो मैंने कहा कि मेरा एक्सपेक्ट मुझे ऐसा लग रहा है मैं मैनेजमेंट हूं मैं कौन हूं मैं एंटिटी हूं मैं मैनेजमेंट हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्वेंटी परसेंट प्रॉबिबिलिटी का मेरा पूरा पैसा ही खा जाओगे मुझे नहीं मिलेगा जस्ट ट्वेंटी परसेंट प्रॉबीबिलिटी है ये टेन भी हो सकता है फाइव भी हो सकता है जो भी हो सकता है तो मैंने ट्वेंटी परसेंट प्रॉबिलिटी ली गए मुझे आपसे पैसा नहीं मिलेगा फिर मैंने कहा कि सेवेंटी परसेंट चांस है कि मुझे आपसे पूरा पैसा मिल जाएगा फोर लाख रुपीज और टेन परसेंट चांस है कि मुझे आपसे कितना मिलेगा टू लाख ,00 रुपीस से मिलेगा तो देखो ना फोर लाख मिलने का सेवेंटी परसेंट चांस यानी फोर लाख का सेवेंटी परसेंट कितना होगा टू लाख एट्टी थाउजेंड टू लाख का टेन परसेंट कितना होगा ट्वेंटी थाउजेंड और जीरो का ट्वेंटी परसेंट कितना होगा जीरो होगा यानी इससे अगर मैं प्रोबेबिलिटी वेट्स लगा दू यानी जो जो प्रोबेबिलिटी अमाउंट है उसमें अगर वेट लगा दू तो मेरा कुल मिला के ये आ रहा है कितना थ्री लाख रुपए के आसपास आ रहा है तो ये थ्री लाख रुपए जो मेरा ये एक्सपेक्टेड है टू बी रिसीव्ड जिसको मैंने मतलब लोन दिया अगर मैंने आपको लोन दिया तो मुझे आपसे इतना पैसा मिलेगा तो यहां पर तो मैंने सारी फिगर ली एक बार मैंने फोर लाख रुपीज का फिगर लिया यहां पर अलग हो सकता है यहां पर अलग हो सकता है यहां पर अलग हो सकता हो तो हो है जरूरी है कि यहां फोर लाख होगा तो यहां पर फोर लाख ही होगा मतलब मुझे एवरी ईयर का देखना है मुझे देखना कि फर्स्ट ईयर में जो मुझे आपसे पैसे मिलने वाले हैं उसमें से मुझे कितना पैसा मिलेगा तो अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं उन सारे प्रोबेबिलिटीज में मैं वेट लगा के मैं अल्टीमेटली पता कर लूंगा कि मुझे आपसे कितना पैसा मिलेगा बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं मान लो दूसरा एक like है उस like में मुझे लगा कि टेन परसेंट चांस है कि मुझे आपसे सिर्फ और सिर्फ मान लो फिफ्टी थाउजेंड ही रिकवर होगा फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर की बात करो मैं और मैंने कहा कि एट्टी परसेंट चांस है कि मुझे आपसे थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज रिकवर होगा थ्री लाख भी नहीं ज्यादा ले लेता हूँ और ज्यादा ले लेता हूँ फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज मुझे आपसे मिलेगा और साथ में मैंने कहा कि फाइव परसेंट आपसे टू लाख रुपीस मिलेगा और फाइव परसेंट पूरा का पूरा फाइव लाख ,00 जो मिलना है मिलेगा तो मैं क्या 50,000 में टेन परसेंट कितना होता? होते है। 4 ,00, में 80 है, हटा देंगे तो कितना यहाँ पर टू लाख में फाइव परसेंट कितना ट्वेंटी ,00 में फाइव परसेंट कितना है, ये मैंने निकाला तो सब में क्या किया कि मैंने प्रोबेबिलिटी पे वेट्स लगाया और उसके अकॉर्डिंगली मैंने वैल्यू डिटरमाइन किया कितना हो रहा था थ्री सिक्सटी थ्री सेवेंटी थ्री एट्टी थ्री अच्छा फोर लाख like पूरा हो रहा है देखो यहाँ पर वापस है थर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड देखो नहीं यहाँ पर फोर लाख like आ रहा है सच बता रहा हूँ ये सारे भी रैंडमली मैंने लिए पता नहीं कैसे हुआ और फोर लाख हमारा जो है मैच कर गया फोर लाख मैच कर गया तो यहाँ पर इसी बेसिस में मैंने डिटरमाइन किया कि मुझे फोर लाख like रुपीस मिलेगा आपसे तो ये जो मैं एस्टिमेशन लगा रहा हूँ किस बेसिस में लगा रहा हूँ मैं यहां पर क्या क्या देखूंगा मैं क्या करूंगा ये एस्टिमेशन करूंगा अपने पास्ट इंफॉर्मेशन पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस नहीं पास्ट एक्सपीरियंस के साथ साथ करंट इकोनॉमिक कंडीशन भी देखूंगा करंट कंडीशन भी देखूंगा और साथ में मैं फ्यूचर को फोरकास्ट भी करूंगा यानी कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ठीक है प्लस करंट इकोनॉमिक कंडीशन प्लस फ्यूचर को फोरकास्ट करूंगा क्योंकि जरूरी नहीं कि जो पास्ट में हमेशा हुआ वो आगे होगा हमने देखा पास्ट हमेशा बदलते रहता तो है तो इसलिए स्टैंडर्ड का कहना सिर्फ और सिर्फ पास्ट को मत देखो पास्ट से थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके आप करंट इकोनॉमिक कंडीशन को भी देखो और साथ में फ्यूचर को भी फोरकास्ट करो बेसिकली यहां पर स्टैंडर्ड एक वर्ड यूज करता है आपके साथ दैट इज फॉरवर्ड लुकिंग इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड लुकिंग इंफॉर्मेशन इसका मतलब ही ये हो गया कि आप क्या करोगे पास्ट वगैरह को एस्टिमेट करते हो आपका पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह को देखते हुए आप ओवरऑल एक फॉरवर्ड डेटा को आप क्या करोगे फॉरवर्ड डेटा को आप एस्टिमेट करोगे फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन यानी फॉरवर्ड लुकिंग डेटा इन आप एस्टिमेट करोगे कि फ्यूचर में फॉरवर्ड यानी फ्यूचर में क्या हो सकता है आप उसको एक एस्टिमेट करने की कोशिश करोगे क्योंकि ये सारे पैसा हमें फ्यूचर में मिलेंगे तो हम फ्यूचर को फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे हम क्या करने की कोशिश करेंगे हम फ्यूचर को फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे और उसकी बेसिस में हम इसे निकालेंगे ये सारे अमाउंट निकालेंगे मतलब हम ये निकालेंगे कि अमाउंट हमारा कितना आपसे रिकवर होगा कितना हमारा आपसे रिकवर होगा अब वापस से मैं आपको ऊपर लेके चलता हूं एक बार में जैसे यहां पर आप देखो यहां पर हम जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे एक तो प्रोबेबिलिटी वेटेड अमाउंट जो कि मैंने आपको समझाया था प्रोबेबिलिटीज लगाएंगे टाइम वेल ऑफ मनी को तो कंसिडर करना साथ में आप पास्ट इवेंट को देखते हुए करंट कंडीशन को देखते हुए फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन को फोरकास्ट करोगे यानी पास्ट करंट और फ्यूचर तीनों का कॉम्बिनेशन से आप क्या करोगे आप जज करोगे कि कितना पैसा आपका रिकवर होगा और ध्यान रहिए पैसे के अंदर रिकवरी के अंदर आप साथ में कोलेट्रल्स को भी इंक्लूड करोगे क्योंकि क्या पता मैंने जब आपको लोन दिया तो बदले में मैंने सिक्योरिटी पर्पज के लिए आपसे कुछ कुछ लेके रखा हुआ है ज्वेलरी ले लिया कोई लैंड वगैरह ऐसे कोलेट्रल ले लिया कोई अदर एसेट कोलेटरल ले लिया को तो डेफिनेट सी बात है उससे आपका क्या पैसा रिकवर होगा अगर आप उसे बेचोगे पता चला उससे पैसा हमारा रिकवर फिफ्थ ईयर तक होगा ही नहीं सेवेंथ ईयर में हमारा पैसा रिकवर होगा को से तो हम सेवेंथ ईयर में दिखाएंगे कि अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर फ्रॉम ईयर में आएगा हमारा मान लेते फोर लाख रुपए तो यानी यहां पर अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड में हम सारे अमाउंट ही लेंगे कि क्या हमारा एक्सपेक्टेशन है कि कितने हमारे पैसे आएंगे यानी आपको अगर मैंने पैसा उधार दिया तो आपसे मेरे कितने पैसे आ सकते हैं ये मैं एक्सपेक्टेशन लगाऊंगा वेट प्रोबेबिलिटी वगैरह लगा के और कई कोई मेरे पास को लेटरल है तो को लेटरल से भी देखूंगा कि कितना मेरा पैसा रिकवर होगा और कब रिकवर होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत मैटर करता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है जितना दूरी पर आपका पैसा होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू उतना ही कम होगा ऑब्वियसली बात है ना अगर मुझे आज आपसे वन लाख रुपीस मिलना है अब मुझे टेन ईयर्स के बाद वन लाख रुपीज हो गए तो क्या वो रियल में वन लाख रुपीज है नहीं है वो तो वन लाख like से कम हुआ ना क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है ना आज अगर ये वन लाख रुपीज में इन्वेस्ट कर दूंगा तो दस साल के बाद तो वो दस लाख बन जाएगा टेन लाख बन जाएगा ट्वेंटी लाख बन जाएगा कुछ भी बन जाएगा तो डिपेंड करता है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बहुत मैटर करते हैं तो यहाँ पर तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपको मुझे ये समझाना है कि वापस से मैं यहाँ पर अगर, अगर आपको रफ में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करू मैं कि आप क्या करोगे अभी देखोगी कि एवरी ईयर आपको पैसे कितने मिलने मैंने कहा कि मुझे मान लो एवरी ईयर पैसे फाइव लाख मिलने हैं फाइव लाख मिलने हैं यहां पर भी फाइव लाख मिलने और मुझे लग रहा है कि मुझे फर्स्ट ईयर में आपसे मान लो टू लाख ही रिकवर्ड होगा एक्सपेक्टेड है मेरा सेकेंड ईयर में मेरा थ्री लाख रिकवर्ड होगा ये मेरा एक्सपेक्टेड है थर्ड ईयर में मेरा फाइव लाख पूरा रिकवर्ड होगा और जो पहले यहां पर रिकवर्ड कम हुआ था ना कितना ये फोर्थ ईयर में मेरा बाकी का रिमेनिंग थ्री लाख यहां पर रिकवर्ड हो जाएगा और यहाँ का डेफिशिएंसी जो है यहाँ पर टू लाख रिकवर्ड हो जाएगा तो अब देखो तो यहां पर अब देखो लाख लाख यानी मुझे आपसे मिलना है और यहां पर भी अगर मैं टोटल करूं तो थ्री लाख फाइव लाख टेन लाख फिफ्टीन लाख मेरा यहाँ पर भी रिकवर्ड हुई है इन कहने का मतलब जितना मुझे आपसे पैसा मिलना है उतना मिल जाएगा पर क्या सही समय पे मिलेगा नहीं मिलेगा अलग अलग टाइम पे मिलेगा तो ऑब्वियसली बात इन सबको मैं जब पुल करूंगा ना तो वैल्यू कुछ अलग आएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से वैल्यू कुछ अलग आएगा तो इसलिए मुझे क्या करना है मुझे देखना है कि कौन से टाइम में मुझे आपसे कितना पैसा मिलना है ड्यू है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कितना मुझे आपसे पैसा मिलेगा और ऑब्वियसली बात है जितना मुझे आपसे पैसा नहीं मिलेगा दैट इज व्हाट दैट इज एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस हम उसे कहते हैं कि हमारा नुकसान है इतना पैसा हमें नहीं मिलेगा तो वैसे यहां पर वैसे यहां पर अगर आप फिर से आ जाए तो यहां पर आपको इसके लिए इतना स्ट्रेस नहीं देना एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में आपको डेटा दिया हुआ रहेगा है ना एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं पर रियलिटी में तो आपको थोड़ा सा होना चाहिए कि आप कैसे निकालोगे और आपको मैं बता दूटिटी अलग अलग एंटिटी अलग अलग अपने हिसाब से निकालेगा ऐसा कुछ भी नहीं कि यहां पर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिया हुआ है कि आपको इस तरीके से अपना एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को आपको ना एस्टिमेट करना है ऐसा कुछ भी नहीं अलग अलग एंटिटी अपने हिसाब से अलग अलग वैल्यू निकालेंगे वो उनका मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि क्या उनको एक्सपेक्टेड वैल्यू यहां पर

रीजनेबल सपोर्टेबल एविडेंस यानी आप एविडेंस के बेसिस में ही जो बनाओगे बनाओगे पर वो एविडेंस ऐसे होना चाहिए जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रहा है या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लग रहा है क्योंकि और पैसे लगा के ये सब जज करेंगे क्या मतलब बनता है कोई सेंस ही नहीं बनता है यार पैसे मिलने हैं वही मिलेंगे नहीं मिलेंगे शोर नहीं है ऊपर से और पैसे कैसे खर्चा करते हैं इसलिए स्टैंडर्ड ने सिंपल रखा कि आप अपने तरफ से आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़े ज्यादा कोई खर्चा ना करना पड़े आप मैनेजमेंट अपने अंदर ही डिसाइड करो कि क्या आपका बेस्ट एस्टीमेट होगा कि कितने पैसे आपके रिकवर हो जाएंगे तो जितने पैसे आपके रिकवर हो जाएंगे उतने आप पैसे ले लो उसके बेसिस में आप देख लो कि कितने आपके रिकवर नहीं होंगे तो मैंने क्या देखा कि फर्स्ट ईयर में मुझे फाइव लाख मिलना है पर मुझे आपसे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ टो लाख मुझे ऐसा लग रहा है तो मैंने कहा कि वन लाख मुझे आपसे नहीं मिलेगा फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में भी मुझे आपसे वन लाख नहीं मिलेगा थर्ड ईयर में मुझे आपसे वन लाख नहीं मिलेगा है ना फाइव मिलना है फोर नहीं मिलेगा मतलब फोर मिलेगा मतलब वन लाख नहीं मिलेगा तो मैंने ये सारे फिगर निकाले कि ये मुझे नहीं मिलेगा अब फिफ्थ ईयर में भी देखो मुझे फाइव लाख मिलना है और एक फिफ्टी लाख मिलना है पर मैं फोरकास्ट कर पा रहा हूँ कि मुझे टोटल थर्टी फाइव लाख ही मिलेगा ये मेरा एस्टिमेशन है तो मैंने पता किया कि ठीक है ट्वेंटी लाख मुझे नहीं मिलेगा तो ये सारे पैसे मुझे नहीं मिलने ये सारे क्या मेरा लॉस है मुझे नहीं मिलना है तो इन सारे पैसे को मैं प्रेजेंट वैल्यू में पुल करूंगा अब जो मैं प्रेजेंट वैल्यू में पुल करूंगा उसका डिस्काउंट रेट जो मिलूं, क्या वो मैं लूँ क्या उस टाइम का लूंगा जब मैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालू नहीं मैं ओरिजिनल रेट ही लूंगा

तो यहाँ पर उसके उस को कंसिडर करते हुए हम ओरिजिनल इफेक्टिव निकालते हैं है ना ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ सेकंड वीडियो में तो यहाँ पर बेसिकली आपको मैंने अभी तक ज्यादा कुछ समझाया नहीं मैंने आपको बस इतना समझाया आप ये देख लो आपको क्या क्या पैसा मिलना है और अब ये देख लो प्रोबेबिलिटीज लगा के कि क्या आपका एक्सपेक्टेशन है कि कितना पैसा आपको मिलेगा है ना ओवर द लाइफ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आपको कितना पैसा मिलेगा उसको यह पता चल जाएगा कि कितना पैसा आपको नहीं मिलेगा अब वो सारे पैसे जो आपको नहीं मिलेंगे उसका पुल कर लो टू प्रेजेंट वैल्यू आज के डेट पे पुल कर लो आप उसे और डिस्काउंट रेट जो आप यूज करोगे वो ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ही लेना यानी ओरिजिनल रेट आप लोगे इन इनसेप्सन रेट वाला ओरिजिनल रेट हमें लेना ये आपको ध्यान रखना तो इससे मैंने निकाला तो मुझे पता चला कि मेरा वन का क्या आ रहा सेवन एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आ रहा है वन सिक्स नाइन टू थ्री सेवन एट का ये मैंने जान बुझ के वर्किंग कर दिया पहले से मैं चाहता तो अभी आपके साथ लिख लिख के भी कर सकता था पर उसे ज्यादा टाइम कंज्यूम होता तो मैंने सोचा कि लिखा हुआ रहे और आपको समझाने में ज्यादा मैं अपना टाइम दूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए आपको ज्यादा समझ में आएगा हालांकि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर मैं वहां पर टेलीग्राम में अपलोड करूंगा डेफिनेटली इसका पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहां से टेलीग्राम में जाकर आप इसे डाउनलोड कर पाओगे आराम से तो यहां पर आप देखो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस हमने निकाला कितना वन मतलब आज

मैं आपको बता दू इंपेयरमेंट लॉस हम दो तरीके से बुक करते हैं एक होता है लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ये हम बुक करते हैं और दूसरा होता है ट्वेल्व मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ये दो के बारे में हमें बातचीत करना है यानी लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कुछ कुछ सिनारियों में हम जो क्रेडिट लॉस का यानी लॉस अलाउंस जो बुक करते हैं जो खर्चा बुक करते हैं इंपायरमेंट लॉस जो हम बुक करते हैं वो हम लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बुक करते हैं और कुछ कुछ सिचुएशन में हम क्या करते हैं ट्वेल्व मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बुक करते हैं यानी सिंपल सी बात है लाइफ टाइम का मतलब पूरा ओवर द लाइफ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आपका कितना नुकसान होगा तो यहां पर तो हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया ओवर द द लाइफ ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपका नुकसान सेवन एट मैं आपको समझाऊंगा कौन से टाइम पे आपको लाइफ टाइम ईसीएल का यूज करना है कौन से टाइम में आपको ट्वेल्व ईसीएल का यूज करना है अभी तक हमने इसके बारे में बात नहीं किया लाइफ टाइम का मतलब क्या पूरा एंटायर इंस्ट्रूमेंट का लाइफ जैसे कि फर्स्ट ईयर से लेकर फिफ्थ ईयर तक लाइफ तो टाइम आपका लॉस किया आपको तो निकाल लिया आपने ऑलरेडी तो आपने जो सारे ओवर द लाइफ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अपने सारे नुकसान को प्रेजेंट वैल्यू में पुल किया और आपने पता किया है तो डेट आपका लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कितना होगा वही वन सिक्स टू थ्री सेवन एट सिंपल से बात है अब कभी -कभी कुछ कुछ सिचुएशन में हम निकालते हैं ट्वेल्व मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस समझेंगे हम ये सारा चीज भी समझेंगे ट्वेल्व मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का मतलब क्या है कि आपको पूरा नुकसान ओवर द लाइफ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का नहीं देखना आपको देखना है कि आने वाले ट्वेल्व मंथ्स में आने वाले मंथ्स में आपका कितना नुकसान होगा यानी यहां पर जीरो से अगर मैं तो फर्स्ट ईयर तक का आने वाले 12 months, फर्स्ट ईयर तक में आपका क्या पैसा ड्यू है और कितना आपको मिलेगा तो मैंने देखा आने वाले ट्वेल्व मंथ्स में मेरा फाइव लाख ड्यू है और आने वाले ट्वेल्व मंथ्स में मुझे फोर लाख ही मिलेगा यानी आने वाले ट्वेल्व मंथ्स में मुझे वन लाख नहीं मिलेगा तो इसका प्रेजेंट वैल्यू यानी कितना होगा नाइन टू फाइव नाइन टू यानी ट्वेल्व मंथ एक्सपेक्टेड ट्रेड लॉस है मेरा यानी ओवर ए पीरियड ऑफ ट्वेल्व पूरा लाइफ नहीं ओवर ए पीरियड ऑफ ट्वेल्व मुझे क्या लगता है कि मेरा नाइन टू फाइव नाइन टू ही नुकसान होगा इसको निकालने का एक और तरीका हम क्या करते हैं ये जो हमने एक्सपेक्टेड ट्रेड लॉस निकाला ना इसमें हम ट्वेल मंथ्स का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट रेट जनरली क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि कितने बार क्वेश्चन आपको क्या देगा पता है क्वेश्चन आपको कहेगा कि एक्सपेक्टेड ट्रेड लॉस आपका ट्वेंटी लाख आ गया तो ये क्या ये तो पूरा लाइफ का है अगर क्वेश्चन आपको बोलेगा कि एक्सपेक्टेड ट्रेड लॉस आपका ट्वेंटी लाख है मतलब वो पूरा लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड ट्रेड लॉस है और फिर क्वेश्चन आपको मेंशन कर देगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट होने का डिफॉल्ट होने का प्रोबेबिलिटी ओवर द पीरियड वो कह देगा आपको 5 तो मतलब वो कहना चाहता है कि आने वाले ट्वेल्व से आने वाले ट्वेल्व मंथ्स में आपका डिफॉल्ट होने का चांस है सिर्फ फाइव परसेंट का उस पूरे के पूरे अमाउंट पे तुम क्या करेंगे ट्वेंटी लाख का फाइव परसेंट ले लेंगे वैसे यहां पर मैंने और में रखा है अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है फाइव परसेंट है ना ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में अगर ओवर द नेक्स्ट मंथ आपको कह दिया कि फाइव परसेंट आपका प्रोबेबिलिटी है पैसा डूबने का तो आप क्या करोगे वही वन सिक्स नाइन टू थ्री सेवन एट का फाइव परसेंट ये आपका ट्वेल्व मंथ ईसीएल होगा यानी एट फोर सिक्स वन एट यानी सिंपल सा हिसाब ये लाइफ टाइम ई सी एल बड़ा होगा अमाउंट ट्वेल्व मंथ ईसीएल छोटा होगा क्यों होगा लाइफ टाइम ईसीएल का मतलब पूरा ओवर द लाइफ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आपका कितना नुकसान हो सकता है आप इसका एस्टिमेशन करोगे और उतने का लॉस अलाउंस सब क्रिएट करोगे 12 मंथ आप कब करोगे 12 मंथ इसल आप करने का मतलब ओवर द जस्ट ओवर द लाइफ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं लेना ओवर 12 मंथ पीरियड आपका कितना नुकसान होगा बस आपको ये जस्ट करना है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि लाइफ टाइम इसीएल हम कब कर यूज करेंगे 12 मंथ इसीएल हम कब कर यूज करेंगे अब बताओ प्रोविजन ज्यादा किस में बन रहा है लाइफ टाइम वाले पे बन रहा है कि ट्वेल्व मंथ वाले पे बन रहा है साफ पता चल रहा है कि लाइफ टाइम इसल मतलब पूरा इंस्ट्रूमेंट का लाइफ का प्रोविजन बनेगा यानी बड़ा अमाउंट बनेगा और ट्वेल्व मंथ इसके में छोटा मोटा अमाउंट बनेगा तो इसलिए स्टैंडर्ड आगे आपको समझाएगा कि जहां पर मेरा रिस्क ज्यादा है न, या न, ना यानी सिग्निफिकेंट रिस्क है मेरा पैसा डूबने का है ना सिग्निफिकेंट रिस्क है मेरा पैसा डूबने का या फिर आने वाले टाइम में मेरा अच्छा खासा पैसा डूबेगा इसका चांसेस बहुत ज्यादा हाई है तो जहां पर चांसेस बहुत हाई है कि आपका पैसा डूब सकता है वहां पर आपको लाइफ टाइम बनाना पड़ता है और जहां पर चांसेस बहुत लो है कि आपका पैसा डूबेगा जहां पर चांसेस बहुत लो है कि आपका पैसा डूबेगा वहां पर हम बनाते हैं ट्वेल्व मंथ तो यहां पर इसके बारे में हम डिस्कस अभी स्टार्ट करेंगे पर पहले आप ये समझ जाओ कि हम ईसीएल कैसे निकालते हैं फिर उसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं समझाऊंगा पूरा सारा चीज समझाऊंगा कि कहां लाइफ टाइम कहा ट्वेल्व मंथ मुद्दा मेरा नहीं है पहले मेरा मुद्दा यह है कि मैंने आपको यह समझाया कि क्या मेरा पैसा ड्यू है क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे आपसे मिलेगा फिर सारे जो मुझे लग रहे कि मुझे आपसे पैसे नहीं मिलेंगे उसको प्रेजेंट वैल्यू में पुल करूंगा मेरा आ जाएगा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मैं उसे लाइफ टाइम ईसीएल भी कह सकता हूं अगर कोई मुझे बोलेगा लाइफ टाइम ईसीएल बुक करना है ठीक है वो बुक कर दूंगा मैं अगर मुझे बोलेगा कि ट्वेल्व मंथ ईसीएल बुक करना है मतलब वो तो नहीं हो सकता क्योंकि ये वन सिक्स नाइन टू थ्री सेवन एट तो पूरे लाइफ का है पूरे फाइव ईयर्स का इसके इसमें तो मुझे तो ट्वेल्व मंथस का करना है तो ट्वेल्ल मंथ्स का ही नहीं जस्ट पहला ट्वेल्व मंथस का मैं ईसीएल निकाल दूंगा यानी ट्वेल्व मंथ ईसीएल निकाल लूंगा या फिर मैंने कहा कि क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपको मैंशन करके बताएगा कि वो बोलेगा कि आपको फाइव परसेंट चांस है या टेन परसेंट चांस है आपका प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट होने का ओवर ए पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ्स तो उतने का खर्चा बुक कर देंगे तो यहां पर बेसिकली यहां पर अलग अलग तरीका होता है तो इसलिए ये दोनों तरीका आप ध्यान में रखना एक तो मैंने बताया कि ट्वेल्व मंथ्स यानी ट्वेल्व मंथ्स में जो आपका पैसा ड्यू है जितना आपका नहीं आ सकता ट्वेल्व मंथ्स में उसको प्रेजेंट वैल्यू में पुल करो दूसरा आप सीधा जो परसेंटेज दिया हुआ वो हम पूरा का पूरा लाइफ टाइम ईसीएल में वो परसेंटेज हम लगा देंगे यानी ऑब्वियसली बात है लाइफ टाइम का मतलब क्या हो गया हंड्रेड ऑफ ईसीएल लाइफ टाइम हो गया

उसका प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड एट ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तो इन दोनों को फिर माइनस करने पर जैसे हमारे केस में हमने देखा था हमारे केस में हमने देखा था दोनों को माइनस करने पर हमारा ये वैल्यू आ रहा था है ना ये दोनों वैल्यू आ रहा था और इनका प्रेजेंट वैल्यू हमने लिया क्योंकि देखो अमाउंट अमाउंट ड्यू इतना है है एक्सपेक्टेड लाख तो हमारा माइनस करने पर वन लाख वन लाख वन लाख वन लाख और ट्वेंटी लाख आ रहा था जिसको हमने प्रेजेंट वैल्यू में पूल किया यूजिंग ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तो हमारे लग गया डेट इज एक्सपेक्टेड ट्रेड लॉस आ गया तो चलिए आपने इतना कुछ तो समझ लिया अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हम ये जानना है कि हम लाइफ टाइम ईसीएल कब निकालेंगे और ट्वेल्व मंथ ईसीएल हम कब निकालेंगे ये हमारा मुद्दा रहेगा तो अभी जैसे मैंने आपको समझाया था कि लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस और 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का फर्क ये कि लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का अमाउंट बड़ा होता है यहाँ पर हम जो इंपायरमेंट लॉस बुक करते हैं वो ज्यादा बड़ा बुक करते हैं और ट्वेल्व मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में हम उससे कम्पेरेटिवली छोटा अमाउंट बुक करते हैं क्योंकि लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में पूरा ओवर द लाइफ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जितना खतरा है ना वो सारा का सारा का आप लॉस बुक करोगे और और मंथ्स मंथ्स वाले में सिर्फ सिर्फ का ही खतरा जो है हमारा पैसा नहीं मिलने का उतना ही हम खर्चा क्या करेंगे ऐसे प्रोविजन ऐसे इम्पायरमेंट लॉस हम बुक करेंगे और उसे फिर पी में चार्ज करेंगे ये तुमने समझा तो आप सोचो ना कि हम अगर हम लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में पूरा लाइफ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तक का जितना खतरा सारा बुक करें तो उससे आप क्या समझ रहे हो जरूर ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स जहां पर

टेन लाख रुपीस लोन पे दे दिए और आप मुझे ओवर ए पीरियड ऑफ फाइव ईयर चुकाने वाले हो और एंड में ओवर ए पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स आप मुझे इंटरेस्ट दोगे और एंड में आप मुझे प्रिंसिपल अमाउंट मेरा दे दोगे अब यहां पर मुझे कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा कैसे खतरा नहीं आ जर, नजर आ रहा है मुझे मुझे दिख रहा है कि आपका बिजनेस भरपूर अच्छी तरीके से चल रहा है कोई ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस कंडीशन कुछ खराब हो रहा है या फिर कोई ऐसा रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन नहीं है जिसकी वजह से आपके बिजनेस पे कोई मेजर इंपैक्ट होने वाला है यानी यहां पर मुझे लग रहा है कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है आपका सेल्स वगैरह भी कुछ ऐसा नहीं कि डिक्लाइन हो गया अचानक से आपका धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा है तो अगर आपका धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा है स्मूथली चल रहा है एक सेकंड रुक जाओ आपका धंधा अगर बहुत ही अच्छा चल रहा है बहुत ही स्मूथ चल रहा है मतलब क्या यहां पर रिस्क है क्या यहाँ पर कोई क्रेडिट रिस्क है नहीं है और अब मुझे पैसा भी बराबर टाइम टू टाइम दे रो आप मुझे पैसे भी बराबर टाइम टू टाइम दे रहे हो और साथ ही साथ अगर आपने किसी और से भी पैसे उधार लिए ना तो उसको भी आप टाइम टू टाइम बराबर पैसे दे रहे हो मतलब मेरे नजर में मैं जितना अनुमान लगा पा रहा हूं मैं देख रहा हूं कि आपका क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छा है आपने दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर दूसरी सोर्सेज से भी अगर आपने लोन वगैरह लिया है तो उनका भी पैसा बराबर टाइम से दे रो आपका धंधा वगैरह भी अच्छा चल रहा है, है ना आपका बिजनेस में कोई खराबी नहीं है कोई रेगुलेटरी ऐसा रेस्ट्रिक्शन भी नहीं आने वाला है कि जिसने मैं फोरकास्ट करूँ कि फ्यूचर में आपका कोई दिक्कत आ सकता है तो मैंने ओवरऑल ये एस्टिमेशन किया कि आपका क्रेडिट रिस्क कोई सिग्निफिकेंट नहीं है यानी कोई सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क नहीं है आपके यहां पर आपके केस में और यहां पर मुझे लग रहा है कि मैं सेफ हूं मेरा पैसा यहां पर सेफ है तो यहां पर अगर ऐसा सीनारियो दिखता है ऐसा सीनारियो दिखता है तो मैं क्या कहूंगा कि यहां पर सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क नहीं है है ना और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं एक दो साल बाद तो मैं देखूंगा जब मैंने आपको लोन दिया वहां से भी कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुआ आपके क्रेडिट रिस्क में यानी आपका क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छा है तो अगर सब कुछ स्मूथली चल रहा है आपका यहां पर कोई खराबी नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है अगर मैंने आपको पैसे दिए हुए तो मैं बोलूंगा यार ये बंदा बड़ा नहीं कि सब कुछ सही चल रहा है इसका मुझे यहाँ पर लाइफ टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं मैं प्रोविजन ओवर द पीरियड ऑफ ट्वेल्व ओवर द पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ देखो आप कितने अच्छे क्यों ना हो पर फिर भी मेरा तो अनुमान हुआ कि कुछ पैसा मेरा डूब सकता है इसलिए मुझे एक एस्टिमेशन करके अलग अलग प्रोबेबिलिटी मैंने आपको समझाया था ना कि आप मुझे जो पैसा दोगे मुझे प्रोविजन तो बुक तो तो करेंगे? करेंगे आपको यह समझना तो गई क्योंकि हंड्रेड परसेंट जनरली ये मानना है कि हंड्रेड परसेंट सेफ आपका पैसा कभी रहता ही नहीं है अन्य सब गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाओ तो बात अलग अदरवाइज सेफ नहीं रहता यह हमें सबको पता है तो इसलिए यहां पर आपको कुछ तो प्रोविजन बनाने पड़ेगा हम ये कह देंगे चलो ठीक है नाइनटी फाइव परसेंट कि पैसा नहीं डूबेगा फाइव परसेंट तो चांस है कि पैसा डूबेगा अगर फाइव परसेंट चांस है पैसा डूबेगा तो फाइव परसेंट के हिसाब से प्रोबेबिलिटी लगा कि हम प्रोविजन बनाएंगे तो हमने ये तो समझ लिया कि मैं प्रोविजन बनाना अब जहां पर हमारा खतरा नहीं है यानी जहां पर अगर मान लो मैंने आपको लोन दिया उस वक्त आपका जो क्रेडिबिलिटी था जो क्रेडिट रिस्क आपका उस वक्त था वहां से बाद में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज भी नहीं हुआ क्रेडिट रिस्क में है ना तो सब कुछ सही चल रहा है यानी जब पैसा दिया तब भी सही था बाद में भी कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुआ क्रेडिट रिस्क में तो यहां पर मुझे क्या लगेगा मेरा पैसा सेफ था जब मैंने आपको दिया भी और बाद में भी मुझे नजर आ रहा है कि मेरा पैसा सेफ है तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूंगा ट्वेल्व मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लगाऊंगा

16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, जो भी हो स्टैंडर्ड का है ये कि जब अर्न किया, किया और माना जाता है शॉर्ट टर्म में आपका पैसा ही जाएगा तो यहाँ पर ट्वेल्व मंथ लगाने का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है क्योंकि ट्वेल्व मंथ जनरली इक्वेल्ट होता है लाइफ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो उसका लाइफ ही ट्वेल्व उसके आसपास ही रहता है तो इसलिए कहा गया कि जब ट्रेड रिसेबल्स की बात आती है ना या फिर जब आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज बेचा जिसका आपको पैसा मिलना है एज पर इंडियस वन वन फाइव ऐसे सिचुएशन में बोला या फिर मान लो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मान लो मैंने आपको एक साल के लिए लोन पे फॉर ए पीरियड ऑफ वन ईयर ही मैंने आपको लोन पे दिया है ना या फॉर ऑफ वन एंड वन हाफ ईयर वन ईयर पकड़ लन ईयर पकड़ते वन ईयर ही मैंने आपको लोन पे तो ये सारे तो इक्वी वेन्ट ट्वेल्व मंथ ही हो तो यहां पर ट्वेल्व मंथ्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लगाने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता क्योंकि वो ट्वेल्व मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इक्वलेंट तो क्या हो जाएगा लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस हो जाएगा इसलिए यहां पर आपको समझना है कि ट्रेड रिसीवेबल्स और लीज रिसीवेबल्स अगर मैं आपको कोई एसेट भी लीज पे दे रहा हूं तो एवरी ईयर तो मेरा ड्यू होगा ना तो इसलिए यहां पर ये लीज रिस भी अगर ऐसा कुछ भी रिसिवल आपको पैसा मिलना है क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दू लीज रिस की केस में भी, अगर मैं ऑपरेटिंग लीज की बात करूं अगर मैं ऑपरेटिंग लीज की बात करूं तो यहां पर भी लीज केस में मुझे पैसा आपसे मिल ही जाना है मुझे आपसे पैसा मिल ही जाना है टाइम टू टाइम एवरी ईयर मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा तो मैं आपका एसेट तो ऐसे भी उठा के ले आना है तो यहां पर अल्टीमेटली बेसिकली यहां पर आप गुड्स या सर्विसेस अगर आप कुछ दे रहे हो तो इसलिए ट्रेड रिसीवेबल्स हो या लीज रिसीवेबल्स हो ये सारे रिस के किस में आपको हमेशा क्या लगाना है लाइफ टाइम ईसीएल लगाना है, क्योंकि जनरली यहां पर ट्वेल्व मंथ ईसीएल ही बन जाता है लाइफ टाइम ईसीएल ये सेम ही रहता है जनरली यहां पर क्या रहता है जनरली यहां पर ये सेम ही रहता है और बाकी सारे अदर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट यानी जहां पर मैंने आपको लोन वगैरह अगर दिया फॉर ए पीरियड ऑफ वन ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स तो यहां पर बोला कि पूरा लाइफ ही ले लो उसका छोटा सा तो टर्म में पूरा का पूरा लाइफ ही ले लो यानी यहाँ पर आपका रिस्क बहुत ज्यादा है क्या ये ज्यादा है क्यों जरूरत ही नहीं क्योंकि जब लाइफ टाइम लगा रहे हो तब तो, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं लाइफ टाइम मतलब पूरा लगा रहे हो जितना आपको अनुमान लग रहा है पूरा का पूरा रहे हो तो यहां पर तो चेक करने का कोई सेंस नहीं बनता आपको लाइफ टाइम ही लगाना और जैसे मैंने आपको समझाया था जहां पर आपका क्रेडिट रिस्क ज्यादा नहीं है मुझे लग रहा है यार आप बड़े नेक वाले आदमी हो आपका कुछ ऐसा सेल वगैरह भी नहीं गिरा है आपने किसी दूसरे का भी डिफॉल्ट नहीं किया है साथ में आपका परफॉर्मेंस बढ़िया चल रहा है आपके बिजनेस कंडीशन भी ठीक है आपके कोई रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन वगैरह भी आप पे नहीं लगा है सब कुछ बराबर चल रहा है तो यहां पर मैं कहूंगा कि यहां पर जनरली देखा जाए तो मेरा पैसा सेफ ही नजर आ रहा है मैं ट्वेल्व मंथ सिक्स लगाना जाता हूँ सिक्स लगाऊंगा पर सोचो ना कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर मुझे दिख रहा है कि जब मैंने आपको लोन दिया था तब तो क्रेडिट रिस्क जितना था कम था पर जितना भी था आज के डेट में एक साल के बाद क्रेडिट रिस्क बढ़ गया सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गया क्रेडिट रिस्क में तो ऐसा सिचुएशन लाइफ टाइम लगाना पड़ेगा यानी तीसरा पॉइंट यह है कि अगर क्रेडिट रिस्क इंक्रीज होता है सिग्निफिकेंटली या मान लो क्रेडिट इंपेयर्ड हो जाता है ये दोनों सिचुएशन में हम लाइफ टाइम इसे लगाते हैं देखो क्रेडिट रिस्क इंक्रीज होना सिग्निफिकेंटली और क्रेडिट इंपेयर्ड होने में फर्क होता है ये दोनों का डिफरेंस भी हम समझेंगे क्रेडिट होने का मतलब मुझे लग रहा है मेरे पैसे लगभग जो है डूब गए डूब गए वो पैसे आने वाले नहीं इसका मतलब होता है क्रेडिट इम्पेयर यानी आपके आप में फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ गई आप बैंक हो गए ऐसा सिचुएशन में हम कहते हैं क्रेडिट इम्पेयर होना है ना पैसे आने वाले नहीं है चांसेस बहुत ही रह रहे कि पैसे आएंगे सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क का मतलब कुछ अलग होता है इसका मतलब ये होता है कि मैं अंदाजा लगा रहा हूं मैं अनुमान लगा रहा हूं मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी आएगी जिसके चलते आपका बिजनेस पे वो इंपैक्ट कर सकता है या फिर मैंने अनुमान लगाया कि आने वाला जो इकोनॉमिक कंडीशन होगा बिजनेस कंडीशन होगा वो आपके लिए सुटेबल नहीं होगा यानी मेरा एक्सपेक्टेशन आ रहा है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है यानी जो जब मैंने आपको पैसे दिए थे तब मैंने दिमाग में जो अनुमान लगाया था उसके अकॉर्डिंगली आज मेरा अनुमान बदल जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्ट मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूं जिससे मैं आपको समझा सकूंगा और ये सच्चाई ये झूठ बिल्कुल भी नहीं है पर जो मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने अराउंड 2016 की बात है 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस वक्त मैंने अपने एक फ्रेंड को मेरा उस टाइम में अर्निंग भी हुआ था बहुत सारे क्लाइंट्स के थ्रू मैंने अच्छा खासा अर्न किया था उस टाइम में तो उस वक्त मैं सारी सच्चाई बता रहा हूं मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपके साथ कुछ भी झूठ सैर नहीं करूंगा मेरे अराउंड कुछ अमाउंट है थ्री टू फोर लाख रुपीज है मेरे एक फ्रेंड ही था उस फ्रेंड के अकाउंट में मैंने पैसे डाल दिए थे एंड uh, मैंने कहा कि चल ठीक है दो तीन महीने के बाद आप मुझे दे, दे देना साथ ही साथ मेरे पास कुछ कैश पड़े हुए थे उस टाइम पे कुछ कैश पड़े हुए थे मेरे तो वो कैश भी मतलब हम साथ ही रहते थे एक्चुअली उस टाइम में पेइंग uh, गेस्ट पे रहते थे साथ ही रहते थे टू की बात है हाँ तो वहां पर हम साथ ही रहते थे तो वहां पर वो कैश भी मैंने साथ ही में कलमीरा में रखते थे तो मैं बीच में दो तीन दिन के लिए ऑडिट पे बाहर गया हुआ था तो उसी मेरे फ्रेंड ने बोला कि ये जो कुछ कैश पड़े हुए ये मैं एक बार यूज कर लू कि आपको एक महीने के बाद दे दूंगा मैंने कहा चल ठीक है ले ले क्यों मैंने कहा क्योंकि मुझे देखा उसका बिजनेस वगैरह बहुत बढ़िया चल रहा है मैं जब चाहूंगा उससे पैसे ले लूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका बिजनेस वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा था उस वक्त उसका टर्नओवर भी अच्छा खासा था तो करीबन करीबन आप पकड़ के चलो सेवन टू एट लाख रुपीस ज्यादा ही कम नहीं होंगे टू लाख मुझे उनसे मिलने थे और मैं सेफ था मतलब मुझे नहीं लगा कि कुछ क्रेडिट रिस्क है यहाँ पर वो पैसे मेरे सेफ है मैं ये फील कर रहा था क्या हुआ पैसे मुझे आ नहीं रहे थे पर तीन चार महीने बाद छह महीने के बाद क्या हुआ मुझे नजर है कि क्रेडिट रेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है कैसे हो रहा है मैं देख रहा हूँ कि उसका टर्नओवर जो है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो रहा है और जो उसके कलेक्शन जो है ना वो कलेक्शन जितना पहले अच्छे से होता था अभी वो कलेक्शन बराबर हो नहीं रहा है तो मैंने कुछ कुछ चेंजेस देखे दूसरी चीज मैंने देखा अब उसका काम में मन नहीं लग रहा है प्रॉपरली है ना वो फोन वगैरह में अब समझ जाओ वहां पर फोन में टाइम दे रहा है बिजनेस को थोड़ा हेम्पर कर रहा है टाइम से जा नहीं रहा है तो मेरे दिमाग में वो अभी तक ऐसा नहीं कि क्रेडिट इंपेयर हुआ था क्रेडिट इम्पेयर नहीं हुआ था पर मेरे दिमाग में बहुत सारा कहानी चल रहा था कि यार जब उस वक्त जब मैंने आग बंद करके इसको पैसे दे दिए थे उस वक्त में और आज में बहुत फर्क है आज क्रेडिट रिस्क इंक्रीज हो गया है और मुझे कहीं ना कहीं डाउटफुल था कि पैसा मिलना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा तब भी मुझे लग रहा था मेरे पैसे मिल जाएंगे क्योंकि वो नेक इंसान ही था उस वक्त तक मुझे लगा मेरे पैसे मिल जाएंगे है ना कभी मैं फिफ्टी थाउजेंड या वन लाख रुपए मांगता था तो मिल भी जाता था मुझे ऐसा नहीं कि नहीं मिलता था तो मुझे पैसे मिल रहा था अगर मेरा रिक्वायरमेंट हो रहा था मैं मांग रहा था वो करके दो तीन दिनों में अरेंज करके मुझे दे रहा था तो यहाँ पर पर फिर भी मेरे दिमाग में क्या चल रहा था यार ये जीएसटी वगैरह टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे इसके कलेक्शन वगैरह प्रॉपरली अभी हो नहीं रहे सेल्स में भी मुझे थोड़ा डिक्लाइनिंग नजर आया यहाँ पर है ना तो ऐसे कुछ कुछ बहुत सारे फैक्टर्स मेरे दिमाग में घूम रहे थे जो मुझे ये करा कर था ये इंडिकेट करा था कि जो क्रेडिट रिस्क शुरुआत में ओरिजिनेशन में जब मैंने उसको पैसे दिए थे वहां से आज में बदलाव आ चुका सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गया क्रेडिट रिस्क ये मैंने समझा तो यहां पर क्या वो क्रेडिट इंपेयर्ड हुआ नहीं हुआ यहां पर वो क्रेडिट इंपेयर्ड नहीं हुआ यहां पर सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ इन क्रेडिट रिस्क चलिए ठीक है पर आफ्टर ए पीरियड ऑफ वन एंड हाफ ईयर्स या टू ईयर्स उसके बाद क्या हुआ मेरे पास थोड़े हल्के पुल्के कुछ पैसे आए पर ज्यादा नहीं आए मैंने भी ज्यादा मांगा नहीं उनसे फ्रेंड ही था तो मैं मेरी उस टाइम आदत नहीं थी ज्यादा मांगने की तो आफ्टर ए पीरियड ऑफ हाफ ईयर्स या टू ईयर्स क्या हुआ उसके बाद उसके बाद ऐसा हुआ कि उसका सेल्स डिक्लाइन कर गया कलेक्शन के बहुत सारे पैसे डूब गए उसकी हालत बहुत खराब हो गई मार्केट में दूसरी को देनदारी भी उसका बढ़ गया था यहाँ पर मेरा पैसा भी नहीं गया और वो था राजस्थान का ठीक है तो वो बोरिया बिस्तर लेके चला गया राजस्थान अब मेरा दिमाग खराब अब मुझे लगा अब पैसे मिलने मुश्किल है तो डेट मीन्स यहां पर क्या हो गया यहां से कुछ पहले आप बता सकते हो जब मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे पैसे बचने वाले नहीं है लगभग लगभग लग, लग रहा है कि अब तो पैसे डूबेंगे क्योंकि अब उसकी फाइनेंशियल डिफिकल्टी चल रही थी है ना और मैं मांग भी रहा था उस वक्त में एक दो बार पैसा तो वो ब्रीच कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट को वो नहीं दे रहा था बोल रहा था कल दूंगा पर वो कल दे नहीं रहा था तो कुछ कुछ ऐसे आ रहे थे जहां पर वो डिफॉल्ट कर रहा था मैं मांगने पर भी पैसा नहीं दे रहा था उसके सिग्निफिकेंट तो फाइनेंशियल तो दोनों में फर्क समझो पहले सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट वो कैसे था जब मैंने पैसे दिए थे तब मुझे डाउटफुल नहीं था तब मुझे लगा कि ये पैसे दे देगा दे क्रेडिबिलिटी अच्छा है पर कुछ दिनों के बाद कुछ कुछ मुझे इंडिकेशन मिल रहे थे जो कह रहे थे कि उस वक्त उस वक्त जो था, उसमें ना और, बाद में, बाद में और सच्चाई बताऊं अभी तक मुझे पैसे मिले नहीं और वो अभी जयपुर पे रहते हैं ठीक है थेके? कोई अगर मान लो कोई अगर आप में से कोई अगर ऐसा है जो मतलब है ना जयपुर में निकाल सकता है तो अलग बात है क्योंकि मैं उधर का हूं नहीं तो मैं कुछ कर नहीं सकता मैं एक आध बार फोन करता हूँ तो वो उठाते भी नहीं अब तो तो यहां पर अगर कोई कर सकता अलग बात है मुझे बताएगा जरूर चलिए मुझे एक एग्जाम्पल आपके साथ ये शेयर करना था मेरा मोटिव आपको पढ़ाने का था ऐसा कुछ नहीं पर ये रियलिटी में आपको समझा रहा हूं तो यहां पर अल्टीमेटली क्या हुआ क्रेडिट इंपेयर्ड हो गया तो आपको मैं समझा दू अगर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क होना मतलब जब मैंने पैसे दिए उसके बाद बदलाव आना क्रेडिट रिस्क का बढ़ना कुछ कुछ ऐसी कर रहा है जिससे पता चल रहा मतलब है क्रेडिट अरे वो बैंक हो गया अब तो उसकी नियतों की तो भी वो नहीं दे पाएगा है ना वो डिफॉल्ट ही कर रहा है मतलब वो गया अब आपके पैसे गए अब मतलब एविडेंसेस आ रहे मतलब जब मेरे पास एविडेंस पहले तो मैं सक कर रहा था पहले तो मुझे लग रहे थे यार यहाँ दिक्कत हो रही है वहां दिक्कत हो रही है मेरे दिमाग में सक था तो सक मतलब वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क पहले से सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है पर बाद में क्या हो रहा है बाद में मेरा सक यकीन में बदल रहा है एविडेंस आ रही. कैसे एविडेंस आ रही? कि उसकी फाइनेंशियल डिफिकल्टी चल रही है उसके पास खाने को पैसा नहीं है वो दूसरे को भी पैसा नहीं दे पा रहा वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है मैं पैसे मांग रहा हूँ वो चेक दे रहा है जो चेक आपका बाउंस कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा हूं है।, है ना फाइनेंशियल डिफिकल्टी उसकी आ गई है या फिर वो बैंक करप्ट हो गया है उसके पास बैंक बैलेंस जीरो है तो ये ये सारे चीज जो है ये evidences है एविडेंसेस और ये एविडेंसेस इनफ है जो कहेंगे कि वो क्रेडिट इंपेर्ड हो गए तो यहां पर हालांकि एग्जाम परस्पेक्टिव में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज क्योंकि यहां पर एग्जाम में आपको बता दिया जाएगा कोई प्रॉब्लम एग्जाम में आपको बता दिया जाएगा एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है जब सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है ना क्रेडिट रिस्क पे जब क्रेडिट रिस्क पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है मतलब कहां से ओरिजिन डेट पे जिस दिन मैंने लोन दिया था उसके बाद अगर उस दिन से सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गया क्रेडिट रिस्क पे तो हम लाइफ टाइम इसीएल लगाते हैं हम ट्वेल्व मंथीएल नहीं लगाते अगर क्रेडिट इंपैक्ट होता है तो भी हम लाइफ टाइम इसीएल लगाते हैं तो आप बोलोगे तब तो दोनों में एक ही कहानी होते हैं होता है बस एक छोटा सा फर्क है जो मैं आपको बताऊंगा सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क और क्रेडिट इम्पैक्ट में लगभग सब कुछ सेम ही है यानी दोनों में ही लाइफ टाइम इसलिए लगता है बस एक ही फर्क है कि जब हम इंटरेस्ट जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स में इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करते हैं एक जगह पे ग्रॉस पे करते हैं और एक जगह पे नेट पे करते जो मैं अभी आपको बैलेंस शीट का एक अकाउंटिंग एक एक समझाऊंगा वहां पर मैं आपको जरूर से क्लियर करा दूंगा वहां पर मैं आपको समझा दूंगा कि क्या फर्क है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रेस्ट और क्रेडिट इंपेक्ट में तो ये मैंने आपको अच्छी तरीके से कोशिश किया कि मैं आपको यहां पर समझा सू तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया यहां पर तो यहां पर अभी मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ यहाँ पर वापस से मैं भी आपको समझाने वाला हूँ पहले आ, कुछ कुछ जो स्टैंडर्ड ने आपके साथ तैर किया कुछ कुछ सीनारियों जहां पर हम उसे मानेंगे क्रेडिट इम्पैक्ट है और कुछ कुछ ऐसे सीनारियों जहां पर हम मानेंगे क्रेडिट इम्पैक्ट नहीं है पर वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क हो गया मतलब मैं वापस से आपको क्लियर कर रहा हूं लो मैंने आपको पैसे उधार दिए आज फर्स्ट जनवरी 2022 को मान लो मैंने आपको पैसे उधार दिए कब कभी फर्स्ट जनवरी 2022 को मैंने पैसे उधार दिए उस वक्त जो मुझे क्रेडिट रिस्क नजर आ रहा था जो भी हो टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट जो भी मुझे उस वक्त क्रेडिट रिस्क नजर आ रहा था उसके बाद आफ्टर आफ्टर या वन ईयर उसमें अगर बदलाव आना अगर क्रेडिट रिस्क में सिग्निफिकेंट इंक्रीज होना अगर आप बोलोगे नहीं ऐसा कोई बदलाव हुआ ही नहीं मतलब जो ओरिजिन डेट पे जो रिस्क था उतना रिस्क बाद में चेंज नहीं हुआ तब तो भैया ट्वेल्व मंथ इसलिए लगाना तब तो आपको लगा रहा। पर आप देखोगे नहीं बदलाव आया है कुछ तो गलत नजर आ फील हो रहा फीलिंग आ रही है in पर नहीं तो हम क्या करेंगे लाइफ टाइम इसी लगाएंगे हाँ आपको फिर नजर आ रहा है कुछ साल के बाद नहीं नहीं अब ये तो पैसे डूबे ये तो क्रेडिट इम्पायर्ड हो गया एविडेंसेस मिल रहे हैं बैंक वगैरह के तो हम क्या करेंगे वहां पर भी लेफ्ट लगाएंगे बस उसका एक हल्का या तो या यानी कब हम मान लेंगे एज पर स्टैंडर्ड हम कब मानेंगे क्रेडिट इम्पेयर्ड होना यहां पर ध्यान रखना यहाँ पर आपको ज्यादातर केसेस में क्या मिलेंगे सबूत मिलेंगे या जब आपको सबूत मिल जाए एविडेंसेस मिल जाए आप समझ जाना क्रेडिट इंपेयर्ड हुआ जैसे फाइनेंशियल डिफिकल्टी फाइनेंशियल डिफिकल्टी हल्का फुल्का नहीं सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट मतलब अच्छा खासा फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ गया बेचारा बर्बाद होने की नजर पे है यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना यानी डिफॉल्ट वगैरह करना जो पेमेंट के ड्यू डेट से वहां पर डिफॉल्ट कर रहा है वो ब्रीच कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को मतलब तो समझ जाओ अब तो पैसे नहीं मिलने से मिलने का चांस कम नजर आ रहा है देखो एक ऐसा भी हो सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं करो आप टाइम टू टाइम पैसे दे रहे हो पर आपके हालात खस्ता हो गए

है ना इतनी भी नाजुक नहीं इतनी भी बुरी नहीं किया मुझे दे नहीं सकता मुझे पैसे दे दो पर मुझे आपकी हालत में थोड़ा सा बदलाव नजर आ रहा है आपका थोड़ा सा सिग्निफिकेंट इंक्रीज नजर आ रहा है मेरे क्रेडिट रिस्क पे रिस्क पे थोड़ा सा इंक्रीज नजर आ रहा है मैं लाइफ टाइम इसे लगा दूंगा चुपचाप चुपचाप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आया तो चलिए समझ में आया पर तो मैंने आगे आपको कहा कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेंडर्स ने ग्रांट किया कंसेशन टू बोरो कंसीडरिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी आपकी फाइनेंशियल डिफिकल्टी चल रही है वजह से मैंने आपको ग्रांट कर दिया कंसेशन चल ठीक है इतने पैसे मत देना कम दे देना ये वो मैं कुछ कुछ कर रहा हूं इंटरेस्ट रेट कम कर दे रहा हूँ आपको टाइम टाइम आपका ज्यादा दे दे रहा आपको पैसे चुकाने का ऐसे कुछ कुछ अगर केसेस मैं आपके साथ कर रहा हूं तो मतलब ये भी इंडिकेशन है क्या ये भी इंडिकेशन है क्रेडिट एम्पायरमेंट का फिर बैंक आपको समझा था ना प्रोबेबल यानी प्रोबेबल मतलब समझो फिफ्टी से ज्यादा चांस नजर आ रहा है कि आप बैंक हो गए

एट डीप डिस्काउंट डिप डिस्काउंट मतलब जब मैंने खरीदा ही तभी ही मतलब क्या हुआ केस जैसे आप देखना कुछ कुछ कंपनीज के बहुत सारे बॉन्ड्स वगैरह खरीदे हुए रहते हैं वो बॉन्ड्स की हालत बहुत बुरी रहती है तो दूसरी थर्ड पार्टी क्या करती है सस्ते दामों में बॉन्ड्स को खरीद लेती है ये हम देखते हैं कितने बार बैंक्स के लोन्स वगैरह भी होती है तो वो थर्ड पार्टी खरीद लेती है कि तेरा सो करोड़ तुझे मार्केट से मिलना है चल ठीक है पचास करोड़ में मुझे दे दे और बैंक भी बेच देती बैंक देती यार इसमें तो पैसे आ नहीं रहे चल ठीक है पचास करोड़ लमसम फिफ्टी करोड़ रुपये सारा बेच देते हैं तो यानी जब मैंने ये खरीदे मतलब आप बैंक लो, आपको लोगों से बहुत सारे पैसे मिलने मैंने वो आपसे खरीद लिए डीप डिस्काउंट प्राइस में और आप मुझे क्यों बेचोगे ऑब्वियसली बात है आपको पैसे रिकवर नहीं हो रहे थे प्रॉपरली इसलिए तो तो आपने मुझे बेच दिया तो यहाँ पर ये ओरिजिन में ही यहाँ पर प्रॉब्लम है क्रेडिट इम्पैड है तो इसलिए ये सारे सिचुएशन में हम क्या कहेंगे क्रेडिट इम्पैक्ट तो देखो यहां पर सारे सिचुएशन में आपको सबूत मिले यहाँ पर आपको ये समझना सारे सिचुएशन में आपको क्या मिले सबूत मिल रहा है आपको यहाँ पर एविडेंस जहां पर आपको सबूत मिलेंगे हम क्या कहेंगे उसे क्रेडिट इंपैक्ट कहेंगे हम उसे क्या कहेंगे क्रेडिट इंपैक्ट पर अगर आप देखोगे सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क यहां पर आपको सबूत नहीं मिल रहा है पर आपको अंदाजा हो रहा है कि क्रेडिट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है लोन दिया था उस वक्त से बदलाव आया जैसे मैंने आपको कहा था मेरे फ्रेंड को जो मैंने पैसे दिए जब दिए सब ठीक था पर कुछ दिन के बाद मैं देख रहा हूँ उसका बिजनेस कंडीशन हो रहा खराब हो रहा है है ना आ, कुछ कुछ अलग अलग कहानी हो रही है यहाँ पर जिससे मुझे अंदाजा मिल रहा है कि नहीं यार ऐसे रिस्क में है डूबे नहीं है इंपेयर नहीं हुए हैं, पर लग रहा है कि पहले से रिस्क बढ़ गया पैसा मिलने का रिस्क जो है बढ़ गया अब डिफॉल्ट नहीं कर रहा है पास वाला पर फिर भी, भी लग रहा है यार मन में बेचैनी हो रही है कि अब थोड़ा रिस्क हो गया पैसा क्योंकि उस टाइम वाली क्रेडिबिलिटी अब उतनी नहीं रही हम क्या कहेंगे इंपेयर तो नहीं हुआ है पर सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है

जिससे आपका पैसा चुकाने की आ, हालत आपका खराब हो सकता है ये सारे मैं फील कर रहा हूं हुआ नहीं ऐसा है, है ना तो यहाँ पर देखो वर्ड्स देखो यहाँ पर वर्ड्स को फील करो फोरकास्ट एडवर्ड चेंज फोरकास्ट एडवर्ड चेंज जिससे मुझे एक्सपेक्टेशन है मुझे लग रहा है कि आप अपनी जो आपका डेट ऑप्लीकेशन है उसको मीट नहीं कर पाओगे मुझे लग रहा है ऐसा हुआ नहीं है सबूत नहीं यहाँ पर मैं फील कर रहा हूं मतलब मैं मैंने जब आपको पैसे दिए थे तब मैं ये फील नहीं कर रहा था बाद में मैं फील कर रहा हूं मतलब सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है एक्सपेक्टेड डिक्लाइनिंग रेवेन्यू मुझे लग रहा है आपका रेवेन्यू गिरा नहीं है गिर जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे ये सारी चीज ऐसे कुछ होगा आपके साथ समझ में वर्किंग कैपिटल में डेफिशिय वगैरह मार्जिन वगैरह कम लेना मतलब ये सारे मुझे फीलिंग दिला रहे कि यार नहीं पैसे डूबने के चांस मैं आपका सेल्स वगैरह भी चलो मान लो थोड़ा कम हो गया पर फिर भी ऐसा नहीं कि पूरा कम हो गया पर पहले से मार्जिन कम हो गया पहले वर्किंग कैपिटल के फ्लो तो थोड़े से, थोड़े से जब मैंने दिए थे तब से थोड़े रिस्क में अभी मुझे डर लग रहा है, तो लग हुआ है। किस में क्रेडिट रिस्क में पर अभी तक कोई ऐसा नहीं, नहीं, नहीं है कि हम इससे ये कहेंगे कि कंक्लूजन नहीं हमारे पास क्या कहेंगे कि पैसे डूबे अभी तक डूबे नहीं है अगर डूबे दूब, वाले ये सारे थे यहां पर देखा हाँ, था हम कहेंगे और, और, यहां पर in दूसरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ऐसा हो सकता है कि वो फाइनेंशियल होल्ड कर रहा हूं फिर कोई और होल्ड कर जहां पर आपका क्या हो रहा है क्रेडिट रिस्क इंक्रीज हुआ है तो दूसरे का पैसा में आपका सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ मतलब मेरा भी हुआ है अब समझो मैं आपको सिंपल से एक लॉजिक दे रहा हूं पैसे दे रखे मेरे दोस्त है मुझे कुछ कुछ ऐसा उसके साथ हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे पैसे रिस्क में बताओ मैं नहीं डरूंगा अंदर अंदर मैं भी तो डरूंगा यार मैंने भी तो पैसे दे रखे मैं है मैंने उसको बताया नहीं मैं भी पैसे दे रखा हूँ तो मुझे डर लग रहा है बताओ रहा है डर मेरे मेरे साथ भी सच बताऊं ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी एक केस में ऐसा हुआ था ये दूसरा केस है यहाँ पर क्या हुआ एक मैं मैं पहले जब कॉलेज में जब मैं था तो उस वक्त मैं केयर नहीं करता था पैसा वगैरह कोई मांगते थे कोई थोड़ी सी मुझे एक होता ना दिखता था बुरी हालत में दे देता था, था चल ठीक है क्या है पैसा तो फिर आ जाएंगे तो ऐसे ही हुआ एक बार मतलब एक सीनियर था मेरे से फोर टू ईयर सीनियर था तो वहां पर उसने मुझे कहा कि कुछ पैसे किया वो एकदम हीरो बन किया था था के आता था बाइक में लेके एकदम अच्छे से हीरो बन के आता था मतलब मुझसे पूछा कि पैसे उस पर है क्या कुछ मैंने बोला हाँ है मेरे पास लैपटॉप खरीदने के पैसे थे मेरे एटीएम में करीबन मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर में जब मैं था थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज मेरे अकाउंट में थे पैसा तो उसने कहा कि क्या मैंने कहा कितने चाहिए नहीं एक बार कुछ ट्वेंटी थाउजेंड कुछ पेमेंट करना है टू डेज के बाद ले लेना ज्यादा ले लेना मैंने कहा नहीं क्या ज्यादा क्या लूंगा उतने दे देना मैंने कार्ड निकाल के दे दिया उसको तो दे दिया अब वो मेरे सीनियर था मेरा चार पांच साल सीनियर था पर मेरे से जो एक और मेरा रूममेट रहता था, था वो भी सीनियर था उसके फ्रेंड था मतलब मैंने तो तो मैंने दे दिया एकदम अच्छे से एकदम टसन में आता था एकदम अच्छे से हीरो बन के रहता था मैं सोच ये कहा मेरे पैसे खाएगा तो दे दिए फिर बाद में देने के बाद में कुछ दिनों के बाद ठीक है मैंने बताया भी नहीं किसी को कि मैंने पैसे दिए कुछ दिनों के बाद मैंने उसको फोन करा कि मैंने लैपटॉप खरीदना है तो मुझे पैसों की जरूरत है तो बोले हाँ करा रहा हूँ एक दो बार फोन नहीं उठा रही वो रहा तो मैंने फिर जो मेरे साथ रूममेट रहता था वो उसका वही फ्रेंड था मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसी बात है उसने मुझे जो गाली दिया उसने मुझे कहा कि पागल है क्या मुझसे पूछे वर क्यों उसे पैसा दिए सबके पैसे खा के बैठा हुआ अब शायद ही तुझे पैसे मिलेंगे तो सोचो यहाँ पर क्या हो गया मतलब मैं डर रहा हूं यहाँ पर उसने मुझे पता है तो मैं डर गया ना तो अचानक से क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया हालांकि बाद में पैसा निकलवा दिया उसने मिल गए मुझे पैसे टाइम लगा पर तोड़ तोड़ के पैसे मिले पूरे नहीं मिले समझ लो पर मिल गए मुझे पैसे तो यहाँ पर वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको फील करना है कि जो आपने जिस वक्त पैसे दिए थे उसके बाद में क्या सिग्निफिकेंट रिस्क आपका बढ़ा है उस क्रेडिट रिस्क आपका बड़ा आपको लग रहा है कि नियत पास वाले की नहीं पास वाला पैसा नहीं देना चाहता है या कुछ आपको मिलने वाला नहीं है इसमें इंक्रीज हुआ है आप बोलोगे सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क जहां पर आपको लगता नहीं एविडेंस मिल रहा तो मिलने के चांस ना के बराबर हो गए क्रेडिट इम्पैक्ट है ना चलिए हमने समझा फिर आगे जैसे रेगुलेटरी में कोई चेंजेस आना है ना टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में चेंज आना जैसे हम देखते हैं बहुत सारे आप जिस फील्ड में आप काम करते हो मान लो कोई मशीन बनाते हो कोई टेक्नोलॉजी की मशीन बनाते हो उसी का आपका काम है पूरा का पूरा आपने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा अब अचानक से नया टेक्नोलॉजी आ गया तो मुझे अब डाउट हो रहा है कि आपका टेक्नोलॉजी सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा तो मुझे डर लग रहा है मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है मतलब सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क तो इस तरीका का बहुत सारा है जहां पर गारंटी अगर मुझे किसी ने दी है तो उसका क्वालिटी ऑफ गारंटी कम हो गया है बहुत सारी या फिर मान लो आपका कोई पेरेंट एंटिटी है आप किसी कंपनी के सब्सिडरी हो है ना आपका पेरेंट एंटिटी है वो आपको सपोर्ट नहीं करता फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देता आपको तो मुझे चिंता हो रही है आपका पापा तो आपको पैसा नहीं दे रहा तो मुझे आप कैसे पैसा दोगे जैसे कितने बार होता है ना कि हम अपने दोस्त को पैसे देते ये सोच के ये तो बहुत पैसे वाला है बहुत पैसे वाला है, उसको पैसे वाला उसको दे दे चल ठीक है कहा पैसा खाएगा पता चला अचानक आज मैंने लाख लाख दे दिए मेरे फ्रेंड को सोच के कि बहुत पैसे वाला कल पता चला उसके बाप ने उसको घर से निकाल दिया सिग्निफिकेंट तो, इंक्रीज हाँ अब ऐसा तोड़ने की वो ब्रीच कर गया वो देगा कहीं से पैसा है ना तो यहाँ पर फिर भी लग रहा है कि बाप ने घर से निकाल दिया तो कैसे देगा नहीं दे पाएगा क्या है क्या नहीं मन में खलबली मच गई तो डेट मीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क तो यहाँ पर ये देखो ये सारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं मैं बता रहा हूँ एग्जाम पर्पस के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं अगर आपको समझ में नहीं आया तो भी कोई टेंशन वाली बात है मैंने अपना बेस्ट कोर्सिस किया आपको समझा सकू पर आपको यहाँ पर डीप नहीं जाना है डीप जाने की और भी दूसरी जगह है जहां पर मैं बैलेंस समझाऊंगा वहां पर डीप जाना ये तो जरूरत नहीं ये तो थ्योरी है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी नहीं आएंगे क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली देंगे एग्जाम में थोड़ा पूछेंगे बताओ पॉइंट जहां पर आपको लगता है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कभी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा तो ऐसे तो कभी होंगे नहीं हालात जहां पर आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे बस दिमाग में इतना रखना क्रेडिट इंपेयर्ड मतलब पैसे लगभग लगभग डूब गए है ना एविडेंस है यहां पर स्ट्रॉन्ग एविडेंस है यहां पर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट का मतलब ओरिजिन डेट में जब हमने पैसे दिए थे तब से और अभी में रिस्क में बदलाव होना यानी तब जितना रिस्क हम मान रहे थे तब मान रहे थे कि टेन परसेंट रिस्क है कि पैसे डूबेंगे नाइन्टी परसेंट रिस्क है कि पैसे नहीं डूबेंगे नाइन्टी परसेंट चांस है पैसे नहीं डूबेंगे पर एक साल के बाद देख रहे थर्टी परसेंट चांस हो गया कि पैसा डूबेगा तो टेन से थर्टी यानी सिग्निफिकेंट हो गया ना टेन से ट्वेल्व थर्टीन होता तो सिग्निफिकेंट नहीं कहते चल टेन का ट्वेल्व परसेंट हुआ फिफ्टीन परसेंट हुआ नॉट सिग्निफिकेंट इंक्रीज पर टेन से ट्वेंटी होना टेन से थर्टी होना फोर्टी होना सिग्निफिकेंट इंक्रीज तो हुआ ना क्रेडिट रिस्क तो यहां पर मुझसे क्या कहेंगे सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क और मैंने आपको क्या समझाया अगर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क नहीं हुआ है ट्वेल्व मंथस में भी क्या लगेगा ट्वेल्व मंथल मैंने क्या कहा मैंने शायद गलती से कुछ और तो नहीं कह दिया रिपीट कर रहा हूं अभी वापस से अभी जस्ट जो बोला मैंने आपको मैंने आपको ये कहा कि अगर मान लो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स और सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क नहीं हुआ है नहीं क्रेडिट इंपेक्ट है नहीं सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क क्या लगाओगे ट्वेल्व मंथ इसलिए लगाओगे ना क्योंकि नीक बंदा है यार ट्वेल्व मंथ इसलिए लगा दो लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असेट्स में लग रहा सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ इन क्रेडिट रिस्क क्या लगाओगे लाइफ टाइम सेल या लग रहा है कि क्रेडिट इंपेयर हो गया तब भी क्या लगाओगे तब भी लगाओगे लाइफ टाइम आपको ध्यान में रखना है लेकिन जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स है जैसे कि लीज आपके ट्रेड या फिर जो अदर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स है ये सब ऑलरेडी इसके टर्म जो है बहुत कम होते हैं लगभग वन ईयर के आसपास ही रहते लगभग ट्वेल्व मंथ्स के आसपास ही रहते तो कहा यहां पर क्यों झमेला पालना रहा यहाँ पर आप सीधा लाइफ टाइम स्टील लगा दो लाइफ टाइम स्टेल ही लगा देना चाहिए आपको तो यहां पर मैंने कोशिश किया कि मैं आपको समझा सकूं तो यहां पर आप बस अभी अभी के लिए आप दिमाग में डालने की कोशिश करो समझने का काम हमने कर लिया तो लाइफ टाइम इसीएल में वापस से रिपीट कर रहा हूं क्या क्या था दिमाग में जोड़ डालते हैं लाइफ टाइम में पहले ये देख लो कि कौन से कौन से होने ही मैंडेटरी ट्रेड मैंडेटरी है लीज मैंडेटरी है फिर मैंने कहा कि जो रेवेन्यू यानी आपने गुड्स या सर्विस सेल किया तो एज पर इंडेक्स वन है ना जो भी आपके रिसिबल होने वो सारे मैंडेटरी है लाइफ टाइम इसीएल ही लगेंगे वहां पर और बाकी सारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असर्ट जहां पर मैंने आपको शॉर्ट टर्म लोन वगैरह दिया है तो ये सारे भी

मंथ कब होगा बस एक ही केस में जब वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट है क्या होगा जब वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट है जब वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट है और उसका क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है और नहीं वो क्रेडिट इम्पैक्ट है मतलब एक तो बड़ा है लॉन्ग टर्म है दूसरा उसका क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ा नहीं है नहीं क्रेडिट इम्पैक्ट हुआ मतलब वो नेक इंसान है लंबे समय के लिए पैसा लिया नेक इंसान है चलो ट्वेल्व मंथ इसी लगा दो बाकी सारी जगह पे हम हमेशा क्या लगाएंगे लाइफ टाइम इसी लगाए मुझे लग रहा है आप यहां पर फिर से भूल जाओगे मुझे लग रहा है आप फिर से भूल जाओगे तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं देखो मुझे लग रहा है भूलोगे तो मैं फिर से क्या करूंगा मैं लिखूंगा ट्वेल्व मंथ इसी है जो है यह कब लगेगा सारे शॉर्ट टर्म पे सारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स और जनरली हम ट्रेड रिसीबल्स ठीक है लीज इन सबको शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म ही तो तो मानते हैं है ना और बाकी अदर ये तो हमेशा इस पे क्या लगेगा ट्वेल्व मंथ ईसीएल कभी नहीं लगेगा मैं क्यों बार बार ये लिख रहा हूं है ना कभी नहीं लगेगा क्या लगेगा इस पर हमेशा लाइफ टाइम इसीएल लगेगा क्योंकि ये लाइफ टाइम ईसीएल इक्विवेलेंट इन टू ट्वेल्व मंथ की तरह ही हो गया ये इसलिए इस पर क्या लगाओ लाइफ टाइम ईसील लगाओ फिर दूसरा यहां पर बस आपको ये देखना है कि क्या क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं हुआ नॉट इंक्रीज है सिग्निफिकेंटली अगर क्रेडिट रिस्क इंक्रीज नहीं हुआ सिग्निफिकेंटली और साथ में ये लॉन्ग टर्म है तो हम क्या लगाते हैं तब हम लगाएंगे ट्वेल्व ईसीएल अगर क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है ना और यह क्रेडिट इंपेयर्ड हुआ है साथ में यह क्या है लॉन्ग टर्म है क्या होगा लाइफ टाइम इसल ये लॉन्ग हो या शॉर्ट हो फर्क नहीं पड़ता लाइफ टाइम इसलिए लाइफ टाइम इसील है क्योंकि शॉर्ट में तो ऐसे भी लाइफ टाइम इसील ही लगता है तो चलिए ना आप दिमाग में कभी कभी कंफ्यूजन आ सकता है क्योंकि सोचने में कंफ्यूजन आ जाता है कितने बार की शॉर्ट टर्म में तो ट्वेल्व मंथ्स लगा देते नहीं गलती आप यही गलती कर जाओ क्योंकि बोलने में समझ में मुझे सारा चीज आया हुआ है आपको भी समझ में आया हुआ है पर हम कितने बार मैं देखो यहाँ पर गलती कर जा रहा हूं तो आप भी गलती कर जाओगे यहाँ पर आपको समझना जो शॉर्ट टर्म में ट्वेल्व मंथ्स की तरफ खींचेगा वो आपको पर आप जाना मत आप खींची मत जाना शॉर्ट टर्म को तो हमेशा कहना क्या अरे तू शॉर्ट टर्म है ना जा लाइफ में जा शॉर्ट टर्म तेरा लाइफ छोटा है लाइफ लेफ्ट मेल शॉर्ट टर्म तेरा लाइफ छोटा है लाइफ लेफ्ट ट्रेड रिसीबल शॉर्ट टर्म है तेरा लाइफ छोटा है लाइफ लेफ्ट मेल

और ट्वेल्व में हमने देखा था सिर्फ मंथ्स का ही दिखा जाएगा और जहां पर हम कितनी बार क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकालते हैं ना कि द ईसीएल आपका फाइव परसेंट है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करते हैं जो मैंने आपको समझाया था यहाँ पर तो चलिए आपको ये समझ में आ गया एंड uh, मैं उम्मीद करता हूं आपने ये सारा चीज समझ लिया अच्छी तरीके से अब यहाँ पर एक और बात है एक और चीज स्टैंडर्ड यहाँ पर कहता है आपको सिंप्लीफाइड अप्रोच वो कहता है सिंप्लीफाइड अप्रोच एक सिंपलीफाइड अप्रोच हम रख देते हैं कोई कोई एंटिटी को अगर लगता है कि यार उसके लिए बहुत टेंशन वाला चीज है सब ट्वेल्व लाइफ टाइम ये सब करना बहुत टेंशन वाला चीज है तो कोई भी एंटिटी क्या कर सकता है सारी फाइनेंशियल एसेट्स को लाइफ टाइम दिखा सकता है क्योंकि उससे तो खुशी होगा ना स्टैंडर्ड स्टैंडर्डर बोले अच्छा लाइफ टाइम लगा रहा है अच्छी बात है ज्यादा इंपेयरमेंट होगा लाइफ टाइम में तो बड़ा होगा ज्यादा इंपेयर होगा पेल कम होगा बस एक ही जगह पे लग रहा है जो वो लॉन्ग टर्म है अगर वो लॉन्ग टर्म है और साथ में उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुआ क्रेडिट रिस्क में तभी तो ट्वेल्व मंथस लगता है बाकी सारे में तो ऐसे भी लाइफ टाइम लगता है तो कहा कि अगर आपको झमेला पालने का मन नहीं है तो ठीक है उस पर भी लाइफ टाइम लगा देना सिंपलीफाइड अप्रोच सब में लाइफ टाइम लगा दो बात खत्म यहाँ पर तो चलिए ये सारा चीज हमने समझा यहां पर तो यहां पर आप देखो जैसे मैंने आपको समझाया था नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क मतलब लो रिस्क है अरे सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ ही नहीं रिस्क है तो लो रिस्क अगर ये लॉन्ग टर्म है तो जनरली हम क्या लगाते हैं ट्वेल्व मंथ इसलिए लगाते हैं अरे एक आदमी ना लॉन्ग टर्म होना पड़ेगा बस ये ध्यान रखना ये लॉन्ग टर्म रिसीवर्स वगैरह तो इस इसमें कभी आते ही नहीं है है ना तो यहाँ पर ट्वेल्व मंथ इसलिए लगाएंगे और यहां पर इंटरेस्ट जो है ना एक मैंने कुछ गलत लिख दिया हाँ यहाँ पर लिख दिया होगा भी नेट एफे नहीं होगा हो आपका है ना? क्योंकि ऑब्वियसली बात यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ क्रेडिट रिस्क पर ग्रॉस एफ होना हमेशा ग्रॉस फाइनेंशियल होना आपका फिर देखो तो अगर सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट रिस्क में और या फिर क्रेडिट रिस्क आपका इंपायर हो गया ज्यादा खतरनाक कौन सा क्रेडिटर्स इंपेयर होना ज्यादा खतरनाक है तो देखो ना वेरी हाई रिस्क है यहाँ पर मॉडरेट टू हाई रिस्क है पर इससे भी ज्यादा खतरनाक ये वेरी हाई रिस्क है हालांकि दोनों में लाइफ टाइम इसीलिए लगता है दोनों में क्या लाइफ टाइम इसीलिए लगता है आपका दोनों में लाइफ टाइम इसीलिए लगता है बस दोनों में फर्क क्या पता है यहाँ पर भी मैंने एक्चुअली लिखने में थोड़ा सा गलती कर दिया देखो समझा हुआ रहता है ना तो बाद में उसे ठीक करने में भी मजा आता है तो यहाँ पर देखो फर्क क्या रहेगा फर्क ये कि यहाँ पर हम ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट्स पे इंटरेस्ट लगाते हैं और यहां पर हम नेट फाइनेंशियल पे इंटरेस्ट लगाते हैं आप बोलोगे आपको तो कुछ समझ में नहीं आएगा टेंशन लो तो समझ में नहीं आएगा पर मैं नीचे जब आपको बैलेंस से अकाउंटिंग समझाऊंगा ना तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा तो इसका टेंशन ना लो ये हमारा होल्ड पे रहेगा ये नेट वाला और ये ग्रॉस वाला हमारा होल्ड पे रहेगा जहां पर हम समझेंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं साथ में मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड एक और बात आपको बोलता है छोटी सी बात आपके साथ करता है स्टैंडर्ड आपको ये और थर्टी डेज बीत चुका है तो मान लिया जाएगा कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंट इंक्रीज क्या माना जाएगा उसे क्रेडिट इंपैर्ट ही मान लो क्योंकि डिफॉल्ट कर रहा है ना वो पेमेंट पे तो अगर वो डिफॉल्ट करा पेमेंट पे मतलब उसका ड्यू आ चुका बट ड्यू डेट में उसने पैसे नहीं दिए वहां से थर्टी डेज वहां से थर्टी डेज तक उसने पैसे नहीं दिए तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे मान लेंगे कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क है और मैं तो कहूंगा लॉजिकली अब उससे क्रेडिट इंपेयर ही मान लू क्योंकि उसने डिफॉल्ट किया पेमेंट पे थर्टी डेज पार हो चुका है उसने पैसे नहीं दिए तो लगभग दुबनी का जैसा ही तो है है ना हाँ अगर अदर आपको इंडिकेट करते कि वो क्रेडिट फैक्टर नहीं हुआ है तब आप एटलीस्ट उसे क्या मान लो आप आप उसे सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क तो मान लो पर यहाँ पर स्टैंडर्ड कोई जोर नहीं डालता स्टैंडर्ड ने कहा कि वो आप जोर नहीं डालेगा अगर आपको लगता है थर्टी का सिक्सटी डेज लेना चाहिए या ज्यादा लेना चाहिए या कम लेना चाहिए ट्वेंटी डेज तो अच्छी बात है आपके ऊपर छोड़ दिया क्योंकि स्टैंडर्ड कहीं पर भी आपको इन डेज कहीं पर भी आपको थोपने की कोशिश नहीं करता अदरवाइज फॉर बस एग्जाम्पर्प ये ध्यान में रखना अगर ड्यू डेट से थर्टी डेज पार हो चुका और पैसा नहीं आए

थर्टीथ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को पैसे आने थे पर आज थर्टीथ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन हो गया पैसा नहीं है एक महीना से ज्यादा हो गया ड्यूआई को पैसे नहीं है तो स्टैंडर्ड का कहना है यार आप इसे मान लो कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है इन क्रेडिट रिस्क देर इज ये मान लिया जाएगा कि क्रेडिट रिस्क इंक्रीज हुआ है क्या सिग्निफिकेंटली ये मान लिया जाएगा आपका तो चलिए ना मैंने आपको बहुत कुछ अभी समझाया तो है ऐसा नहीं कि मैंने आपको बहुत कुछ नहीं समझाया बहुत कुछ नहीं पढ़ा है बहुत कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया लगभग हम एंड पे ही है

वहां पर थोड़ा ऐसा एक थोड़ा है कि वो इरिवोकेबल है वो तो ऐसा है नहीं तो इसलिए जो डेट इंस्ट्रूमेंट में अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है अगर वो एफ बी टी ओ सी है यह अमोटाइज फास्ट मैथ लगेगा एफ बी टीबिल तो लगने वाला है नहीं यहाँ पर तो ये सारा चीज मैंने आपको पढ़ाया था फिर मैंने आपको क्या कहा था एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैसे निकालोगे आप देखो फ्यूचर में क्या पैसा आपको मिलने वाला है आप देखो क्या आपका अंदाजा है कितने आपको मिलेंगे प्रोबेबिलिटी वगैरह लगा के फिर आपको पता चल जाएगा कि एवरी ईयर आपको कितना नहीं मिलेगा उसको आप ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से पुल करोगे आपका एक्सपेक्टेड पेड लॉस आ जाएगा इज लाइफ लाइफ टाइम टाइम ईसीएल ईसीएल उसे हम बोलते हैं और वही अगर आप 12 मंथ्स का निकालोगे उसमें प्रॉबेबिलिटी निकालोगे डिफॉल्ट होने का 12 मंथ्स में कितना है 5 परसेंट है तो उसका 5 परसेंट करोगे तो वो आ जाएगा 12 मंथ्स ईसीएल और मैंने आपको समझाया था लाइफ टाइम ईसीएल ईसीएल और 12 मंथ्स में मैंने आपको ही समझाया था लाइफ टाइम ईसीएल हम कब कब लगाते हैं जो ऑलरेडी छोटा पीरियड का लिस्ट रिसीवेबल ट्रेड रिसिवल्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट जो है या फिर जिसका क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया है है ना या फिर मान लो जिसका क्रेडिट रिस्क इंपायर्ड हो गया क्रेडिट इम्पायर्ड हो गया इन सब में लाइफ टाइम ईसीएल लगता है बस क्रेडिट इंपैर्ड वाले में लाइफ टाइम ईसीएल के साथ साथ उसका फाइनेंशियल एसेट्स को हम इंटरेस्ट जो जोड़ते हैं उस पर वो नेट फाइनेंशियल एसेट्स पे जोड़ते हैं हम नीचे पढ़ लेंगे फिर ट्वेल्थ मंथ स्किल किसपे लगे जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स है ना और उसका सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुआ है क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क नहीं हुआ पर तो हम कहेंगे यार नेक एक आदमी है ट्वेल्व मंथ से लगा दो ये हमने ट्वेल्व मंथ से लगा दिया फिर मैंने आपको समझाया था कि कब क्रेडिट इम्पेड होता है जहां पर आपको एविडेंसेस मिल रहे जैसे बैंक होना पार्टी का है, है अदरस तो आप हाँ तो तो आपका दिमाग में थोड़ा टेंशन चल रहा है कुछ कुछ इंडिकेशन मिल रहे है मैंने आपको जैसा समझा था कुछ कुछ आप फोरकास्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ये हो जाएगा यानी जब मैंने ओरिजिन में पैसा दिया था तब मैंने नहीं सोचा था इतना पर आज रिस्क ज्यादा नजर आ रहा है वो हो गया सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क तो ये सारा चीजें मैंने आपको समझाया था मुझे लगता है और ज्यादा कुछ तो मैंने आपको समझाया है नहीं हाँ और सिंप्लीफाइड अप्रोच आपको क्या कहता है कि आप सब में लाइफ टाइम इसीलिए लगा दो है ना जनरल अप्रोच पढ़ाने की जरूरत नहीं यहाँ पर तो हम करते हैं देखते हैं कि कहां टाइम लगाना चाहिए कहां ट्वेल्व लगाना चाहिए सिंप्लीफाइड अप्रोच कहता है कि हर जगह पर टाइम अप्रोच लाइफ टाइम इसीलिए लगाओ एक और है परचेस्ड और ये वाला भी पॉइंट बता देता तो आपको ये हो गया परचेस्ड और ओरिजिनेटेड क्रेडिट ऑफ फाइनेंशियल एसेट आप ध्यान में रखना जैसे मैंने आपको समझाया था मैंने आपसे बहुत सारी फाइनेंशियल एसेट्स इकट्ठा खरीद लिए सस्ते दामों में और जब मैंने खरीदे तभी वो क्रेडिट इम्पैक्ट ही थे मतलब आपके पैसे डूबने वाले थे मैंने कहा मुझे भेज दो मैं गुंडे वगैरह को लगा के वसूली कर लूंगा है ना वो पैसे डूबने वाले यानी वो जब मैंने आपसे ओरिजिन में जब मैंने आपसे एक्वायर किया तभी वो बिगड़े हुए थे तभी उसके क्रेडिट इम्पैक्ट थे तो ऐसा सिचुएशन में जब मैं आपसे परचेज करूंगा ना उसी वक्त भी मैं क्या करूंगा लाइफ टाइम लगाऊंगा यानी मैं फर्स्ट ईयर का वेट नहीं करूंगा मैं उसी, मैं उसी रिपोर्टिंग पीरियड एंड का वेट नहीं करूंगा जिस दिन मैं आपसे एक्वायर करूंगा ना उसी दिन डेट उस पर मैं निकालूंगा और कौन सा लाइफ टाइम इसीलिए निकालूंगा और आगे जो क्रेडिट इंपेड वाले ना उसपे कभी ग्रॉस फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं लगेगा हमेशा नेट पे लगेगा ये आपको भी नीचे समझ में आएगा अभी नहीं कम समझ में आएगा नीचे आपको समझ में आएगा अकाउंटिंग करते समय तो चलिए ये सारा चीज हमने समझाई है पूरे अच्छे से एक ये डेटर वाला मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से ट्रेड रिसवल्स वाला अभी हम आ जाएंगे अभी हम इंपॉर्टेंटली आ जाएंगे इस एग्जाम्पल पे इस एग्जाम्पल आगे हम पर यहाँ पर करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर आपको ध्यान देना चलिए एग्जाम्पल समझते हैं इन्वेस्टमेंट इन टेन परसेंट डिवेंचर्स रुपीज फाइव लैख और यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी आपको दिया हुआ है थर्टी थाउजेंड रुपीज का पीरियड है फाइव ईयर एफ बी टीओ सी ए मेथड तो जैसे मैंने आपको समझाया था एफ बी पी एल मैथड का तो तुम एक्जाम्पल लेंगे नहीं क्योंकि एफ बी टीपल मेथ में इम्पायरमेंट का कोई अकाउंटिंग होना नहीं जी सेम जैसे हमने वीडियो नंबर टू में हमने समझा था कि एफ बी टीपीएल के अकाउंटिंग वैसे करेंगे कोई इंपायरमेंट लॉस का कुछ हिसाब होगा ही नहीं है ना क्योंकि इंपायरमेंट लॉस भी अल्टीमेटली पी एल में जाता है इसलिए एफ बी टी पी एल का कोई रोल ही नहीं रहेगा हम अभी बात करेंगे डेट इंस्ट्रूमेंट में क्योंकि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी मैंने का कवर नहीं है हम यहाँ पर बात करेंगे डेट इंस्ट्रूमेंट में एफ बी टीओ सी का अकाउंटिंग और हम साथ ही साथ बात करेंगे एमोटेस कॉस्ट मेथड का अकाउंटिंग आपको याद होगा ट्रांजेक्शन कॉस्ट के केस में भी हमने देखा था एफ बी टीपीएल केस में बस है ट्रांजेक्शन कॉस्ट पेल में जाता है बाकी दोनों सिचुएशन में वो फाइनेंशियल एसेट से कैपिटलाइज हो जाता है यानी ट्रांजेक्शन कॉस्ट एड हो जाता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को हम इनिशियली फाइव लाख रुपीज नहीं मानेंगे जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपकी कंपनी का डिबेंचर्स खरीदा फाइव लाख रुपीज दे के। मेरा कितना गया फाइव लाख मेरा आउटफ्लो हुआ ना यानी मेरा कैश कम होगा फाइनेंशियल एसेट्स मेरा बढ़ेगा यह समझ में आया और उल्टा थर्टी थाउजेंड रुपीज मेरा ट्रांजेक्शन का खर्चा भी लग गया है ना एक्स्ट्रा से ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग गया मेरा थर्टी थाउजेंड रुपीज तो मेरा कैश गया फाइव लाख थर्टी थाउजेंड से मैं फाइनेंशियल एसेट्स दिखाऊंगा कितने का फाइव लाख थर्टी थाउजेंड का मैं फाइनेंशियल एसेट्स दिखाऊंगा तो मुझे समझ में आया सबसे पहले तो मेरा फाइनेंशियल एसेट्स जीरो थियर में फाइव लाख थर्टी थाउजेंड का आ जाएगा ये हमने समझा क्योंकि मेरा इतना पैसा गया है, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा कैश भी कम हो जाएगा कैश भी फाइव लाख थर्टी थाउजेंड से मेरा कम हो जाएगा जीरो देर में यानी कैश फाइव थर्टी से कम हुआ कैसे फाइव लाख रुपए से आपको पैसे दिए डिवेंचर खरीदने के है ना और थर्टी थाउजेंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट फाइव लाख थर्टी थाउजेंड से कैश कम होगा फाइव लाख थर्टी थाउजेंड से फाइनेंशियल एसेट्स मेरा बढ़ जाएगा ये तो हमने समझा अब इसके बाद आप यहाँ पर देखो जैसे कि हमें यहाँ पर बताएगा कि हमें आपसे क्या कैश क्या लॉस मिलेगा मुझे आपसे एवरी ईयर फिफ्टी था एंडलो है फ्लोस मुझे मिलने वाले। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं जो फ्यूचर के सारे कैश फ्लोस है उसे मैं ऐसे रेट से पुल करूंगा कि फाइव लाख थर्टी थाउजेंड आ जाए और इससे मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ जाएगा और वही क्या होगा ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा क्योंकि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर किया हमने है ना ओरिजिन डेट पे उसी दिन हम इसका इंरेस्ट रेट निकाल रहे एफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह एडजस्ट करके हम निकालते हैं ये मैंने ऑलरेडी पहले समझाया तो वो डीप मत लेके जाओ मुझे तो यहाँ पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना हो गया सेवन पॉइंट सिक्स एट फाइव परसेंट हो गया मैंने ऑलरेडी आपके लिए पहले निकाल होगा क्योंकि मैं ये सब चीजों पे स्ट्रेस नहीं दूंगा ये सब आपको ऑलरेडी आता है सिंपल सी बात है फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड और फाइव लाख को पुल करोगे ऐसे रेट से पुल करोगे कि आपका फाइव लाख थर्टी थाउजेंड आ जाए यहाँ पर आप चेक करोगे थोड़ा बहुत चेक करके इंट्रापोल्यूशन एक्स्ट्रा पोल्यूशन कुछ लगाना है लगा लोगों की आप करोगे तो सेवन पॉइंट सिक्स एट फाइव परसेंटेज आ जाएगा आप एक काम कर सकते हो वीडियो को पॉज करके आप फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड फाइव लाख को सेवन पॉइंट सिक्स एट फाइव परसेंट से पुल करो आपका अमाउंट फाइव लाख थर्टी थाउजेंड ही आएगा चलिए तो यहां पर आएगा तो अब हम क्या करेंगे हम इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे तो अब देखो ना फाइव लाख थर्टी थाउजेंड हमने पैसा दिया जो इनिशियली हमारा बैलेंस शीट में दिखेगा ये हिसाब हमें पहले कर लेना ध्यान से सुना। ये हमें पहले कर देना क्योंकि आपको मैंने याद है बताया था ग्रॉस अमाउंट पे और आपका ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और नेट कैरिंग अमाउंट वो वाला चीज मुझे आपको समझाना है है ना तो इसलिए हम इसका हिसाब पहले करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट में होगा क्या हम फाइव लाख थर्टी थाउजेंड का एसेट दिखाएंगे फर्स्ट ईयर में उसमें इंटरेस्ट चढ़ेगा कितने का सेवन पॉइंट सिक्स एट फाइव परसेंट अब देख सकते हो फाइव लाख थर्टी थाउजेंड का सेवन पॉइंट सिक्स एट फाइव परसेंट अगर आप करोगे तो फोर जीरो सेवन थ्री जीरो आएगा आपका यहाँ पर आएगा। और ये आपका इंटरेस्ट से फाइनेंशियल एसेट्स को बढ़ाएगा और जब आपको पेमेंट मिलेगा फिफ्टी थाउजेंड का जब हमें पेमेंट मिलेगा तो फिफ्टी थाउजेंड से हमारा फाइनेंशियल एसेट्स घट जाएगा इन सिंपल सी बात है इंटरेस्ट फाइनेंशियल एसेट्स को बढ़ाएगा क्योंकि इंटरेस्ट इनकम है मिलेगा नहीं तो फाइनेंशियल एसेट्स बढ़ जाएगा और जितना कैश मिलेगा उतने इससे फाइनेंशियल एसेट्स कम हो जाएगा तो ऐसे करने पर फर्स्ट ईयर एंड में ये फर्स्ट ईयर एंड में आपका पैसा ड्यू रहेगा फाइनेंशियल एसेट्स

थर्ड ईयर के एंड में हम इंटरेस्ट चढ़ाएंगे वही सेवन पॉइंट सिक्स एट फाइव परसेंटेज और माइनस कर देंगे जो हमारा कैस है ये माइनस कर देंगे और आपको पता है थर्ड ईयर के एंड में हमें फाइव लाख रुपीज भी मिल जाएगा प्रिंसिपल तो यानी ये दोनों मिलने पर अल्टीमेटली आपका नील आ जाएगा ये नील हो गया आपका यानी हमने क्या हिसाब कर लिया यस हमने ये हिसाब कर लिया कि हमारा एवरी ईयर क्या वैल्यू फाइनेंशियल एसेट्स को बढ़ाएगा और कैस हमारा फाइनेंशियल एसेट्स को कम करेगा ये हमने पूरा अकाउंटिंग कर लिया अब हम पहुंचेंगे बैलेंस शीट पहला वाला जीरो ईयर एंड फर्स्ट ईयर का बैलेंस शीट पे पहुंचेंगे जहां पर मैंने आपको लिखवा दिया पहले कि फर्स्ट ईयर के एंड में आपका इंपायरमेंट लॉस बन रहा है ट्वेंटी थाउजेंड का यानी ये क्या हो गया ये आपका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस हो गया ये हमारा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस हो गया हम ये बात नहीं करेंगे अभी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कौन सा है ये ट्वेल्व मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है कि ये आपका लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है जो भी है जो भी है आपका बनेगा आप निकालोगे आपको मैंने निकालना सिखा दिया कि ट्वेल्व मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैसे निकलता है लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैसे निकलता है अभी इन दोनों में से कुछ भी आप इसको ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं वो हमारा अभी मुद्दा नहीं है ना दोनों में से कुछ भी ले लो कि आपको निकालना आता है और ये हमने निकाला कैसे वही जो हमारा अमाउंट ड्यू है और कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें मिलेगा उन दोनों का जो डिफरेंस है मतलब इतना हमें नहीं मिलेगा उसे हम प्रेजेंट वैल्यू में ओरिजिनल इफेक्टिव रेट से पुल करेंगे यानी ये वाला ओरिजिनल इफेक्टिव रेट से ही हमेशा पुल होगा है ना तो इसलिए हमें पता चला कि हमारे इंपायरमेंट लॉस फर्स्ट ईयर के एंड में कितना बन रहा है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का बन रहा है चलिए बराबर अब आगे हम क्या करेंगे फर्स्ट ईयर के एंड में देखो फाइनेंशियल एसेट्स आप देख सकते हमारा 5, 30, रुपीस का है। पे क्या हो हमारा फर्स्ट ईयर का ये इंटरेस्ट चढ़ जाएगा चढ़ा दिया हमने कैश मिलेगा है ना फिफ्टी थाउजेंड रुपीज कैश रिसीव हो गया मान लो मिल रहा है मिला है आपको फिफ्टी थाउजेंड माइनस हो गया हमारा अल्टीमेटली कैरिंग अमाउंट आ गया कितना फाइव टू जीरो सेवन थ्री जीरो आ गया जो कि आना चाहिए था ये फाइव टू जीरो सेवन थ्री जीरो आ गया हमारा और सिंपल सी बात है ये इंटरेस्ट कहा जाएगा ये इंटरेस्ट पीएल को बढ़ाएगा इनकम इंटरेस्ट इनकम तो मैंने इसका कॉरिस्पॉन्डिंग इफेक्ट लेफ्ट साइड में नहीं दिया साइड में लिख के छोड़ दिया कि आपका पीएल जो है वो आपका क्या होगा पीएल आपका इतने से बढ़ जाएगा और ऑब्वियसली बात ये कैश कम होगा यहाँ पर कैश के नाम पर फाइनेंशियल एसेट्स आपका कम हो रहा है तो ये कैश आपका बढ़ जाएगा यानी कैश फिफ्टी से बढ़ेगा गिरे हो क्योंकि क्योंकि मुझे आपको समझाना ये करने पर हमारा कैरिंग अमाउंट आ रहा है फर्स्ट ईयर एंड है लेकिन जैसे कि आप देखते हो कि हम यहाँ पर मैथड कौन सा लगा रहे हैं हम यहाँ पर मैथड लगा रहे हैं एफ बी टीओ सी आई तो एफ बी टीओ सी आई में हम क्या करते हैं एवरी रिपोर्टिंग पीरियड एंड में हम उसका फेयर वैल्यू डिटरमाइन करते हैं और वो फेयर वैल्यू पे ही हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं तो मान लो मुझे पता चला कि इसका फेयर वैल्यू जो है वो कितना है फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड एट फर्स्ट ईयर एंड ये मैंने डिटरमाइन किया कि थाउजेंड एट फर्स्ट ईयर एंड इसका फेयर वैल्यू है तो बात है फेयर वैल्यू निकलेगा सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे रिवाइज इंटरेस्ट रेट सब को सबको कंसीडर करते हुए हमने पता किया कि फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड का हमारा फेयर वैल्यू बन रहा है हालांकि कैरिंग अमाउंट ऑफ एरो सेवन थ्री जीरो तो मेरा फेयर वैल्यू लॉस हुआ कितना सेवन जीरो सेवन थ्री जीरो का मेरा फेयर वैल्यू लॉस हुआ है तो यहां पर ये फेयर वेल्यू लॉसरऑल है इंटरेस्ट रेट में चेंज होना बाकी अदर फैक्टर्स कंपनी का परफॉर्मेंस कंपनी का सारा चीज़ों का फैक्टर्स को देखते हुए हमने पता किया कि सेवन जीरो सेवन थ्री जीरो आपका फेयर वैल्यू पे गिरावट आ गया है ना यानी बाकी जो यानी यूजर्स है यानी बाकी जो इन्वेस्टर्स है उसका इंटरेस्ट इस इन इस इंस्ट्रूमेंट में उसका इंटरेस्ट कम हो जाना यानी ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए हमें पता चला कि सेवन जीरो सेवन थ्री जीरो का आपका क्या फेयर वैल्यू लॉस है ये अगर क्या हम अगर एमोटेस कॉस्ट मेथड लगाते तो क्या ये फेयर वैल्यू को हम कंसिडर करते है? बिल्कुल भी नहीं तब तो हम फाइव टू जीरो सेवन थ्री जीरो में छोड़ देते क्योंकि अगर आप एफ बी टीपीएल या एफ बी टीओ से मेथड यूज करोगे तभी आप हर साल फेयर वैल्यू मेजर करोगे तो हमने फेयर वैल्यू मेजर किया हमें पता चला फोर लैक फिफ्टी थाउजेंड है तो मतलब हमारे ये फेयर वैल्यू लॉस है ध्यान देना ये इंपेयरमेंट लॉस नहीं है हमारा फेयर वैल्यू लॉस है सेवन जीरो सेवन थ्री जीरो पर हमने सारे फैक्टर्स को लगाते हुए हमने डिटरमाइन किया कि हमारा फेयर वैल्यू पे नुकसान हो रहा है का हमारा नुकसान हो रहा है और आप समझो ना अगर मैं इसको एंटायर यानी मान लो मैं पूरे थ्री ईयर तक मैं इसको रखता हूं तो इससे मुझे मतलब ही नहीं होगा अब चूंकि अगर मुझे सारे कॉन्ट्रेक्चुअल फ्लो मिल जाएंगे तब तो फिर इसका कोई मुद्दा ही नहीं है इसलिए कॉस्ट मेथड में हम फेयर वैल्यू को कंसिडर ही नहीं करते सेकेंड वीडियो देख लेना इससे पहले तब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा तो यहां पर इतने का हमारा नुकसान है लेकिन ये वाला जो नुकसान है हमारा ये सेवन जीरो सेवन थ्री जीरो आप बताओ कहां जाना चाहिए ये तो ओसीए में जाएगा क्योंकि हम अकाउंटिंग ही कौन सा करे एफबीटीओसी अकाउंटिंग कर रहे और एफबीटीओसी अकाउंटिंग में एनी फेयर वैल्यू चेंजेस जो भी फेयर वैल्यू चेंजेस होगा वो क्रेडिट या चार्ज होगा किस पे ओसीए में क्योंकि आप ओसीए मेथड तो लगा रहे हो तो ये तो हमें पता चला कि 70730 जाएगा कहां पर ओसीए में जाएगा अब मेरा बात ये सुनो मैंने आपको ये समझाया कि मेरा फेयर वैल्यू नुकसान जो हो रहा है 70730, ये तो सारे factors को देखते हुए नुकसान हो रहा है इंटरेस्ट रेट का चेंजेस हो या फिर क्रेडिट लॉस हो वो सारी चीज तो इसी के अंदर ही है मतलब कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये जो 20,000 का इंपायरमेंट लॉस हमने पता किया कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस हमारा है फर्स्ट ईयर के एंड में 20,000 मैं कह रहा हूं कि सब कुछ इसके अंदर आ गया क्योंकि ईयर एंड में हमें फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड मिल जाएगा कोई भी हमसे फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड में खरीद लेगा सेवन जीरो सेवन थ्री जीरो सारे फैक्टर्स का मिला के नुकसान है और इसी के अंदर जो हम वन ऑफ द फैक्टर लेते हैं कि पास वाला पार्टी हमारा डिफॉल्ट करेगा उसका क्या चांस है उसके बेसिस में जो हमने फैक्टर लिया तो वो भी तो इसी के अंदर ही है वो सारा चीज भी तो इसी के अंदर है तो क्या आप ये कह सकते हो कि इसी के अंदर आपका इंक्लूड करता है लॉस अलावेंस और रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड इसी के अंदर आपका इंक्लूड करता है तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि लॉस अलाउंस की वजह से आपका नुकसान है ट्वेंटी थाउजेंड का बाकी रिमेनिंग यहां पर लिख देता हूं मैं यानी सेवन जीरो सेवन थ्री जीरो में से मैं ऐसे लिखता हूं पर आउट ऑफ सेवन जीरो सेवन थ्री जीरो लॉस रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड रिलेट्स टू एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है ना

तो समझ में आया हमें यहां पर मुझे यह समझ में आया कि सेवन जीरो जीरो में से ट्वेंटी थाउजेंड जो है वो आपका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इंपेयरमेंट लॉस है ये आपका जाएगा कहां पर इंपेयरमेंट लॉस हमेशा पीएल में जाता है चाहे कोई भी मेथड लगाओ और बाकी जो रिमेनिंग है फाइव जीरो सेवन थ्री जीरो चलो ठीक है ये अदर फैक्टर्स का ये आपका ओसीआई में जाएगा क्योंकि आप ओसीआई मेथड ऑफ अकाउंटिंग कर रहे तो वही हमें करना है पर हम यहां पर क्या करेंगे हम बैलेंस शीट में ऐसे भी कर सकते हैं हम बैलेंस शीट में क्या करेंगे कि पहले ओसीआई को पूरा चार्ज कर, कर देंगे सेवन जीरो जीरो बाद में ओसीआई में से ट्वेंटी थाउजेंड निकाल के पीएल में चार्ज कर देंगे ट्वेंटी थाउजेंड का तो अल्टीमेटली आप देखो ना ओसीआई क्या हुआ ओसीआई हमारा सेवन जीरो सेवन थ्री जीरो से पहले डिक्रीज हुआ ओसीआई हमने सेवन जीरो सेवन थ्री जीरो से पहले डिक्रीज कर दिया फिर बाद में हमने ओसीआई को बढ़ा दिया ट्वेंटी थाउजेंड से इंक्रीज कर दिया और उसका कॉरिस्पॉन्डिंग इफेक्ट हमने पीएल में दिखा दिया ट्वेंटी था मिला के अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन क्या निकलता है इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि ओसीआई में जाना चाहिए फाइव देख सकते हो सेवन जीरो माइनस पे गया और ट्वेंटी थाउजेंड फिर इंक्रीज कर दिया यानी नेट हमारा जाएगा फाइव जीरो सेवन थ्री जीरो और पीएल में जाएगा हमारा ट्वेंटी थाउजेंड है ना तो कहने का मतलब ये स्टैंडर्ड भी ये कहना चाहते हैं कि देखो ना अगर आपने ओसीआई मेथड ऑफ अकाउंटिंग किया है तो यहां पर सारा का सारा लॉस आप ओसीआई में दिखाओगे पर इसका इंपायरमेंट लॉस का जो पार्ट है वो ओसीआई में नहीं जाना चाहिए ओपीएल में जाना चाहिए तो आप क्या करो तो ऑलरेडी सारा ओसीआई में दिखाई दिया जो नुकसान है इसी के अंदर ही क्या इंपायरमेंट लॉस है तो ओसीआई से निकाल क्या कर ओसीआई से निकाल ओसीए से निकाल, निकाल 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 और निकाल के कहा डाल पीएल में डाल है ना तो हम क्या करें पहले जो नुकसान आया हमारा फेयर वैल्यू नुकसान आया पूरा का पूरा सेवन जीरो सेवन थ्री जीरो डाल दिए किसमें

फॉर इंपेयरमेंट लॉस हम क्या करेंगे पीएल को चार्ज करेंगे यानी ओसीआई को पहले क्रेडिट करना पड़ेगा ट्वेंटी थाउजेंड से है ना और पीएल को चार्ज करना पड़ेगा ट्वेंटी थाउजेंड से ये हमें कर रहे हैं बस इतना ही अदरवाइज आपको जो मैंने समझाया था यहां पर ये वाला फंडा जो मैंने आपको समझाया था सेवन जीरो सेवन थ्री जीरो में ट्वेंटी थाउजेंड पीएल का हिस्सा बनेगा और फाइव जीरो का हिस्सा बनेगा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया यहां पर हालांकि मैंने ये एंट्रीज वगैरह भी लिखा हुआ है आप देख सकते हो यहां पर ये देखो फाइव जीरो सेवन थ्री जीरो का है है ना ये कुछ गलत हुआ है यहां पर रुक जाओ गलत हो गया थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने फाइव जीरो सेवन थ्री जीरो यहाँ पर ट्वेंटी थाउजेंड तो मैंने कहा लॉस एलेवेंस के नाम पे ट्वेंटी थाउजेंड पी में जाएगा और फेयर वैल्यू लॉस के नाम पर ओ सी में जाएगा है ना आप कैसे एंट्री पास करो तो इसका जरूरत इतना भी नहीं है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया यहाँ पर है ना क्योंकि लॉस एलेवेंस के नाम पे ट्वेंटी थाउजेंड है बाकी फेयर वैल्यू लॉस के नाम पे फाइव जीरो सेवन थ्री जीरो अल्टीमेटली आपका फाइनेंशियल एसेट सेवन जीरो सेवन थ्री जीरो से चार्ज हो रहा है और ऑब्वियसली बात है लॉस एलावेंस कहाँ जाएगा पी में जाएगा और फेयर वैल्यू लॉस जबकि हम ओ सी लगा रहे तो ये आपको ओ में जाएगा यानी कुल मिला के मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया ना आए कि नहीं आया बता दो एक बार बता दो समझ में आया कि नहीं आए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है तो मुझे देखना पड़ेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा यहाँ पर तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए सर मेरा मन नहीं है पर फिर भी मैं रिपीट करूंगा आपके लिए यहाँ पर सुनो फाइव लैक थर्टी थाउजेंड का था फाइनेंशियल एसेट्स इंटरेस्ट बढ़ा देंगे पीएल को इनकम क्रेडिट हो जाए पीएल में जाए इंटरेस्ट इनकम पीएल में जाता है तो सेवन जीरो सेवन थ्री जीरो का फेयर वैल्यू लॉस है ये चला जाएगा ओसीआई समझ में आइए लेकिन इसी के अंदर ट्वेंटी थाउजेंड का इम्पायरमेंट लॉस है जो कि ओसीआई में जाना था पर हमने तो पूरा ओसीआई में भेज ही दिया तो तब थोड़े ना और फाइनेंशियल को डिक्रीज करेंगे जितना करना था सारा फैक्टर्स के साथ मिला के समझाया को, तो तो को डेबिट ज्यादा कर दिया था ओसीआई को क्रेडिट कर दो तो यहां पर देखो ओसीआई से निकाल ये वाला एंट्री तो आपको बस ध्यान में रखना है ओसीआई को इंक्रीज किया एंड पीएल को डिक्रीज किया बस बात खत्म तो यहां पर ये वाला बस आप ध्यान पे रखना है ना ये हमने किया तो चलिए पहला ईयर में हमने कर लिया अब सेकेंड ईयर में क्या होगा बैलेंस सेकंड ईयर में सेकंड ईयर में आपका फाइनेंशियल फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड कौन सा है का amount, आपका इस पर जो इंटरेस्ट चढ़ेगा ये इंटरेस्ट चढ़ेगा कम फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड पे फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड में लगाए इंटरेस्ट रेट क्या हमारा सेवन पॉइंट सिक्स एट फाइव परसेंट दीजिए ना अब यहां पर क्वेश्चन थाउजेंड में हमें चढ़ाना चाहिए का? अगर मैं फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड की बात करूं तो फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड का पॉइंट सिक्स एट फाइव परसेंटेज कितना होता है थ्री फोर फाइव फाइव एट टू पॉइंट क्या मुझे ये दिखाना चाहिए कि ये पुराना वाला ये कौन सा देखो ये फोर डबल जीरो वन एट ये यहाँ से हमने निकाला हुआ है आप देख सकते हो फोर डबल जीरो हमने ये निकाला हुआ यहाँ से ग्रॉस वाले, वाले, है। वाले पे करें कि नेट वाले पे करें अब सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क हुआ अगर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क हुआ तो आप ग्रॉस पे लोगे आपको नेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ अगर मान लो आपका क्या हुआ अगर आपका नेट हुआ मतलब रुक मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं अगर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क हुआ है तब तो आप ग्रॉस वाले पे लोगे और अगर मान लो क्रेडिट हो गया अगर क्रेडिट इंपेयर हो गया तो अब नेट वाले पे लोगे तो नेट वाले पे क्या फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड पहले यह भी गलत है मैं बता रहा हूं ये भी नहीं लेना आपको नेट लेना नेट कौन सा लेना है आपका जो ये फिगर था ना पहले हमने किस पे लिया था हमने फोर लिया था फाइव पे यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम इंटरेस्ट चढ़ाते हैं ना वो फेयर वैल्यू के बेसिस पे नहीं चढ़ाते ऐसे भी इंटरेस्ट आपको जो मिलता है वो बुक वैल्यू पे मिलता है जो हमारा बुक वैल्यू है तो मतलब कहने का मतलब ये सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो हमारा फेयर वैल्यू लॉस है ना ये फेयर वैल्यू लॉस का इफेक्ट कभी भी आपका इंटरेस्ट पे नहीं पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी उसको फेयर वैल्यू से क्या मतलब है वो तो आपके ग्रॉस वैल्यू पे देंगे यानी अगर मान लो यहाँ पर इंपेयरमेंट लॉस का कंसेप्ट नहीं होता तो इंटरेस्ट चढ़ता फाइव टू जीरो सेवन थ्री जीरो पे यानी मैंने आपको बस इतना समझाना है कि आप एफ बी करो से हमेशा करना है क्या पता है, है वहीं जाता मतलब नहीं है। मतलब आपका प्रीवियस क्लोजिंग था फाइव टू जीरो सेवन थ्री जीरो ना हम पे इंटरेस्ट चढ़ाते चढ़ाते तो लास्ट में मिल पाएंगे यानी मैंने आपको ये कहना है कि आपको भले फेयर वैल्यू में कुछ भी बदलाव है इंटरेस्ट आप हमेशा किस पे चढ़ाओगे सेवन पॉइंट सिक्स एट फाइव परसेंटेज एक बार इसको मैं रब करो ये गलत हो जाएगा यहां पर लॉजिक खराब हो जाएगा आपका तो यहां पर आप देखो फाइव टू जीरो जीरो

आपका जो बुक वैल्यू रहेगा उसी पे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा और हमारे लिए कंपनी हमें जो इंटरेस्ट देगा अलग बात है पर हम अकाउंटिंग तो अपने इसी रिकॉर्ड के हिसाब से करेंगे जो हमने हिसाब बनाया ताकि हमारा नील हो जाए अल्टीमेटली तो आपका इंटरेस्ट हमेशा किस पे चढ़ेगा फाइव टू जीरो सेवन थ्री जीरो पे ही इंटरेस्ट चढ़ेगा आपका है ना फेयर वैल्यू पे नहीं चढ़ेगा तो हम क्या करेंगे हम यहां पर फाइव टू जीरो सेवन थ्री जीरो पे ही क्या करेंगे हमें इंटरेस्ट चढ़ाना है तो ये मैंने चढ़ा दिया फोर इसी को क्या कहा जाता है पता है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे चढ़ाना

जब कभी भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क होगा तो हम चढ़ाते ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे या मान लो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क नहीं भी है ट्वेल्व एक्सपेक्टेड लॉस सब लगाना चाहते हो हर केस में मैं आपको बता रहा हूँ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे चढ़ता है सिर्फ एक सिंगल केस है जहां पर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे हम नहीं चढ़ाते जहां पर हम नेट कैरिंग अमाउंट पे चढ़ाते कब जब फाइनेंशियल एसेट जो है वो क्रेडिट है यानी उसकी हालत बहुत बुरी है और ऐसा करने के पीछे लॉजिक भी देखो ना जब कोई एसेट्स क्रेडिट इम्पेयर हो जाता है तो उसका हालत खत्म है मतलब वहां पर आपको एविडेंस मिल गया कि वो खत्म हो चुका है तो वहां पर ग्रॉस पे अगर आप इंटरेस्ट चढ़ा रहे हो क्या ये वाजिब होगा

लेकिन जब क्रेडिट इंपैक्ट होगा ना जब क्रेडिट इंपैक्ट होगा तब हम नेट कैरिंग अमाउंट पर चढ़ाएंगे तो आप सोचो यहां पर अगर ये क्रेडिट इंपैक्ट होता तो क्या मैं फाइव टू जीरो सेवन थ्री जीरो पे चढ़ाता नहीं तब मैं चढ़ाता किस पे पता है फाइव टू जीरो सेवन थ्री जीरो माइनस क्रेडिट लॉस पूरा मत ले लेना आप ये पूरा नहीं ले सकते इसमें तो फेयर वैल्यू लॉस और वो सब मिला के आपका इंपेयर कितना का हुआ था आपका इंपेयरमेंट कितने का हुआ था हमारा इंपेयरमेंट हुआ था 20,000 थाउजेंड का तो हम क्या करेंगे अगर ये क्रेडिट इंपेयर हम मानते यानी नेट कैरिंग अमाउंट अगर हम लेते तो माइनस ट्वेंटी हो जाता यानी ये आता फाइव डबल जीरो सेवन थ्री जीरो इंटू सेवन पॉइंट सिक्स एट फाइव परसेंटेज ये आपका हो गया नेट कैरिंग अमाउंट है ना इस पे हमारा आता ये कब होता हमारा ये होता है जब हम क्रेडिट इंपेयर मानते फाइनेंशियल एसेट जब आपका क्रेडिट लेते हो गया तब आप इस पे लेते हो, तो कितना आता यार थ्री एट फोर एट वन इतने का इंटरेस्ट हम चढ़ाते यानी इंटरेस्ट जो है इतने का चढ़ता मतलब आपको बस मुझे इतना समझाना है ग्रॉस और नेट में आपको भी समझा रहा हूं इसी एग्जांपल के अंदर ही समझा दे रहा हूं ग्रॉस कब करेंगे ग्रॉस कब करेंगे जब हमारा सारे केसेस में ग्रॉस होगा बस अगर वो क्रेडिट इंपेड नहीं हुआ तो ग्रॉस होगा यानी वही जो आपने हमने चार्ट में देखा फाइव में चढ़ेगा नेट कब चढ़ेगा जब क्रेडिट यानी इसी ग्रॉस वाले वैल्यू पे इंपेयरमेंट लॉस को पिछला साल तक का जो इंपेयरमेंट लॉस है माइनस कर कर देंगे ये ये कर करके दिया चले हमने ये समझा अब मैं वापस से क्रेडिट इंपैक्ट की बात नहीं करूंगा अब मैं क्रेडिट इंपैक्ट की बात नहीं करूंगा मैं अपने हिसाब से ग्रॉस के हिसाब से जाते रहूंगा तो मैंने आपको क्या समझा यहाँ पर फोर लैक फिफ्टी थाउजेंड आपका ओपनिंग है क्योंकि क्लोजिंग फाइनेंशियल एसेट्स का वैल्यू ये था इसमें हम क्या करेंगे इंटरेस्ट चढ़ाएंगे लेकिन फाइव टू जीरो सेवन थ्री जीरो पे चढ़ाएंगे जो हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है जीरो वन एट है ना ये हमने चढ़ा दिया यहाँ पर इंटरेस्ट फिर कैश जो आना है वो माइनस हो जाएगा कैश फिफ्टी थाउजेंडा माइनस हो गया हमारा वैल्यू बड़ा वैल्यू बन गया कैरिंग अमाउंट फोर फोर जीरो हमारा जो हमने वापस से फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया क्योंकि फेयर वैल्यू मेथड हम लगा रहे हैं ओसीआई है मेथड तो हमने फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया कि हमारा आ रहा है फोर जीरो फाइव जीरो हमारा फेयर वैल्यू आ रहा है जिससे हमें पता चला कि फेयर वैल्यू लॉस है हमारा थर्टी फाइव थाउजेंड का और इसी थर्टी फाइव थाउजेंड के अंदर हमने माना कि हमारा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है का यानी जो इसके अंदर इंक्लूडेड है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ये तो आपका चला जाएगा ओसीआई में इसमें कोई डाउट नहीं ये आपको में चला जाएगा मेथड लगा लेकिन इसमें से जबकि ये रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड ट्रेड लॉस है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें पीएल को चार्ज करना पड़ेगा फिफ्टीन थाउजेंड ओसीआई से निकाल के क्योंकि हमने सारा तो ओसीआई में भेज दिया ना तो हम ओसीआई से निकालेंगे ओसीआई को क्या करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ किया कुछ लिखते लिखते हो जाते हैं गड़बड़ फिर से लिख रहा हूं देखो पहले हम क्या करेंगे ओसीआई को चार्ज करेंगे नुकसान हुआ तो हमने ओसीआई को चार्ज कर दिया अब फिर बाद में हमें पीएल को चार्ज करना फिफ्टीन थाउजेंड क्योंकि इसके अंदर जो नुकसान हुआ रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड क्रेड लॉस है तो हमें पीएल को चार्ज करना पड़ेगा फिफ्टीन थाउजेंड से और ओसीआई को हम क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे कितने से फिफ्टीन से ओसीआई को हम क्रेडिट कर देंगे बस बात खत्म ये हमने कर दिया को क्रेडिट कर दिया तो मुझे उम्मीद आपको समझ में ऐसा हमने फर्स्ट केस में किया था एंट्री आप लिखवाई अगेगा फोर जीरो पर क्या इंटरेस्ट इस पर चढ़ेगा नहीं इंटरेस्ट हमारा चढ़ेगा ग्रॉस जो हमारा वैल्यू है फाइव वन जीरो सेवन फोर एट यह हमारा चढ़ेगा फाइव वन जीरो सेवन फोर एट का हमारा तो हमारा आ गया चलो perfect है आया पर interest हमने चढ़ा दिया अब अब ये value आ गया अब इतना हमने चढ़ाया अब यहाँ पर मान लो हमें जो पेमेंट मिलना चाहिए था पूरा मिल गया यानी कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ हमने डिफॉल्ट वगैरह सब कुछ सोचा कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ हमें पूरा थर्ड एंड में हमें कितना पैसा मिलना था थर्ड एंड में हमें पैसे मिलने थे कितने एक तो 50000 मिलना था एक 5 लाख मिलना था यानी पूरा 5 लाख 50000 मिल गया तो देखो ना हमें थर्ड ईयर के एंड में पूरा 5 लाख 50000 रिसीव्ड हो गया पर हमने तो दिखा के रखा था फाइनेंशियल एसेट्स 444270 का तो फाइनेंशियल एसेट्स का पैसा तो रिकवर हुआ पूरा पैसा रिकवर्ड हो गया यानी अभी तक जितना हमने ओसीआईपीएल में चार्जज किया था ना सब रिकवर्ड हो गए हमारे यानी सब मन का टेंशन था अल्टीमेटली जितना पैसा आना था सब आ गया तो हम क्या करते हैं जैसे कि मैंने आपको समझाया था यहाँ पर ओसीआई रिक्लासिफाई होता है तो पीएल है ना क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट में जो भी ओसीआई में रहता है डिस्पोज करने पर वो पीएल में चला जाता है तो ये डिस्पोजल ही तो हुआ है पर तो हम क्या करेंगे इसका तो गेन पीएल में दिखाएंगे जो इसका डिफरेंस आई नहीं इतना पैसा हमने सोचा फाइनेंशियल एसेट्स हमें मिलेगा फोर फोर टू सेवन जीरो इंटरेस्ट डालने के बाद पर हमें पैसा मिला कितना फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड तो ये चला जाएगा आपका पीएल में फायदा हो गया हमारा है ना जितना हमने फाइनेंशियल दिखाया उससे ज्यादा पैसा मिल गया फायदा हो गया हमारा और दूसरा चीज बाकी जितने भी ओसीआई में बैलेंस है ना वो सारे पीएल में रूट हो जाएंगे पीएल में रिक्लासिफाई हो जाएंगे मैंने नहीं लिखा एक बार यहां पर पर मैंने ऐसे रख दिया बस आप समझो जितने पुराने ओसीआई के बैलेंस है यहां पर जो भी ओसीआई का यहां पर ओसीआई का नेट बैलेंस है कितना ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज हाँ ओ क्रेडिट ओसीआई चार्ज ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ओसीआई का बैलेंस है यहां पर यहाँ पर भी ई का बैलेंस है कितना फाइव जीरो सेवन थ्री जीरो सारे जो ओसी में चार्ज हुए हैं ये सारे ओसीआई से निकल के पीएल में चले जाएंगे सारे के सारे पीएल में चले जाएंगे पीएल में देखा जाए तो अल्टीमेटली पीएल में ये चार्ज हो जाएंगे क्योंकि पीएल में अभी हमने इनकम दिखाया पर वन जीरो मतलब अल्टीमेटली जो भी ओसीआई में बैलेंस है अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो पीएल में क्रेडिट हो जाएगा अगर वो डेबिट बैलेंस है तो पीएल में डेबिट हो जाएगा यानी सब के सब पीएल में रूट हो जाएंगे तो मैंने ये कहा कि यहां पर आपको जितना एक्स्ट्रा पैसा मिला पीएल में क्रेडिट हो गया अगर कम मिलता तो पीएल में चार्ज हो जाता ओसीआई भी जो है वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा वो सारा पीएल में चला जाएगा तो बस इतने काम खत्म ये क्वेश्चन हमारा एक पार्ट तो हमारा खत्म हो गया तो मैंने यहां पर आपको एफ बी टीओ सी पूरा समझाने का कोशिश किया जहां पर आपको कोर पार्ट पे बस ये समझना है पर इस क्वेश्चन में एक तो ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट निकलता है आपको मैंने सिखा दिया एक्सपेक्टेड ट्रेड लॉस कैसे निकालना है पहले यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि इंटरेस्ट जो आपका चढ़ेगा वो किस पे चढ़ेगा जो आपकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है उस पर चढ़ेगा अगर मान लो क्रेडिट इम्पैड नहीं हुआ क्रेडिट इंपेयर होगा तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे माइनस कर देना लॉस अलाउंस जो पिछले साल तक का लगा हुआ है आपका वो हो गया आपका नेट कैरिंग अमाउंट उस पर आप चढ़ेगा कब जब वो क्रेडिट इम्पेयर हो ये मैंने आपको बताया तो हमने यहां पर क्या किया कि बराबर इंटरेस्ट चढ़ाया कुछ नहीं किया हर साल इंटरेस्ट चढ़ाया ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे हर साल कैश माइनस किया जो रिसीव हो फिर हमने फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया तो जो फेयर वैल्यू लॉस है वो ओसीआई में डाल दिया लेकिन जो इम्पेयरमेंट लॉस का पार्ट है वो ओसीआई से फिर निकाल के उसे पीएल में डालो बस बात खत्म इतना ही किया और ईयर एंड में लास्ट में हमने क्या किया जो आपका लास्ट में आपका जो भी डिफरेंस यानी पैसे कम मिले या ज्यादा मिले वो आपका अल्टीमेटली पीएल में चार्ज या क्रेडिट हो जाएगा और जो भी ओसीआई के बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस हो या डेबिट बैलेंस हो वो रूट हो जाएंगे किस पे पीएल पे क्योंकि यहां पर रिक्लासीफाई होता है टू पीएल प्रॉफिट एंड लॉस पे होके जाएगा तो यहां पर रिक्लासीफाई हो जाएगा पीएल पे बस बात खत्म तो अच्छा हुआ ना कि मैंने ये बना के रखा सारा चीज ताकि मुझे आपको समझाने में भी फिर भी टाइम लगा

इंटरेस्ट चढ़ा दिया कैश कम कर दिया और यहां पर फेयर वैल्यू का नहीं है फेयर वैल्यू का नहीं है तो आप देखो आपका ट्वेंटी थाउजेंड का लॉस इलेवन था ये वैल्यू था ट्वेंटी का लॉस इलेवन हमने माइनस किया और ट्वेंटी थाउजेंड आपका पीएल में चला जाएगा यानी यहां पर जनरल एंट्री क्या होगा लॉस इलेवेंस का पीएल अकाउंट डेबिट होगा ट्वेंटी थाउजेंड टू फाइनेंशियल ट्वेंटी थाउजेंड बस बात खत्म यानी इंपायरमेंट लॉस पीएल को चार्ज करेगा पीएल कम होगा और फाइनेंशियल एसेट्स कम होगा इस बार तो फेयर वैल्यू हमने मेजर किया ही नहीं तो आपको जरूरत नहीं है ओसीए वगैरह का काम ही नहीं है अगर मान लो इंपेयरमेंट लॉस नहीं होता तो ये हमारा वैल्यू होता क्योंकि अमाउंट कॉस्ट मेथड में हम फेयर वैल्यू को इग्नोर करते हैं तो देखो तो ना तो जो हमारा कैरिंग अमाउंट है उसमें हमने लॉस है को माइनस किया ट्वेंटी थाउजेंड का हमारा इंपेयरमेंट लॉस था ये माइनस किया इससे फाइनेंशियल एसेट्स आपका कम हुआ और पीएल में चार्ज हो गया बात खत्म अब आगे सेकंड ईयर में फाइव डबल जीरो सेवन थ्री जीरो हमारा फाइनेंशियल एसेट्स है मैंने आपको समझाया था मैंने आपको समझाया था कि अगर क्रेडिट इंपेर्ड हो गया तब हम नेट कैरिंग अमाउंट पर लेंगे तो हम ग्रॉसिंग नहीं है तो, लेंगे। तो, है नहीं है। तो पे लिया जाएगा अगर क्रेडिट इंपैर्ड होता तो फाइव टू जीरो में पिछले साल का ट्वेंटी थाउजेंड माइनस हो जाता मतलब क्रेडिट इंपेयर होने पर हम फाइव डबल जीरो जीरो पर देखो मैंने ये क्या लिया मैंने ये लिया फाइव टू जीरो

फिफ्टी थाउजेंड तो कैश इधर मिल गया और फाइव लाख आपका इधर भी कैश मिल गया सारे पैसे आपको मिल गए तो सारे के सारे अगर आपको पैसे मिल गए यहां पर तो अल्टीमेटली क्या होगा आपका जितना भी रिलेटेड डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा तो यहाँ पर देखो ना वही थर्टी फाइव थाउजेंड आ गया हमारा जो प्रॉफिट था हमारा जो हमारा इंपेयरमेंट लॉस के नाम पर चार्ज हो ना उतने आपका प्रॉफिट आएगा क्योंकि पैसा आपको सारा मिल गया क्योंकि तो अगर आपका इंपेयरमेंट लॉस बुक नहीं होता तो इसका वैल्यू आपका कैरिंग वन लाख ही होता और आपको अल्टीमेटली फाइव लाख मिल जाता तो बस इतना ही यहाँ पर आपको समझाना बस मैंने एक चीज देखना है कि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या मैंने डबल डबल वैल्यू तो नहीं ले लिया हाँ लिया चलो परफेक्ट है मैंने इंटरेस्ट देखो यहाँ पर पिछले वाले ओसीआई वाले में थर्ड ईयर में मैंने इंटरेस्ट यहाँ पर डाला और कैश इकट्ठा एक साथ फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंडा यह क्या फिफ्टी थाउजेंड थर्ड ईयर का इंटरेस्ट का अमाउंट है और फाइव लाख रुपीज यहाँ पर दिखाया और वही मैंने आपको यहाँ पर कहा कि थर्ड ईयर में यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने फिफ्टी थाउजेंड अलग से रखा और यहाँ पर फाइव लाख अलग से रखा तो आप एक साथ भी दिखा सकते थे कैश के नाम पे क्योंकि कैश तो आपको अल्टीमेटली मिला कितना फाइव लाख मिला ना यहां पर तो ये फाइव लाख का जो इफेक्ट है वो मैंने इधर दिखा दिया ये भी कैश में जाएगा पर इसको मैंने दिखाया है नहीं है ना यहां पर अलग से मैंने दिखाया कि फोर लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड आपको नेट मिलना था आपको मिला कितना फाइव लाख यानी थर्टी फाइव थाउजेंड हमारा चला जाएगा कहां पर पीएल के अंदर चला जाएगा तो देखिए ना सिंपल सा फंडा था यहां पर दोनों का अगर मैं क्रक्स आपको समझाऊ ना ओसीआई वाले मेथड में हमारा जितना फेयर वैल्यू मेजरमेंट एवरी ईयर होता है तो जो भी डिफरेंस आता है वो फेयर वैल्यू लॉस या फेयर वैल्यू प्रॉफिट के नाम पे ओसीए में चला जाता है अब इंपेयरमेंट लॉस तो पीएल में जाना है तो हम ओसीआई से निकाल के पीएल में डाल देते हैं पर एमोटेस कॉस्ट मेथड में फेयर वैल्यू का कंसेप्ट ही नहीं है सबसे गणली तो जो भी इंपेयरमेंट लॉस होगा वो उसी साल फाइनेंशियल एसेट्स को कम करेगा और आपका पीएल को कम करेगा बस बात खत्म तो इसका एंट्री यहां पर आपका सिंपल सा था ओसीआई मेथड में एंट्री क्या था, था कि आप पीएल को चार्ज करोगे ओसीआई को क्रेडिट करोगे और एमोटाज कॉस्ट मेथड में क्या था आप फाइनेंशियल एसेट्स को कम करोगे फाइनेंशियल एसेट्स को क्रेडिट करोगे पीएल को चार्ज करोगे यानी यहां पर इन दोनों का क्रक्स हमने ये समझा अगर मैं बात करूं एफबीटी ओसीआई का और अगर मैं बात करूं करूमोट कॉस्ट मेथड का तो यहाँ पर हमारा एंट्री हो रहा था पीएल चार्ज हो रहा था लॉस एलावेंस के नाम पे है ना टू ओसीआई और यहाँ पर हो रहा था, हो रहा जितना लॉस था सारा फाइनेंशियल पहले हमने डिक्रीज कर दिया था तो बस यहां पर ओसीआई आ रहा है इसलिए क्योंकि पहले ओसीआई में डाल दिया हमने अब ओसी ने हमें रिवर्स करना है और यहाँ पर हम कुछ ऐसा पहले नहीं डाला तो सीधा फाइनेंशियल को हम क्या करे क्रेडिट करें बस बात खत्म ये आपको क्रक समझना है तो चलिए मैंने आपको अकाउंटिंग भी समझा दिया इसका नेट कैरिंग अमाउंट भी हमने समझ लिया सारा चीज के तो ऑल टुगेदर हम ये कह सकते हैं यहाँ पर क्या खोल दिया मैंने हाँ ऑल टुगेदर मैंने आपको सारा चीज समझा दिया बस एक टॉपिक मुझे आपको अभी समझाना बाकी है दैट इज ये बहुत इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। हम समझ लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर इससे पहले मैं क्या करूंगा दो आईसीए के क्वेश्चन है मतलब इतने कुछ खास नहीं काम के लिए इससे ज्यादा तो हमने पढ़ लिया आईसीआई के क्वेश्चन बिल्कुल भी खास नहीं है वो दो आईसीआई के क्वेश्चन हम कर लेंगे फिर यहाँ पर ये ट्रेड रिसिबल्स का एक अच्छा सा कंसेप्ट है ये भी हम देख लेंगे और इस ट्रेड रिसिबल्स का मैं आपको एक रिलायंस का एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगा उस रिपोर्ट में भी आप देख रहे हैं रिलायंस ने भी इसी मैथड के हिसाब से उन्होंने भी क्या क्या ट्रेड रिसिबल्स का लॉस अलाउंस का प्रोविजन बुक किया तो हम उसको भी रेफर कर लेंगे और इसके बाद ही हमारे एम्पायरमेंट लॉस का टॉपिक बस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा अभी तो अभी हम इलेन 43 डिस्कस करेंगे मैंने आपको ऑलरेडी सारा कंसेप्ट समझा दिया जो भी हमारा रिलेटेड स्टडी मेटेरियल में जितने कंसेप्ट थे कैसे हमें एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालना है लाइफ टाइम ई निकालना है ट्वेल्व मंथ ई निकालना है ये सारा चीज हमने समझा पर यहाँ पर स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ मुझे कुछ आपको समझाना है क्योंकि यहाँ पर लॉस गिवन डिफॉल्ट का एक नया चीज आपको मिलेगा एंड ये लॉस गिवन डिफॉल्ट कुछ नहीं ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ही है जो हम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालते थे ना ये वैसा ही और कुछ नहीं बस यहाँ पर परसेंटेज फॉर्म में भी कितनी बार निकालते हैं तो इसलिए काम करते हैं ये समझने से पहले मैं थोड़ा सा थोड़ा सा और आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा तो जहां पर मैं वापस से डिस्कशन करूंगा आपका यहां पर जहां पर मैं आपको समझाऊंगा एक्सपोजर एड डिफॉल्ट लॉस गिवन डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ये ऑफ डिफॉल्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट चलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सिंपल वे में समझ में आ जाएगा वही है सारा फंडा बस हल्का सा कुछ है मुझे कुछ कुछ है वर्ड जो है इसका मीनिंग मुझे आपको समझाना है तो मैंने एक एग्जाम्पल भी लिख रखा है ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊं तो देखिए ना मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एनटी ए है एंटिटी ए ने किसी को टेन लाख रुपीस लोन पे दिया किसको बी को पैसा लोन पे दिया तो यहां पर एंटिटी ए के लिए तो फाइनेंशियल एसेट हुआ ना क्योंकि एंटिटी ए ने टेन लाख रुपीस किसी को उधार दिया तो एंटिटी ए के लिए क्या फाइनेंशियल एसेट है अब आफ्टर टू ईयर्स मान लो दो साल के बाद मान लो आज स्पॉट में भी हम इंपायरमेंट लॉस दिखा सकते हैं ना जो भी होगा पर मैं आज की बात नहीं कर रहा मैं आपको ज्यादा एलाबोरेट करके समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ मान लो आफ्टर टू इयर्स टू इयर्स के बाद हमें ऑब्वियसली बात है टू इयर्स में हमें कुछ पैसा भी मिला होगा इंस्टॉलमेंट वगैरह के नाम पर तो टू ईयर्स के बाद हमारा अब पैसा ड्यू है सिर्फ सिक्स लाख रुपीज यानी अब हमारा पैसा टेन लाख रुपीज ड्यू नहीं है लाख रुपीस का हमने लोन दिया था तो हमें जो भी हमारा इंटरेस्ट का पैसा वो हमें मिला प्रिंसिपल का भी पैसा कुछ मिल गया यानी बैलेंस ड्यू है हमारा कितना सिक्स लाख रूपीस कब टू ईयर्स के एंड में तो यहां पर अगर आपका बैलेंस ड्यू है सिक्स लाख रुपीज तो यहां पर हम क्या कहेंगे हम ये इसी सिक्स लाख को हम क्या कहते हैं पता है इसी को हम कहते हैं एक्सपोजर एट डिफॉल्ट यानी सिंपल सी बात है एक्सपोजर ऑफ डिफॉल्ट यानी ये वाला जो वर्ड आपको दिख रहा है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूं इसका मतलब क्या हो गया टोटल वैल्यू ऑफ द लोन एट द टाइम ए डिफॉल्ट्स। यानी एक्सपोजर एट डिफॉल्ट का मतलब हम ये देखेंगे कि जब हमें लगता है कि अगर डिफॉल्ट कर सकता है उस टाइम में हमें कितना पैसा मिलना है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको टेन लाख रुपीस दिया मैंने आज आपको टेन लाख रुपीज दिया तो आज के डेट में मेरा एक्सपोजर एट एक डिफॉल्ट होगा टेन लाख ,00 रुपीस क्योंकि आप अगर डिफॉल्ट कर जाओगे तो मेरा टेन लाख रुपए का नुकसान हो सकता है एक वन वन इंटरेस्ट भी दिया प्रिंसिपल टू लाख रुपए का दे दिया मुझे मुझे वन अब वन ईयर के बाद एट लाख रुपए आपसे मिलना है तो मेरा एक्सपोजर है एक डिफॉल्ट क्या होगा मेरा एक्सपोजर है डिफॉल्ट हो जाएगा एट लाख अब मान लो सेकंड ईयर के एंड में आपने मुझे और टू लाख रुपए दे दिया प्रिंसिपल का तो मुझे आपसे अब पैसा मिलना है सिक्स लाख रूपीज तो मेरा एक्सपोजर एट डिफॉल्ट क्या हो गया सिक्स लाख यानी अभी तक मैंने आपको ये समझाया कि एक्सपोजर एट डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट का मतलब ये कि एट द टाइम जब बोरवा डिफॉल्ट कर सकता है उस टाइम में मुझे कितना पैसा मिलना है

तो हमने अभी तक ये समझा कि एक्सपोजर एट डिफॉल्ट का मतलब आपको डिफॉल्ट जब होने का चांस है उस टाइम में आपको कितना पैसा मिलना है सिक्स लाख रुपीस मुझे मिलना तो यही मेरा एक्सपोजर एट डिफॉल्ट होगा अब आगे आगे देखते हैं यहां पर मैंने क्या लिखा ये एल क्या हो गया मैं आपको बता रहा हूं ये हो गया लॉस गिवन डिफॉल्ट ध्यान रखना ये क्या हो गया लॉस गिवन डिफॉल्ट अब मेरा बात समझो मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ मुझे आपसे सिक्स लाख रुपीस मिलना है आज सेकंड ईयर के एंड में मुझे आपसे सिक्स लाख रुपीस मिलने है तो मेरा एक्सपोजर एट डिफॉल्ट हो गया लाख रुपीस अब लॉस गिवन डिफॉल्ट क्या हो गया लॉस गिवन डिफॉल्ट क्या हो गया यह मैं समझना है तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा लॉस गिवन डिफॉल्ट लाख भी हो सकता है उससे कम भी हो सकता है लॉस गिवन डिफॉल्ट का मतलब ये हो गया कि अगर आप डिफॉल्ट कर जाओगे तो मेरा पैसा कितना डूबेगा अगर आप डिफॉल्ट कर जाओगे तो मेरा पैसा कितना डूबेगा अब आप बोलोगे क्या बात करो ये तो सिक्स लाख रुपीस से तो डूबेगा अगर आप डिफॉल्ट कर जाओगे तो सिक्स लाख रुपीस डूबेगा पर मैं कह रहा हूं नहीं सिक्स लाख रुपीस मेरा नहीं डूबेगा अगर आप डिफॉल्ट कर जाओगे मैंने कहा क्यों मैंने कहा कि आपसे मैंने कुछ को लेटर लेके रखा हुआ आप ले रखा। है आपसे मैंने ऑलरेडी कुछ को लेटर लेकर रखा हाँ मेरा एक्सपोजर है लाख का आपसे मुझे पैसे मिलने लाख पर अगर मान लो आप डिफॉल्ट कर जाओगे तो मेरा सिक्स लाख रुपीज नहीं डूबेगा मेरा उतना डूब सकता है अगर मान लो मेरे पास कोई को नहीं है कोई थर्ड पार्टी का सोर्स नहीं है तो मेरा लॉस भी सिक्स लाख हो सकता है पर लॉस सिक्स लाख से कम भी हो सकता है कब मान लो मैंने आपसे कोई को ले लिया या फिर मैं मुझे लग रहा है कि मैं कोर्ट में केस वगैरह कर दूंगा जिससे मेरा कुछ रिकवरी हो जाएगा आपका बिजनेस बिजनेस उस बिजनस को लिक्विडेट करा के मेरा कुछ रिकवरी हो जाएगा तो मतलब मुझे ये देखना है कि जितना का मेरा एक्सपोजर है मेरा उतना भी डूब सकता है या उससे कम भी डूब सकता है उससे ज्यादा तो नहीं डूबेगा सिक्स लाख का एक्सपोजर है तो सिक्स लाख ही डूबेगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा सिक्स लाख भी लॉस गिवन डिफॉल्ट हो सकता है लॉस गिवन डिफॉल्ट का मतलब कितना पैसा मेरा डूबेगा सिक्स लाख भी हो सकता है सिक्स लाख से कम भी हो सकता है पर हाँ, अगर मुझे लग रहा है कि मेरा सिक्स लाख डूबेगा नहीं मेरा सिक्स लाख का एक्सपोजर है पर मेरा सिक्स लाख डूबेगा नहीं क्यों क्योंकि मुझे मैंने आपसे कुछ कुछ को लेके ले रखा हुआ है वो को को मैं बेच दूंगा तो मेरा कुछ पैसा रिकवरी हो जाएगा या फिर आपका बिजनेस को मैं लिटिगेशन करा के आपके बिजनेस को मैं सट डाउन वगैरह करा दूंगा तो मेरा उससे कुछ रिकवरी हो जाए यानी मुझे क्या लगता है मेरा कितना रिकवरी होगा अगर मुझे लगता है कि आउट ऑफ सिक्स लाख मुझे आपसे जो रिकवर करना है मेरा फोर लाख रुपीज रिकवरी हो जाएगा

और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉसेस ए बोरवर डिफॉल्ट ऑन द लोन यानी अगर आप डिफॉल्ट कर जाओगे मेरा एक्सपोजर तो सिक्स लाख रुपीज का है पर जरूरी नहीं मेरा उतना डूबेगा उतना भी हो सकता है उससे कम भी हो सकता है कब अगर मैंने कोई कोलेट्रल आपसे लेके रखा हुआ है या कोई थर्ड पार्टी के थ्रू मैंने कोई गारंटी वगैरह लेके रखा हुआ है या कोर्ट में मैं केस करके आपसे पैसा रिकवरी कर सकता हूं तो जो भी मतलब नेट मेरा कितना पैसा डूबेगा वो मेरा हो गया क्या डिफॉल्ट यानी अभी तक हमने यह समझा अभी तक मैंने आपको यह समझाया कि एक्सपोजर एड डिफॉल्ट की अगर मैं बात करूं चलो यहां पर समझाता हूं मैं फिर से एक्सपोजर एट डिफॉल्टी अमाउंट रिसीवेबल एट द टाइम बोरो बोरो जब आप डिफोल्ट करोगे उस वक्त मुझे आपसे कितना पैसा मिलना है ये हो गया एक्सपोजर एट डिफॉल्ट और लॉस गिवन डिफॉल्ट अमाउंट ऑफ लॉस डेट विल नॉट बी रिकवर्ड इफ बोर डिफॉल्ट अगर आप डिफॉल्ट कर जाओगे तो मेरा कितना पैसा डूबेगा तो सिंपल सी बात है मान लीजिए मुझे आपसे सिक्स लाख रुपीस मिलना है आज के डेट में तो यहां पर मैं कहूंगा मेरा एक्सपोजर है, डिफॉल्ट है सिक्स लाख रुपीस पर मैंने आपको जब पैसा उधार दिया तो आपसे बदले में मैंने गाड़ी ले लिया था कार कोलेट्रल में ले लिया था तो मुझे लगा कि मुझे आपसे सिक्स लाख रुपीज मिलना है आज के डेट में और अगर आप नहीं तो मेरा एक्सपोजर है डिफ़ॉल्ट तो सिक्स लाख रुपीस का है

रिकवर हो जाएगा यानी थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड मुझे रिकवर हो जाएगा मतलब कितना रिकवर नहीं होगा मेरा अगर आप डिफॉल्ट कर जाओगे तो अगर आप डिफॉल्ट नहीं कर जाओगे तो टू लाख फोर्टी थाउजेंड मेरा रिकवर नहीं होगा यही मेरा क्या लॉस गिवन डिफॉल्ट और इसी को हम क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इसी को हम एक्सपेक्टेड ट्रेड लॉस कहते हैं और इसी को आप लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड ट्रेड लॉस भी कह सकते हो क्योंकि जब हम लाइफ टाइम लगाते हैं तो मतलब जितना आपका एक्सपेक्टेड ट्रेड लॉस है वो पूरा का पूरे आप प्रोविजन बना दोगे तो ये हमने समझा तो यहाँ पर लॉस गिवन डिफॉल्ट का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं ये हम कैसे निकालते हैं हम कहते हैं कि हमें कितना पैसा मिलना है हमें मिलना है आपसे सिक्स लाख यानी ये क्या हो गया ये एक्सपोजर है डिफॉल्ट हो गया हमें इतना पैसा आपसे आज के डेट में मिलना है और ये क्या हो गया इतना पैसा हमें लुकता है लगता है कि हमारा डूबेगा यानी लॉस गिवन डिफॉल्ट का वैल्यू तो इससे हम निकालेंगे कि 40 परसेंट हमारा पैसा डूब सकता है सिंपल सा बात है सिक्स लाख रुपए मुझे आपसे मिलना है आज के डेट पे और मुझे लगता है मेरा टू लाख फोर्टी थाउजेंड डूब जाएगा यानी

में डिफॉल्ट होगा 100% पूरा प्रोविजन बनाएंगे यानी लाख 240000 का मेरा नुकसान होगा पर वही अगर मैं बात करूं 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड के लॉस की तो ये 12 मंथ्स मतलब हम ये देखते हैं कि हमारा ओवर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कितना नुकसान होने का चांस है तो हमने देखा कि हमारा मान लो हमने माना कि 15% हमारा नुकसान है प्रोबेबिलिटी है कि 15% हमारा डिफॉल्ट होगा 15% प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है कि हमारा 12 मंथ्स में नुकसान होगा एंटायर में तो हमने कहा पूरे एंटायर लाइफ टाइम में तो 100 परसेंट प्रोविजन बनाएंगे पर नेक्स्ट 12 मंथ्स का अगर आप प्रोविजन बनाते हो जहां पर क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं हुआ है या क्रेडिट इंपैक्ट नहीं हुआ है तब तो हम 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड ट्रेड लॉस बनाते हैं तो 12 मंथ्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कम होता है ये लाइफ टाइम से कम होता है तो हमने एज्यूम किया ये फिफ्टीन किया ये एज्यूमड है हमने एज्यूम किया कि ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ट्वेल्व परसेंट ये हमारा हमारा? है, है? ठीक तो इससे हमने क्या निकाला? 12 months expected क्या निकाला? होगा हमारा? जो क्स्ट टालाउजेंड्रेड परसेंट था लॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट नेक्स्ट मंथ्स का तो नेक्स्ट ट्वेल्व का हमने थर्टी सिक्स थाउजेंड निकाल लिया पर तो चलिए तो मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं लाइफ टाइम आपको समझा लाइफ टाइम स्के मतलब कितना हमें पैसा मिलना है आज के डेट में एक्सपोजर और एट डिफॉल्ट कितना मिलना है इसमें से कितना डूबेगा फोर्टी परसेंट डूबेगा जो हमने निकाला था परसेंटेज वाइज में और अगर मैं लाइफ टाइम की बात करूं तो मैं हंड्रेड परसेंट प्रोविजन बनाऊंगा यानी टू लैक फोर्टी थाउजेंड आएगा और अगर मैं ट्वेल्व मंथ्स की बात करूं तो मैं फिफ्टीन परसेंट प्रोविजन बनाऊंगा यानी थर्टी सिक्स थाउजेंड मेरा आ जाएगा तो चलिए ये हमने पूरा अच्छी तरीके से समझा तो यानी अल्टीमेटली मैंने आपको तीन चीज समझाया एक्सपोजर एट डिफॉल्ट लॉस गिवन डिफॉल्ट और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मैंने कहा कि एक्सपोजर एट डिफॉल्ट मतलब जिस दिन आप डिफॉल्ट कर जाओगे तो मिलना है अगर आप डिफॉल्ट कर जाओगे तो मेरा कितना डूबेगा इसमें मैं देखूंगा क्या मुझे कोलेट्रल वगैरह से कुछ पैसा आ जाएगा रिकवर हो जाएगा तो मैंने देखा कि मेरा नेट लॉस होगा टू लाख ,00, फोर्टी थाउजेंड का क्योंकि थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड अगर आप पैसा नहीं भी दोगे तो मेरा रिकवर हो जाएगा कोलेटरल वगैरह से ,000, ,000, मेरा डूबेगा आउट ऑफ लाख फोर्टी परसेंट मेरा पैसा डूबेगा डेट इज माई लॉस गिवन डिफॉल्ट और यही लॉस गिवन डिफॉल्ट है लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस पर ट्वेल्व मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में हम लाइफ टाइम नहीं लगाते सिर्फ नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ का लगाते हैं तो उसमें आपको चेक करना कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है तो जितना प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है उससे आप निकाल लोगे चलिए समझ में आ गया अब अगर आपको ये समझ में आया तो आपको अब आप यहां पर बेहतर तरीके से आपको इलेन 43 समझ में आएगा तो मैं आपको यहां पर बता दू यहां पर क्वेश्चन में कहा कि पैसा जो दिया गया है वो करेंसी यूनिट वन मिलियन दिया गया यानी इसका मतलब क्या हो गया करेंसी यूनिट रूपीस टेन लाख रुपए और यहां पर हमें कुछ बताया नहीं कि कुछ पैसा रिकवर हुआ है क्या हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया इन्होंने कि सॉरी कुछ पैसा आ गया क्या ये नहीं बताया तो हम मान लेते हैं हम मान लेंगे अमाउंट रिसीवल हम ये मान लेंगे टूडे आज हमारा अमाउंट रिसिबल हम रेज्यूम कर लेते हैं करेंसी यूनिट टेन लाख की क्योंकि तो यहां पर हमें क्वेश्चन नहीं बोला कि हमारा कुछ पैसा रिसीव हो गया क्या ऑलरेडी ऐसा कुछ बोला नहीं तो मान लेंगे कि आज की डेट में भी हमारा अमाउंट ,00 मानेंगे पूरा नहीं पढ़ूंगा एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो मतलब मेरा ये जो है अमाउंट लाख यही मेरा क्या एक्सपोजर एट डिफॉल्ट है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट मेरा कितना हो गया टेन लाख ,00 हो गया मेरा आपको यह समझ में आया तो ध्यान रखना ये टेन लाख ,00 मेरा ये यहाँ डिफॉल्ट हो गया मेरा चलिए समझ में फिर आगे देखो यहां पर क्वेश्चन बोला हमें लॉस गिवन डिफॉल्ट क्वेश्चन हमें दे दिया ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द बैलेंस आउटस्टैंडिंग और हमने क्या माना बैलेंस आउटस्टैंडिंग हमारा टेन लाख की है टेन लाख करेंसी यूनिटी है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं कि कितना हमारा रिसीव हो गया तो मानेंगे जितना हमने लोन दिया उतना हमारा बैलेंस आउटस्टैंडिंग है ना क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकम्लीट है क्वेश्चन को बताना चाहिए था कि अभी तक तो कुछ भी पैसा आपका रिसीव नहीं हुआ इंस्टॉलमेंट वगैरह के थ्रू तो मान लेते हैं हमारा टेन लाख ही आज के डेट में रिसीव और है और टेन लाख की हमारा एक्सपोजर है डिफॉल्ट है तो जितना हमारा टेन लाख का एक्सपोजर है डिफॉल्ट है उसमें ट्वेंटी ही हमारा पैसा डूबने का चांस है मतलब सेवेंटी रिकवरी हो जाएगा मतलब सेवेंटी रिकवरी हो जाएगा कैसे आप मान लो के थ्रू हो जाएगा ये थर्ड पार्टी से बैंक से आ, हम प्रोसीडिंग्स करा के आपका लिटिगेशन वगैरह करा के हम पैसा रिकवर कर लेंगे मतलब 75 परसेंट रिकवरी हो जाएगा 25 परसेंट ही डूबेगा तो ये जो आपका ये जो आपका है एक्सपोजर है डिफॉल्ट चलिए ना वहीं लिखता हूं मैं फोर्टी थ्री था ना माउंट रिसीवल टू हमने माना टेन लाख है ना तो देरफोर हम एक्सपोजर डिफॉल्ट कितना बोलेंगे टेन लाख ही बोलेंगे है ना अब इसमें से इतना हमें मिलना है इसमें से हमें लग रहा है कि ट्वेंटी फाइव परसेंट लॉस ग डिफॉल्ट मतलब इतना पैसा डूब सकता है हमारा यानी इतना पैसा डूब सकता है यानी रिकवरी हो जाएगा थाउजेंड हमारा डूब सकता है और ये टू लाख फिफ्टी थाउजेंड को आप क्या बोलोगे लॉस गिवन डिफॉल्ट कह दो और आप इसी टू लाख फिफ्टी थाउजेंड को क्या कह सकते हो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस भी कह सकते है ना या फिर लाइफ टाइम ईसीएल भी कह सकते हो लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस भी कह सकते हो यानी यानी आपका आपका पर कितना आया हमारा टू लाख फिफ्टी थाउजेंड ध्यान रहे यही आपका लाइफ टाइम ईसीएल है ये हमारा लाइफ टाइम ईसीएल जहां पर हम हंड्रेड परसेंट प्रोविजन बना लेंगे लेकिन अगर मैं बात करू ट्वेल्व मंथ्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की यहाँ पर शॉर्टकट में लिख तो क्वेश्चन पूरा एक बार नहीं पढ़ रहा हूँ पॉइंट फाइव परसेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है ओवर द नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ्स नेक्स्ट ट्वेल्व परसेंट ही प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट तो आप देखो यहां पर ट्वेल मंथ कहेंगे? हम कहेंगे कि हमारा एक्सपोजर ऑफ डिफॉल्ट है उसमें से लॉस गिवन डिफॉल्ट कितने का है? तो इससे हमारा आएगा और इस पे अगर मैं लगा दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट तो मेरा आ जाएगा कि अल्टीमेटली मतलब ट्वेल्व मुझे टेन लाख रुपए से मिलना है 25 ही मेरा पैसा 75 हो जाएगा. अगर आप नहीं दोगे तो ट्वेंटी सेवेंटी फाइव परसेंट मेरा रिकवरी हो जाएगा थ्रो कोलेट्रस एंड ऑल मेरा रिकवर हो जाएगा मतलब मेरा डूबेगा कितना मैक्सिमम टू लाख फिफ्टी थाउजेंड डूबेगा लेकिन ओवर द नेक्स्ट मंथ पॉइंट फाइव परसेंट

और loss given default हमें बता दिया इन्होंने हमें बता दिया ट्वेंटी हमारा loss given default है और इसी को हम क्या कहते लाइफ टाइम ईसीएल का हो या फिर ईसीएल का हो है ना क्योंकि वो सेम ही आएगा आपका और अगर हम बात करें ट्वेल्वीएल तो हम क्या करेंगे इसी टू लाख फिफ्टी थाउजेंड पे ट्वेल्व मंथ्स का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट लगा देंगे

यानी आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर लाइफ टाइम होगा तो ये दोनों से लाइफ टाइम निकलेगा यानी एक्सपोजर डिफॉल्ट में इनटू कर दूंगा लॉस गिवन डिफॉल्ट तो मेरा लाइफ टाइम आ जाए क्योंकि हंड्रेड परसेंट प्रोविजन लाइफ टाइम में और आपका अगर 12 मंथ ट्वेल्व मंथल तो आपको 12 मंथ्स का प्रोविजन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट लगाना पड़ेगा यानी हमने लगाया तो चलिए हमने समझ में आ गया हमने आंसर भी यहां पर निकाल लिया बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के अब यहां पर वापस से मैं क्या करूं इस क्वेश्चन को एक बार मैं रीड करने की कोशिश करता हूं मैं आपके लिए ए ओरिजिनेट्स एरिजिनेट सिंगल टेन ईयर टेन ईयर का एमोटाइजिंग लोन है फॉर करेंसी यूनिट वन मिलियन यानी टेन लाख का है ना एक्सपेक्टेशन फॉर इंस्ट्रूमेंट विद सिर क्रेडिट रिस्क्रेडिट रिस्क ऑफ द बोरोनोमिकुकस्ट ट्वेल्व एन टी टी एस्टिमेट्स इनिशियल रिकॉग्निशन है प्रोबिलिटी ऑफ डिफॉल्टाइव परसेंट ओवर द नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ इसका मतलब क्या ये कहना चाहता है कि जो आपका इनिशियल रिकॉग्निशन में जो आपका प्रोबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट था ना वही सिमिलर क्रेडिट रिस्क आपको लेना चाहिए ओवर द नेक्स्ट ट्वेल्व मंथस का यानी रिपोर्टिंग रेट में भी वही सिमिलर क्रेडिट रिस्क हम लेंगे यानी यहां पर क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं हो रहा है समझ में आ मतलब यहाँ पर वापस से रिपीट करो यहाँ पर आप देखो यहां पर जो एंटिटी ए ने एस्टिमेट किया कि डेट द लोन एट इनिशियल रिकॉग्निशन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा पॉइंट फाइव परसेंट रहेगा ओवर द नेक्स्ट ट्वेल्व मंथस यहाँ पर है ना पॉइंट फाइव परसेंट नेक्स्ट ट्वेल्व मंथस का है और यहाँ पर, पर यही सिमिलर क्रेडिट रिस्क वगैरह रहेगा आपका आने वाले टाइम में तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे पॉइंट ऐसे भी आपका यहाँ पर हम थोड़ा बोलेंगे पॉइंट फाइव बहुत बड़ा रिस्क है आपका ल एक्सिमेशन ऑफ द चेंजेस इन द लाइफ टाइम पीओडी फॉर डिटर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट सिंस इनिशियल रिकॉन्ग्नेशन मतलब अगर इससे ज्यादा बढ़ता है तब हे सकते हैं क्या इंक्रीज हुआ आपका अगर मान लो पॉइंट फाइव परसेंट से ज्यादा डिफॉल्ट होने का चांस रहता है तो मतलब क्या होगा इंक्रीज इन क्रेडिट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट का अगर आपका होगा तब तो लाइफ टाइम इसलिए बनाओगे पर यहाँ पर इस चीज का हमें जरूरत नहीं है और हम क्या 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 बनाएंगे हम ट्वेल्व मंथ इसलिए बनाएंगे तो यहां पर आगे लॉस गिवन डिफॉल्ट भी हमें दिया हुआ ट्वेंटी फाइव परसेंट का तो यहां पर आपको ज्यादा एक होता है ना कि क्वेश्चन में मैं नहीं कहूंगा कि आपको 100 परसेंट अच्छे से प्लेन लैंग्वेज में क्लैरिटी दिया नहीं दिया मैं एग्री करता हूं पर यहाँ पर जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट uh, जो डेटा था जो इन्फॉर्मेशन था जो हमें चाहिए था वो हमने निकाल लिया तो हमने अल्टीमेटली इस पूरे क्वेश्चन हमने ये निकाला कि हमारा अमाउंट रिसिवल जो है वो आज के डेट में भी हमने माना टेन लाख की है यानी वन मिलियन और इसी को हम क्या कहते हैं एक्सपोजर है डिफॉल्ट है हमारा और हमने डेटा क्या निकाला हमने निकाला कि लॉस गिवन डिफॉल्ट है यानी यानी और इसी को मैं LECL, lifetime Ecl कह सकता हूं, मैं इसी को को मैं मैं कह सकता लेकिन अगर मुझे ट्वेल्व मंथीएल निकालना है तो मैं सिंपल सी बात है मैं में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट लगा दो ने पॉइंट फाइव परसेंट यानी वन टू फाइव जीरो आ गया आपका यानी आप यहाँ पर कह सकते हो लाइफ टाइम थाउजेंड ट्वेल्वीएल टू फाइव जीरो बस बात खत्म क्वेश्चन खत्म तो यहां पर हमने समझा और मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको कंसेप्ट एक्सपोजर एट डिफॉल्ट आपको याद है लॉस गिवन डिफॉल्ट का भी जो मैंने आपको मतलब समझाया था आपको याद है लॉस गिवन डिफॉल्ट ध्यान रखना वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ही और आप सीएल भी लाइफ टाइम भी कह सकते हो और इसी में अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट लगा दूंगा है ना इसी में मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट लगा दूंगा तो मेरा ट्वेल्व मंथ ईसीएल आ जाएगा है ना तो यहां पर एक बस लाइन लिख देता हूँ यहां पर एल जी डी कैन ऑल्सो बी कोल्ड lifetime Ecl and if probability of default over next 12 months is applied to laws given default then can be determined if it is determined.

थाउजेंड इन टू का, ग्रुप में थ्री हंड्रेड लाख लाख हो गया फाइव हो गया और ये तो फाइव का करेंसी यूनिट ऑफ लोन है टोटल जो दिया हुआ है है ना आगे देखते हैं इन्होंने थ्री लाख टू लाख हमें बता भी दिया जो हमने निकाला देर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड लोन कॉन्ट्रेस्ट इंक्लूड नो ऑप्शन वगैरह वगैरह कैलकुलेट करने को बोला लॉस रेट लॉस रेट हमें निकालने को बोलो नीचे हमें क्या दे दिया इन्होंने में कहा हिस्टोरिक पर एनम एवरेज डिफॉल्ट है ना तो यहाँ पर इन लोग क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट लगा रहे हम कह है सकते हैं क्योंकि ये हिस्टोरिकल पर एनम एवरेज डिफॉल्ट के हिसाब से ये अपना प्रोविजन बनाना चाहते हैं तो आप देखो ना फोर और टू बताए एक्स का फोर का डिफॉल्ट होगा यानी टोटल फोर लोन है डिफॉल्ट होगा आपका एक्स का और एक लोन का वैल्यू कितना है का एक्स का एक का वैल्यू है 200. तो टू हंड्रेड क्या हुआ एट है ना टू हंड्रेड इंटू हुआ यहाँ पर और इधर ई में टू लोन्स डिफॉल्ट होगा आपका और एक का वैल्यू कितना है थ्री हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड इन टू कितना होगा सिक्स हंड्रेड होगा आपका लेकिन इन्होंने बता दिया जो फोर ईयर डिफॉल्ट होगा इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑब्जर्व लॉस कितना है सिक्स हंड्रेड यानी आपका सिक्स हंड्रेड ही लॉस होगा इसमें प्रेजेंट वैल्यू आपका जो लॉस आपने एक्सपेक्टेड लॉस एज्यूम किया क्योंकि हम एक्सपेक्टेड लॉस लेते हैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लेते हैं तो यहां पर क्वेश्चन है ऑलरेडी हमें सब कुछ दे दिया हमें क्वेश्चन ऑलरेडी बता दी क्या है ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है समझो आप यही आपका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है और यहां पर यही आपका क्या है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है और ये दीदी और हमें क्या बोला पता है लॉस रेट बताओ बता, बता देंगे तो यहां पर देखो ना एक्स में एक्स में हमारा लॉस कितना है सिक्स हंड्रेड का लॉस होगा इन्होंने हमें बताया प्रेजेंट वैल्यू में तो हम लॉस ऐसे लिखते हैं आज का डेट का तो प्रेजेंट वैल्यू में आपका ऑब्जर्व लॉस कितना है एक्स के मामले में सिक्स हंड्रेड का लॉस है आपका तो ओवरऑल टोटल वैल्यू कितना है ओवरऑल टोटल वैल्यू कितना आपका एक्स का एक्स का टोटल वैल्यू है टू लाख यानी टू लाख का लोन में

लाख का रिसीवल में यानी कितना आएगा थ्री लाख का रिसीवल में अगर फोर फिफ्टी का थ्री थाउजेंड की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट वन फाइव परसेंट का नुकसान होगा आपका तो बस बात खत्म तो यही हमारा आंसर का हिस्सा बस इतना ही हमारा आंसर है बस बात खत्म तो प्रॉब्लम मतलब हमारे हमें, हमें लॉस इन दे दिया

बात खत्म तो चलिए एक बार आपको आपके लिए मैं काम करता हूँ यहां पर इसको भी प्रेजेंट कर देता हूं क्वेश्चन एक यहाँ ग्रुप एक्स लिखता हूं मैं और यहां पर ग्रुप वाई लिखता हूं टोटल रिसीवल हमारा जो है यहां पर टू लैख का है और यहां पर टोटल रिसीवल है हमारा थ्री लैख का कैसे है ये भी बता देता हूं थाउजेंड इंटू टू हंड्रेड है उधर थाउजेंड इंटू थ्री हंड्रेड है, है हमारा। और प्रेजेंट ऑब्जर्व लॉस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लॉस यहाँ पर हमें बता दिया उन्होंने कितना सिक्स हंड्रेड और फोर फिफ्टी बताया हमें इधर बताया सिक्स हंड्रेड और इधर बताया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लॉस कितना फोर फिफ्टी बताया और बोला लॉस रेट बता दो बता देंगे लॉस रेट हमें क्या दिक्कत है सिक्स हंड्रेड का नुकसान है आउट ऑफ टू लैख इन टू हंड्रेड यानी कितना हो गया पॉइंट थ्री परसेंट और इधर भी बता देंगे लॉस रेट फोर फिफ्टी का नुकसान है आउट ऑफ थ्री लाख इन टू हंड्रेड यानी पॉइंट वन फाइव परसेंट का नुकसान है तो बस बात खत्म सॉल्यूशन हमारा ये भी कंप्लीट होता है यहाँ पर तो चलिए ना सिंपलेस्ट तरीके से हमने दोनों ये कर लिया एंड इलेन फोर्टी थ्री भी हमने अच्छे से किया इलेन फोर्टी फोर भी हमने अच्छे से किया अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट जो मैंने आपको समझाया था कि हम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के बारे में भी बात करेंगे सॉरी ये नहीं हम बात करेंगे यहां पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ पर ट्रेड सीबल्स का एक कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव ये हम करेंगे बस बात करता हूँ फिर सो so अभी हम लास्ट टॉपिक समझेंगे इंपायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का एंड इसके बाद एक सिंगल क्वेश्चन से वो कर लेंगे हमारे इंपायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स कंप्लीट हो जाएगा सो so यहाँ पर हमने ऑलरेडी समझा था कि हम मैंने जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालते हैं यानी 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालना होता है कहीं कहीं हमें लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालना होता है कितना सारा मेहनत करना होता है फॉरवर्ड लुकिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह देखते हैं पास्ट डेटा देखते हैं प्रेजेंट कंडीशन देखते हैं वो सारा चीज़ करते हुए हम फाइनली क्या करते हैं एक्सपेक्टेड क्रेड लॉस निकालते हैं फिर हम लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेड लॉस और ट्वेल्व मंथस एक्सपेक्टेड क्रेड लॉस के हिसाब से लॉस अलाउंस बनाते हैं ये सारा चीज़ हमने समझा अब ये तो आप समझ जाओ ये सारा चीज़ करने में माथा बच्ची बहुत है मेहनत बहुत ज़्यादा है, है ना टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत सारा फैक्टर्स है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इन सब चीज़ों को समझते हुए आपको एक राहत देने की कोशिश कर रहा है वो कह रहा है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट वो क्या कहना चाहता है प्रैक्टिकल एक्सपीडेंट यानी प्रैक्टिकल एक्सपीडेंट का मतलब ही होता है कि आपको राहत देना आपको कहना कि अगर आपको लगता है कि इतना सारा झंझट पालना आपके लिए दिक्कत है तो आप एक काम करो प्रैक्टिकल एक्सपीडेंट के हिसाब से अब नॉर्मल तरीके से प्रोविजन मैट्रिक्स के हिसाब से यानी प्रोविजन मैट्रिक्स हम समझेंगे प्रोविजन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली या प्रोविजन बना दो तो बस बात खत्म और कुछ नहीं करना आपको यानी इतना ज्यादा झमेला नहीं बनना तो यहाँ पर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ ट्रेड रिसिबल्स क्योंकि ट्रेड रिसिबल्स में अलग अलग टाइप के ट्रेड रिसिबल्स होता है किसी से पैसा हमें बहुत दिन होगी मिलना है फिर भी हमें लगता है मिलेगा किसी से हमें मंथ हो गया पैसा मिलना है किसी से वन मंथ हो गया पैसा मिलना है ट्रेड ट्रेडिबल्स में हमारा अच्छा खासा पैसा ब्लॉक हुआ हुआ रहता है तो यहाँ पर मेनली स्टैंडर्ड ने हमारे साथ ट्रेड ट्रेडिबल्स के लिए ही बात किया हालांकि बाकी जगह पे भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट लगा सकते पर हो पर मेनली जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड रिसीबल्स के लिए क्वेश्चन भी है वो भी हम करेंगे और इसके रिलेटेड हम समझेंगे तो यहाँ पर इन केस ऑफ ट्रेड रिसिबल्स आप जब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालोगे

तो पास हुआ नहीं है अगर मान लो आज ये टेंथ अक्टूबर हो गया मुझे आपसे सितंबर को पैसा मिलना था डेट था ये और आज ये अक्टूबर हो गया तो क्या हो गया डेज ड्यू यानी जिस दिन ड्यू था उस दिन से टेन डेज पार हो चुका है अगर आज मान लो अक्टूबर है तो मैं कहूंगा थर्टी डेज पास ड्यू अगर आज मान लो थर्टीथ नवंबर है तो मैं कहूंगा डेज हो गया पास ड्यू यानी ड्यू डेट से कितना दिन हो चुका जब तक आपको पैसा अभी तक मिला नहीं है तो यही चीज हम देखेंगे हम क्या करेंगे अगर मान लो अभी तक आपका ड्यू नहीं हुआ है पास्ट नहीं, नहीं, अभी अभी नहीं, नहीं।, नहीं बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिनका ड्यू डेट क्रॉस तो यहां पर सबसे पहले आप क्या करोगे ये सारे में बता रही जो वन परसेंट प्रोविजन टू परसेंट प्रोविजन थ्री परसेंट प्रोविजन ट्वेंटी परसेंट प्रोविजन आपको दिख रहा है ये जस्ट स्टैंडर्ड आपके साथ डिस्कस कर रहा है ये आपको क्या करना है अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको प्रोविजन बनाना है यानी ये मैंडेटरी नहीं है ये प्रोविजन मैंडेटरी परसेंटेज और प्रोविजन जो है ना ये आपका मैंडेटरी नहीं है ध्यान रखना आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अपना प्रोविजन का परसेंटेज सेट करोगे ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है जहां पर पास ड्यू अभी तक हुआ ही नहीं तो उसका प्रोविजन कम बनेगा अगर पास ड्यू हो गया तो जितना कम पास ड्यू उतना कम प्रोविजन बनेगा तो आप देख सकते हो अगर अभी तक आपका ड्यू हुआ ही नहीं मतलब ड्यू डेट अभी तक आया नहीं है तो वन का प्रोविजन बनाओगे अगर मान लो आपका ड्यू पास्ट हो गया है ड्यू पास्ट हो गया मतलब जिस दिन आपको पैसा मिलना था जिस दिन मुझे आपसे पैसा मिलना था वो ड्यू डेट पार हो गया है पर ड्यू डेट पार हुए को अभी तक थर्टी डेज नहीं हुआ थर्टी डेज से कमी है यानी लेस देन थर्टी डेज पास ड्यू में टू परसेंट प्रोविजन बनाओगे अगर मान लो थर्टी डेज से ज्यादा दिन हो गए जब तक आपको पैसे मिले नहीं इन ड्यू डेट से थर्टी डेज क्रॉस कर गया आपको पैसे नहीं मिले लेकिन नाइनटी डेज क्रॉस नहीं किया यानी बिटवीन थर्टी एंड नाइन्टी डेज तो आप थ्री परसेंट का प्रोविजन बनाओगे और अगर मान लो बिटवीन नाइनटी डेज टू वन एट्टी डेज पास हुए तो आप ट्वेंटी परसेंट प्रोविजन बनाओगे जैसे एक एग्जांपल है अब आप कहोगे कि वन एट्टी डेज पास जुए हो गया तो अनादर उससे भी ज्यादा प्रोविजन बनेगा क्या पता हंड्रेड परसेंट प्रोविजन जाए तो ध्यान रहिए जो वन ये जो टू ये जो थ्री ये ट्वेंटी आपको याद नहीं करना है ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए है ना अलग अलग एंटिटी अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस पास्ट एक्सपीरियंस है जो इसका हिस्ट्री में इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस हुआ है उसके बेसिस में वो अलग अलग प्रोविजन बनाएगा अलग अलग परसेंटेज प्रोविजन बनाएगा और जरूरत पड़ेगा तो वो अलग अलग एरिया वाइज यानी जोग्राफिकली भी वो क्या करेगा अलग अलग परसेंटेज सेट करेगा ज्योग्राफिकली मतलब एक ज्योग्राफी में मान लो अगर मेरा डेज ड्यू है तो उसमें मैं प्रोविजन जो बना रहा हूँ तो दूसरे ज्योग्राफी में मैं वो प्रोविजन बनाऊंगा जरूरी नहीं वो डिपेंड करेगा कि अलग अलग मैं कह रहा हूँ ना ज्योग्राफिकली भी तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस सेट कर सकते हो जैसे मैं अगर कहूंगा कि हाँ चलो ठीक है मेरे नॉर्थ में लेक्चर्स इतने सेल हो रहे हैं मेरे साउथ में इतने हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा अलग अलग प्रोविजन बन सकता है अलग अलग एरिया का ज्योग्राफिकली अलग अलग प्रोविजन बन सकता है तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये परसेंटेज ऐसा कुछ भी नहीं है कि परसेंटेज मैंडेटरी है कि आपको यही प्रोविजन बनाना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं जैसे एक एग्जाम्पल तो यहां पर मैंने आपको ये समझाया कि सब कुछ को हटा के अब प्रैक्टिकल एक्सपीडेंट मतलब आपको राहत देने के लिए आपको कहा गया चलो ठीक है सब कुछ जाने दो आप एक काम करो आप अपना हिस्टोरिकल पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस में परसेंटेज और प्रोविजन बनाओ आप अपना एक स्पेसिफाइड परसेंटेज सेट कर दो और उसका प्रोविजन बना दो तो आपको झमेला नहीं बांधना होगा तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं प्रोविजन बना सकते हैं तो यहां पर बेसिकली हर फाइनेंशियल एसेट्स में आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट का बेनिफिट मिल सकता है पर अभी हम बात करें ट्रेड डिसिबल्स का एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड ने भी सिर्फ ट्रेड डिसेबल्स का एक्जाम्पल्स ही डिस्कस किया और एग्जाम के लिए भी सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है और यहां पर ही थोड़ा ज्यादा ट्रेड डिसब्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि अच्छा खासा ट्रांजेक्शन हुआ रहता है तो यहां पर हमने क्या देखा हम प्रोविजन मैट्रिक्स बनाएंगे प्रोविजन मैट्रिक्स हम बनाएंगे यानी यानी प्रोविजन मैट्रिक्स अलग अलग जो आपका क्लासिफाई करेंगे कौन से कौन से डेट पे आपका ड्यू डेट है कितना ड्यू है उसके अकॉर्डिंगली उसे सेपरेटली क्लासिफाई करके उसका प्रोविजन बनाएंगे तो हमने डिस्कस किया कि अभी तक ड्यू नहीं हुआ यानी इफ नॉट पास ड्यू तो वन परसेंट बना लो जरूरी नहीं वन परसेंट वो डिपेंड करेगा अलग अलग एंटिटी का अलग अलग रेट होगा अगर मान लो पास्ट ड्यू हो चुका पर थर्टी डेज क्रॉस नहीं किया तो अलग रेट थर्टी टू नाइनटी डेज अलग रेट नाइनटी टू वन एटी डेज अलग रेट तो इस तरीके से हमें अलग अलग रेट का प्रोविजन बनाना है तो चलिए हमने एक आइडिया तो ले लिया अभी हम क्या करेंगे क्वेश्चन कर लेंगे अभी हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर हम करेंगे इस क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर से फोर्टी फोर नहीं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव हाँ क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव अभी हम करेंगे चलो ठीक है यही इससे आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा

क्योंकि मैंने कहा अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से अलग अलग प्रोविजन का रेट हो सकता है द कस्टमर बेस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्लाइंट्स एंड द ट्रेड ट्रेडल्स आर कैटेगराइज बाय कॉमन रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स डेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कस्टमर्स एबिलिटीज टू पे ऑल अमाउंट्स ड्यू इन अकॉर्डेंस विद द विद्रेक्चुअल टर्म्स द ट्रेड रिसिब्स डो नॉट है सिग्निफिकट फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट इन अकॉर्डेंस विद इंडेक्स वन वन फाइव तो अगर वो होता तो भी उसे हम सेपरेटली फाइनेंसिंग कॉम्पोनें के हिसाब से दिखाते वन वन फाइव के हिसाब से चलो यहाँ पर कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं इन अकॉर्डेंस विद्राफ पॉइंट फाइव ये जरूरत नहीं है द लॉस अलावेंस फॉर सच ट्रेड रिसीबल इज ऑलवेज मेजर्ड एट एन अमाउंट इक्वल टू लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेड लॉस और हमें पता है ट्रेड रिसिबल्स में हम ट्वेल्ल मंथस नहीं लगाते है ना जो भी शॉर्ट टर्म आपका ट्रेड रिसिबल्स रहता है जनरली ट्रेड रिसिबल्स में हम क्या लगाते हैं

और मिला के कितना हो जाएगा मिलियन हो गया है ना और अब देख सकते हो यहाँ पर भी करेंसी यूनिट थर्टी मिलियन है तो ये थर्टी मिलियन का हमें हिसाब दे दिया तो हमें कहा कि करंट जो आपको पैसा मिलना है ये फिफ्टी मिलियन ये अभी तक पास ड्यू नहीं हुआ है मतलब मतलब ये करंट आपका पैसा मतलब Not past ड्यू ये अभी तक ड्यू नहीं हुआ पास्ट ड्यू नहीं हुआ अभी तक यानी ये पूरा का पूरा सेफ है और कुछ पैसे यानी 7.5 मिलियन जो है ये आपका पास ड्यू हो चुका ड्यू डेट क्रॉस गया, पर 30 डेज के अंदर ही है। फिर थर्टी डेज से ज्यादा क्रॉस कर गया सिक्सटी डेज के अंदर है अलग अलग आपको दिया हुआ है और देखो ना यहां पर नीचे आपका पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको डिफॉल्ट रेट्स भी अलग अलग दे दिए यहां पर कि करंट वाले के लिए पॉइंट थ्री परसेंट का प्रोविजन बनाओ वन से थर्टी डेज के लिए वन पॉइंट सिक्स परसेंट बनाओ और थर्टी वन से सिक्सटी डेज के लिए थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट बनाओ सिक्सटी वन से नाइनटी डेज के लिए सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट और मोर देन नाइन्टी डेज ड्यू के लिए टेन पॉइंट सिक्स परसेंट अब आप कहोगे कि एग्जाम में कभी कभी रेट दिया हुआ नहीं रहेगा देखो हमेशा नाइनटी नाइन परसेंट दिया हुआ ही रहेगा एग्जाम में रेट और अगर नहीं दिया हुआ रहता है ना तो आप अपने एजमसन के हिसाब से प्रोविजन बना देना बात खत्म है ना क्योंकि मैंने कहा ही आपको ये रेट अलग अलग एंटिटी का अलग अलग रेट होगा और अलग अलग एंटिटी का अलग अलग जोग्राफिकल वाइज भी अलग अलग रेट होगा है ना वो उनका पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ये रेट निकालेंगे तो यहां पर अब देखो हमें क्या करना है हमें यहां पर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालना है ध्यान रखना ये लाइन थोड़ा सा गलत हो गया था अब यहाँ पर लिख देना एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस हमें डिटरमाइन करना है

चली, तो हमने समझा यहां पर तो अभी हम इलेन फोर्टीफाइव करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो क्या क्या दिया हुआ है हमें डेटा हम लिखेंगे पहले नॉट ड्यू वन टू थर्टी डेज पास्ट ड्यू थर्टी वन टू सिक्सटी डेज पास्ट ड्यू और क्या क्या दिया हुआ सारा देख लेते हैं पास्ट ड्यू नाइन्टी वन टू वन एटी डेज पास्ट ड्यू ये तो दिया हुआ है ना अच्छा नहीं पूरा मोर देन नाइन जितने मोर देन नाइन्टी डेज वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे जो मोर देन नाइन डेजो तो यहाँ पर हमें देख लेना कि कितने कितने अमाउंट हमारे जो ड्यू है यहाँ पर फिफ्टीन मिलियन uh, है ना यानी फिफ्टीन मिलियन फिफ्टीन एंड फिफ्टीन मिलियन है यहाँ पर नेक्स्ट सेवन पॉइंट फाइव मिलियन फोर मिलियन टू पॉइंट फाइव मिलियन और एक जीरो आ जाएगा यहां पर सेवेंटी फाइव जीरो फोर सिक्स जीरो आएगा ठीक है एंड ट्वेंटी फाइव जीरो वन सिक्स जीरो तो so, ये हमारा इतना पैसा हमें मिलना है है ना और अलग-अलग डेट का ड्यू डेट है हमारा ये रिसीवेबल से हमारा और हमें परसेंटेज ऑफ प्रोविजन जो लगाना है है ना परसेंटेज हमारा दिया ना लॉस रेट जो है हमारा इतना एक्सपेक्टेड कितना लॉस रेट है हमारा 0.3% 1.6% बस कुछ नहीं जो हमारा रिसीवेबल से उसमें हम जो एक्सपेक्टेड हमारा जो हमारा लॉस रेट है वो लगा देंगे 3.6% 6.6% और नेक्स्ट वाला टेन पॉइंट सिक्स परसेंट है मुझे लगता है यस टेन पॉइंट सिक्स परसेंट है यहाँ पर देयरफॉर हमारा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस हो जाएगा ओब्वियसली लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ही हो गई क्रेडिट लॉस चलिए एक एक करके निकाल लेते हैं फिफ्टीन Into point three percentage in forty-five thousand. The next seventy-five five zero into one point six percent. Here at twelve four zero. Here are forty 60, right? 000. six zero in a three point six percent, 25 four 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 triple zero twenty five six point six percent one six five triple zero एंड वन टेन पॉइंट सिक्स परसेंट वन जीरो सिक्स ट्रिपल जीरो देखो हमारा एक्सपेक्टेड ट्रेड लॉस आ गया ओबियसली लाइफ टाइम ही है फोर्टी फाइव थाउजेंड इंटू वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इंटू वन फोर्टी फोर ट्रिपल जीरो अरे क्या करूँ प्लस करना है ना फोर्टी फाइव थाउजेंड प्लस वन टू डबल जीरो डबल जीरो वन डबल फोर ट्रिपल जीरो वन सिक्स फाइव ट्रिपल जीरो वन जीरो सिक्स ट्रिपल जीरो

करेंसी यूनिट फाइव लाख एटी थाउजेंड बस परफेक्ट हमारा आंसर ये निकल के आ गया यहां पर सो फाइनली हमने पूरा इंपायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स कंप्लीट कर लिया